आज इस व्याख्यान में मैं राजनीतिक संप्रभुता के मुद्दे की बात पहले करूंगा और व्याख्यान के पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा व्याख्यान खत्म होने के बाद का जो कार्यक्रम होगा उसमें हम सब लोग यहां सामूहिक रूप से संकल्प लेंगे, सौगंध विधि का कार्यक्रम होगा। तो आपसे मेरा निवेदन ये है कि व्याख्यान के अंत में बिना संकल्प लिए हुए, बिना सौगंध विधि के कार्यक्रम को पूरा किए हुए आप में से कोई यहाँ से जाएगा नहीं। संकल्प विधि का कार्यक्रम मुश्किल से एक मिनट में पूरा हो जाएगा और वो संकल्प क्या लेना है और क्यों लेना है वो मेरे व्याख्यान के विषय में मैं आपसे कहने की कोशिश करूंगा। देश के सामने जो चुनौतियां खड़ी हुई हैं आजादी के 50 साल में, आर्थिक चुनौतियां हैं, फिर राजनीतिक चुनौतियां हैं और सांस्कृतिक चुनौतियां भी हमारे सामने हैं। अभी हाल में जो राजनीतिक चुनौती हमारे देश के सामने पैदा हुई है उसके बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूं। पिछले लगभग 2 सप्ताह पहले भारत के वैज्ञानिकों ने 5 आणविक परीक्षण किए और ये जो 5 आणविक परीक्षण हुए जमीन के अंदर बहुत ही सफलतापूर्वक हुए। तो सबसे पहले तो मैं आप सब की तरफ से उन सभी वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने ये 5 सफल आणविक परीक्षण करके भारत को अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में एक अच्छे स्थान पर ले जाकर खड़ा किया। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने ये जो 5 सफल आणविक परीक्षण किए इसके बाद की दुर्घटना ये है कि अमेरिका ने हमारे देश के ऊपर आर्थिक पाबंदी लगा दी है। अमेरिका ने हमारे ऊपर आर्थिक पाबंदी लगाई है, उसके साथ साथ जापान ने भी लगा दी। तो जापान और अमेरिका जैसे देशों द्वारा लगाई गई आर्थिक पाबंदी और भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किए गए 5 सफल आणविक परीक्षण, इन्हीं 2 प्रश्नों के विश्लेषण को आपके बीच रखने की कोशिश कर रहा हूं। अमेरिका को कौन सी परेशानी है जब हमारे देश के वैज्ञानिकों ने ये परीक्षण किए? अमेरिका की तकलीफ क्या है कि उसने भारत पर आर्थिक पाबंदी लगाने की घोषणा की है? तकलीफ अमेरिका की ये है कि भारत के वैज्ञानिकों ने जब ये 5 आणविक परीक्षण किए तो इससे सिद्ध हुआ है कि भारत के वैज्ञानिक ना सिर्फ आणविक परीक्षण करके अणु बम बना सकते हैं बल्कि हाइड्रोजन बम भी बना सकते हैं। और आप सब जानते हैं कि अणु बम से हजारों गुना ताकतवर हाइड्रोजन बम होता है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने जो 3 परीक्षण किए थे वो हाइड्रोजन बम बनाने के लिए थे और 2 परीक्षण जो किए थे वो आणविक बम बनाने के लिए थे। अमेरिका को तकलीफ इस बात की है कि भारत सरकार ने ये जो 5 परीक्षण कर लिए हैं और भारतीय वैज्ञानिकों ने इनको सफलतापूर्वक पूरा किया है तो अब भारत स्वावलंबी हो जाएगा और भारत अगर हाइड्रोजन बम बना लेगा, अणु बम बना लेगा तो अमेरिका जैसे देशों से खरीदने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम अमेरिका के पास नहीं जाएंगे कभी बम खरीदने के लिए। तो अमेरिका को तकलीफ इस बात की है कि अगर भारत जैसे देश उनके पास बम खरीदने के लिए नहीं जाएंगे तो अमेरिका के हथियार और बम बिकना बंद हो जाएंगे और उनकी दुकान कुछ ठंडी पड़ जाएगी, क्योंकि अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा व्यापारी है जो बम बनाता है और हथियार बेचता है। तो एक तो उनकी तकलीफ और परेशानी ये है। दूसरी, अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को परेशानी ये है कि भारत के वैज्ञानिकों ने ये जो 5 परीक्षण किए इसकी जानकारी उनको नहीं मिल पाई। अमेरिका के 2-2 सैटेलाइट भारत में लगे हुए हैं जो रात दिन भारत की जासूसी करने का काम करते हैं। अमेरिका के हजारों CIA के एजेंट भारत में घूमते हैं जो हर दिन हमारे देश की
महत्वपूर्ण जानकारियों को अमेरिका भेजने का काम करते हैं, तो हजारों CIA के एजेंट और अमेरिका के दो दो सैटेलाइट ये पता नहीं लगा सके कि भारत के वैज्ञानिक पोखरण में क्या करने जा रहे हैं। और जब यहां आणविक परीक्षण हो गए तो उसके बाद अमेरिका के सैटेलाइट ने अमेरिका के वैज्ञानिकों को सूचना ये दी तो पोखरण में धरती कंप हो गया है, भूकंप हो गया है। तो जब यहां से अमरीकी सैटेलाइटों ने यह जानकारी भेजी कि पोखरण में धरती कंप हुआ है, भूकंप हुआ है, तो अमरीकी वैज्ञानिक चादर तान के सो गए कि धरती कंप तो होते ही रहते हैं, भूकंप तो होते ही रहते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि पोखरण में धरती कंप नहीं हुआ है, हमने आणविक परीक्षण किए हैं, तो अमरीकी राष्ट्रपति की नींद हराम हो गई और उन्होंने खुलेआम CIA को डांट पिलाई है। अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने सरेआम CIA के अधिकारियों को इस बात के लिए डांटा कि हम आपके ऊपर अरबों डॉलर का खर्चा करते हैं और आपको जिम्मेदारी दी हुई थी भारत की एक एक गतिविधि की जानकारी देने के लिए, और आप सब के सब फेल हो गए। भारत के वैज्ञानिकों ने इतने सफलतापूर्वक परीक्षण किए तो अमरीका को तकलीफ यह है कि उनको जानकारी नहीं हुई और हमारे वैज्ञानिकों ने 5 परीक्षण कर लिए। तो शायद ऐसा लगता था कि हम अगर अमरीका को बता के करते तो शायद उनको संतोष रहता। तो बिल क्लिंटन को यह कहने का मौका नहीं मिलता कि हमको माहिती नहीं थी, हमको जानकारी नहीं थी। एक तीसरी बात और है इसके पीछे। तीसरी बात यह है कि अमरीकी सरकार को अब डर इस बात का लग रहा है कि भारत ने अगर ये बम बनाना शुरू कर दिया और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचना शुरू कर दिया, हाइड्रोजन बम बेचना शुरू कर दिया, अणु बम बेचना शुरू कर दिया, तो हमारे देश के वैज्ञानिक जब एक बम तैयार करते हैं तो उसमें मुश्किल से 1 करोड़ रुपए का खर्च आता है, और अमरीका में यही बम जब तैयार किया जाता है तो उसमें करोड़ों डॉलर का खर्च आता है। तो अमरीका द्वारा तैयार किए गए बम का खर्चा बहुत ज्यादा है, भारत के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए बम का खर्चा बहुत कम है। तो अमरीकी सरकार को अब यह लग रहा है कि कहीं भारत के वैज्ञानिकों ने और भारत की सरकार ने एक नई नीति अगर बना दी कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमरीका की कंपनियां हथियार बेचती हैं, अमरीका की कंपनियां बम बेचती हैं, वैसे ही भारत की तरफ से हथियार बेचे जाएंगे, बम बेचे जाएंगे, तो अमरीकी धंधा ठप हो जाएगा, क्योंकि हमारे बम बहुत सस्ते हैं, बहुत अच्छे हैं, अमरीकी बम बहुत महंगे हैं और बहुत अच्छे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक और मुश्किल है अमरीका की। अमरीका दरअसल तब से परेशान है जब से हमारे देश में पूना के सीबेक के वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर बनाया परम 10,000। पहले हमारे देश के पूना के वैज्ञानिकों ने परम बनाया, सुपर कंप्यूटर बनाया, फिर उसके बाद परम 10,000 बना दिया। तो बिना अमरीकी कंपनियों के मदद के परम बनाया था वैज्ञानिकों ने, और बिना किसी अमरीकी और विदेशी कंपनी की मदद के परम 10,000 नाम का सुपर कंप्यूटर भी बना है। ये परम 10,000 के स्तर का जो सुपर कंप्यूटर हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया, ये 1 नहीं 12 बनाए हैं। अमरीका जापान के बाद दुनिया में अब हमारा 3रा नंबर है जो हम इस स्तर के सुपर कंप्यूटर बना सकते हैं और बेच सकते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने जो सुपर कंप्यूटर तैयार किया है उसकी लागत, उसकी कीमत बहुत कम है। यही सुपर कंप्यूटर जब अमरीका में तैयार होता है तो हमारे वैज्ञानिकों ने जितने दाम पर बनाया है उसका कम से कम 3 गुना दाम अमरीका में लगता है। तो अमरीकी सरकार को तब से परेशानी बढ़ गई है कि भारत के वैज्ञानिकों ने बिना अमरीका की मदद के परम बनाया, फिर बिना अमरीका की मदद के परम 10,000 बना लिया, फिर बिना अमरीका की मदद के परम 1 लाख भी बनाएंगे, परम 10 लाख भी बनाएंगे, और लगातार हम स्वावलंबी होते चले जाएंगे, तो फिर अमरीका को कौन पूछेगा? और हम अगर उनको नहीं पूछेंगे तो उनकी चौधराहट कम हो जाएगी, उनकी दादागिरी कम हो जाएगी। तो उनकी तकलीफ कुछ इस तरह की है। अन्यथा इस अमरीकी सरकार को यह बात कहने की नैतिक हिम्मत कैसे हुई कि वो भारत सरकार को कहे कि आपने ये अणु बम का परीक्षण क्यों किया? हमारे देश के वैज्ञानिकों ने ये अणु बम का परीक्षण जमीन के अंदर किया, जानते हैं क्यों?
क्योंकि जमीन के ऊपर अणु बम का परीक्षण करने से नुकसान बहुत होता है और लाखों लोग मर जाते हैं। जमीन के ऊपर जब अणु बम का परीक्षण किया जाता है तो उससे रेडिएशन इतना तेज होता है, विकिरण इतना ज्यादा होता है कि उससे लाखों लोग मर सकते हैं और वर्षों वर्षों तक उसका असर रह सकता है। इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने ये पांचों के पांचों परीक्षण जमीन के नीचे किए, जमीन के ऊपर नहीं किए कभी भी, ताकि किसी को नुकसान ना होने पाए। और नुकसान भी कितना हुआ है। पोखरण नाम के गांव में दो किसानों के घर की दीवार चटक गई है, टूटी नहीं है, बीच में से दरार पड़ गई। मुझे बहुत खुशी हुई जब उन दोनों किसानों से टेलीविजन पे इंटरव्यू लिया गया और पूछा गया कि आपके घर की दीवार चटक गई है, टूट भी सकती है, गिर भी सकती है। तो उन दोनों किसान भाइयों ने जवाब दिया कि मेरे घर की दीवार अगर गिर जाएगी तो दोबारा बन जाएगी, लेकिन मेरे राष्ट्र का सम्मान तो ऊंचा हुआ। इतनी बुद्धिमानी की बात, इतनी बुद्धिमता की बात हमारे देश के दो साधारण किसानों ने करी, वो हमारे देश के बहुत सारे बेवकूफ नेता नहीं कर रहे हैं। हमारे देश में कुछ ऐसे बेवकूफ नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि गलत समय पर परीक्षण किया है, तो पूछिए कि सही समय कौन सा था फिर। मुझे भी लगता है कि भारत सरकार ने थोड़ा गलत समय पर परीक्षण किया, लेकिन मैं क्या मानता हूं कि यह परीक्षण होना चाहिए था जिस दिन पाकिस्तान ने गौरी मिसाइल का टेस्ट किया था, ठीक उसके अगले दिन हो जाना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि थोड़ा देरी हो गई है, होना तो उसी के अगले दिन चाहिए था जब गौरी मिसाइल का परीक्षण हो गया था। तो ठीक है, वैज्ञानिकों को शायद तकनीकी व्यवस्थाएं जुटाने में कुछ समय लगता है, तो उस व्यवस्था के समय के कारण थोड़ी देरी हुई, लेकिन वो किया तो सही है। लेकिन हमारे देश के बहुत सारे नेताओं के मुंह से वो शब्द नहीं निकल रहे हैं जो हमारे देश के साधारण लोगों के मुंह से निकल रहे हैं। इस देश में परीक्षण के बाद तत्काल एक सर्वे किया गया, एक सर्वेक्षण किया गया, तो सर्वेक्षण के नतीजे ये आए कि 92% लोगों ने कहा कि ये बहुत अच्छा हुआ है, 5% लोगों ने कहा कि उनको कुछ नहीं मालूम है, और बाकी कुछ 2 या 3% लोगों ने ये कहा कि ये ठीक नहीं हुआ है। तो 92% लोग इस देश में जो उत्साह दिखा रहे हैं, जो बुद्धिमानी उन्होंने दिखाई है, वो हमारे देश के बहुत सारे नेताओं से दिखने में नहीं आ रही है, और एक गलत तरह का प्रचार पूरे देश में शुरू हो गया है। और शायद आपके मन में भी उस प्रचार से कुछ प्रश्न पैदा हुए होंगे। जैसे आजकल एक बहुत बड़ा प्रश्न है, रोज अखबारों में चर्चा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लेख लिख देता है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी नेता की कोई टिप्पणी आ जाती है, तो इस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं। अभी तो 3 दिन पहले मैं चौंक गया जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यह कह दिया कि इस परीक्षण के बाद अमरीका द्वारा लगाई गई आर्थिक पाबंदी का बहुत ज्यादा नुकसान हमारे देश को होने जा रहा। तो मुझे लगा कि ऐसी गलत बयानी पूरे देश में हमारे देश के जिम्मेदार नेता कर रहे हैं, तो बाकी साधारण लोगों का दिग्भ्रमित होना बहुत स्वाभाविक है। तो मैं आज आपको इसी प्रश्न पर गंभीरता से कुछ कहने के लिए आया हूं कि अमरीका ने जो हमारे ऊपर आर्थिक पाबंदी लगाई है उसका क्या नुकसान होने जा रहा है हमको, और अमरीका ने कितनी आर्थिक पाबंदी हमारे ऊपर लगाई है। अमरीका में एक कानून है सन 1994 का बना हुआ है, और 1994 का बना हुआ जो अमरीका का कानून है उसमें यह है कि अगर कोई देश आर्थिक परीक्षण, वो अणु परीक्षण करता है, तो अमरीकी सरकार उस देश को अपने देश में से जाने वाली आर्थिक मदद बंद कर सकती है, रोक सकती है। तो अमरीका की सरकार हमारे देश को कितनी आर्थिक मदद देती है एक साल में जो वो रोक सकते हैं इस आर्थिक पाबंदी के तहत, उस कानून की जानकारी अभी मैंने की, यूएस लॉ जो 1994 में उन्होंने सेनेट में पारित किया था, उस कानून के तहत अमेरिका सिर्फ इतनी पाबंदी लगा सकता है कि भारत सरकार को वो प्रतिवर्ष जो आर्थिक मदद देते हैं, जो एड देते हैं, वो उसको रोक देंगे। तो कितनी मदद देता है अमेरिका हमको एक साल में। हमारे देश में केंद्र सरकार के 40 लाख कर्मचारी हैं, तो केंद्र सरकार के जो 40 लाख कर्मचारी हैं उनकी अगर एक एक दिन की तनख्वाह इकट्ठी कर ली जाए, सिर्फ एक दिन की,
40 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों की एक दिन की तनख्वाह इकट्ठी कर ली जाए और उसको किसी कोष में रख दिया जाए तो वो उतना ही पैसा है जितना अमेरिका द्वारा आपको एक साल में आर्थिक मदद दी जाती है। तो अमेरिका द्वारा दी गई एक साल की आर्थिक मदद अगर हमको रुक गई तो क्या हमारे देश के 40 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों में इतनी शक्ति नहीं है कि वो एक दिन की तनख्वाह दान कर दें अपने इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए? तो आपके मन में आएगा ये तो बहुत आसान काम है, और है भी, सच में है, और ये काम शुरू हो गया है। हमारे देश में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर नाम की एक बड़ी बैंक है, उसके कर्मचारियों ने अभी कुछ दिन पहले एक मीटिंग की और उस मीटिंग में उन्होंने ये फैसला किया कि अमेरिका द्वारा आर्थिक पाबंदी जो लगाई गई है भारत के ऊपर, इस आर्थिक पाबंदी का विरोध करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के पूरे देश में जितने कर्मचारी हैं वो सब के सब एक दिन की तनख्वाह दान करेंगे। तो मैं आपकी तरफ से उन सभी कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने ये कदम उठाने का फैसला किया। और अभी कुछ दिन पहले मैं पूना में था, 3-4 दिन पहले, तो पूना में मेरा एक जाहिर व्याख्यान हुआ था और उस जाहिर व्याख्यान को पूना के एक बैंक ने आयोजित किया था। उस बैंक का नाम है जनता सहकारी बैंक। तो जनता सहकारी बैंक के कर्मचारी मेरे व्याख्यान में मेरे सामने बैठे हुए थे, मेरे साथ मंच पर उनके मैनेजर्स बैठे हुए थे। तो मैंने उनको कहा उदाहरण देते हुए कि अगर स्टेट बैंक बीकानेर एंड जयपुर के कर्मचारी अपने एक एक दिन की तनख्वाह दान कर सकते हैं तो जनता सहकारी बैंक के कर्मचारी क्यों नहीं कर सकते। तो आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि उसी क्षण जनता सहकारी बैंक के सभी कर्मचारियों ने हाथ उठाकर इसका समर्थन किया कि हम भी अपने एक एक दिन की तनख्वाह प्रधानमंत्री कोष में दान करेंगे ताकि इस देश की सरकार के सामने आर्थिक पाबंदी का कोई असर ना आने पाए। तो अगर सारे देश के केंद्र कर्मचारी इसी फैसले को लगातार आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो 40 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों के एक एक दिन की तनख्वाह अगर इकट्ठी कर ली जाएगी और देश के किसी काम में लगा दी जाएगी तो अमेरिका द्वारा दी गई आर्थिक मदद की भरपाई हो जाएगी, उसकी पूर्ति हो जाएगी। अब प्रश्न आता है जापान हमारे ऊपर कितनी आर्थिक पाबंदी लगा रहा है। जापान की सरकार ने हमारे ऊपर आर्थिक पाबंदी लगाने की घोषणा कर दी है। तो मैं आपको एक दूसरी छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं कि जापान द्वारा भारत सरकार पर लगाई गई आर्थिक पाबंदी का भी जवाब हमारे पास है। आप सब जानते हैं हमारे देश में 1 करोड़ लोग इनकम टैक्स देने वाले हैं साल भर। तो ये 1 करोड़ लोग जो साल भर में इनकम टैक्स देते हैं, अगर ये स्वेच्छा के साथ 1% इनकम टैक्स बढ़ाकर अगर दे देंगे 1 करोड़ लोग इस साल, तो भारत सरकार को जापान से जितनी आर्थिक मदद लेती है उसकी पूरी भरपाई हो जाएगी। तो 1 करोड़ इनकम टैक्स पे ही अगर 1% टैक्स बढ़ाकर देंगे, जितना वो दे रहे हैं उसमें सिर्फ 1% बढ़ा दें, तो हमारे पास इतना पैसा हो जाएगा कि जापान द्वारा लगाई गई आर्थिक पाबंदी का भी हम पूरी तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। और तीसरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश के लोग जो विदेशों में रहते हैं, जिनको हम नॉन रेजिडेंट इंडियंस कहते हैं, अनिवासी भारतीय कहते हैं, उन सभी नॉन रेजिडेंट इंडियंस लोगों के एसोसिएशन ने ये घोषणा की है कि वो इस साल भारत सरकार को 15 अरब डॉलर अपनी तरफ से दान करने जा रहे हैं। तो ये 15 अरब डॉलर इतना पैसा है कि अमेरिका और जापान द्वारा लगाई गई आर्थिक पाबंदियां अगर 5 साल तक चलती रहे तो भी भारत सरकार को कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि हमारे देश के कुछ बेवकूफ नेताओं द्वारा दिए गए बयानों से आप भ्रमित ना हो जाएं। कुछ नेताओं ने ये जो कहना शुरू कर दिया है कि देश को बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा, गलत समय पर यह परीक्षण हुआ है, इस बात से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम इस पूरे के पूरे आर्थिक नुकसान की भरपाई करने में सक्षम हैं। और अभी बहुत सारा ऐसा इलाका बाकी है जिसका जिक्र मैंने आपसे नहीं किया है। उदाहरण के लिए आप सब जानते हैं हमारे देश में इस समय लगभग
20 लाख छोटे छोटे कारखाने हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं पूरे देश में लगभग 20 लाख। एक दिन मैं हिसाब लगा रहा था कि हमारे देश में लघु उद्योग कहते किसको है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते किसको है, तो सरकार के आंकड़ों के अनुसार जिस कारखाने में 3 करोड़ रुपए का उत्पादन होता है एक साल में, उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते। तो 3 करोड़ रुपए का उत्पादन करने वाले हमारे देश में 20 लाख कारखाने हैं, तो कुल उत्पादन कितना बैठता है, 20 लाख × 3 करोड़, 20 लाख × 3 करोड़। अभी आप कैलकुलेशन करना शुरू करिए तो जीरो लगाते चले जाएंगे आप। तो एक दिन मैं सोच रहा था कि अगर ये सारे के सारे कारखाने अपने एक एक घंटे का उत्पादन, एक दिन का भी नहीं, एक एक घंटे का उत्पादन अगर राष्ट्र के कोष में दान कर देंगे तो 15 साल की आर्थिक पाबंदी का इलाज हमारे पास है। इसलिए इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि अमेरिका ने हमारे ऊपर आर्थिक पाबंदी लगा दी है तो हमारे देश का क्या होगा, जापान ने हमारे ऊपर आर्थिक पाबंदी लगा दी है तो हमारे देश का क्या होगा। कुछ भी नहीं होने वाला है, बल्कि इसका उल्टा मैं देख रहा हूं कि अमेरिका और जापान द्वारा लगाई गई आर्थिक पाबंदियां हमारे देश के राष्ट्रीय स्वाभिमान को जगाएंगी जो इस देश में वर्षों वर्षों से मृत प्राय हो गया था। वो राष्ट्रीय स्वाभिमान अगर हमारा जगेगा, राष्ट्रीय सम्मान अगर हमारा जगेगा, तो हम इन सभी पाबंदियों का डटकर मुकाबला कर सकेंगे और ऐसी किसी भी चुनौती से लड़ने में हम सक्षम हैं, हम गए गुजरे नहीं हैं। और इन सब बातों का संदेश अमेरिका पहुंचेगा तो उनको भी ये समझ में आएगा कि भारत वो नहीं है जो इराक है। इराक के ऊपर अमेरिका ने आर्थिक पाबंदी लगा रखी और इराक की हालत उन्होंने बहुत खराब कर दी। तो इराक जैसे देश पर अमेरिका ने आर्थिक पाबंदी लगाई है, सूडान लीबिया जैसे देशों पर अमेरिका ने आर्थिक पाबंदी लगाई है, ईरान जैसे देशों पर अमेरिका ने आर्थिक पाबंदी लगा रखी है, क्यूबा जैसे देशों पर अमेरिका ने आर्थिक पाबंदी लगा रखी है, तो इन तमाम देशों पर अमेरिका ने आर्थिक पाबंदी लगाई है। निकारागुआ नाम का एक देश है, वहां पर अमेरिका ने आर्थिक पाबंदी लगाई है। तो इन सारे देशों पर अमेरिका ने जो आर्थिक पाबंदी लगाई है तो उन देशों की हालत थोड़ी खराब है, लेकिन भारत ईरान नहीं है, भारत इराक नहीं है, भारत निकारागुआ नहीं है, भारत ऐसा कोई भी देश ऐसा नहीं है जैसे ये देश हैं। तो अमेरिका को इस बात का एहसास और अंदाजा हो जाना चाहिए कि भारत वैसा देश नहीं है जैसा वो समझकर बैठा हुआ है। तो इसलिए अमेरिका या जापान द्वारा लगाई गई आर्थिक पाबंदी का हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर एक भी पैसे का विपरीत असर नहीं डालने वाला है, बशर्ते कि हम हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान को पीछे हटने ना दें, तो हमारे देश के लिए ये एक अच्छा सुनहरा मौका बनने वाला है। आप सब जानते हैं जब किसी दूसरे देश का आक्रमण होता है किसी देश पर तो राष्ट्रीय स्वाभिमान पैदा होता है और सारे लोग जाति भूलकर, धर्म भूलकर, पंथ भूलकर, संप्रदाय भूलकर एक तरह की भाषा बोलते हैं जैसे आज बोल रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर अभी कुछ दिन पहले पूना में मेरे एक जाहिर व्याख्यान में कुछ लोगों ने इस बात का विरोध करने के लिए, अमेरिका का विरोध करने के लिए सिटी बैंक के कार्ड सरेंडर कर दिए। पूना में 25 से ज्यादा नौजवानों ने भरे जाहिर व्याख्यान में सामने से आकर सिटी बैंक के कार्ड फाड़ कर फेंक दिए और कहा कि राजीव भाई इस अमेरिका द्वारा लगाई गई आर्थिक पाबंदी का ये जवाब हमारे पास है कि हम अमेरिका की सिटी बैंक की कोई भी सेवाएं नहीं लेंगे। और उन 20-25 भाइयों ने जो सिटी बैंक के कार्ड सरेंडर किए हैं उसके बाद पूना में एक लहर जैसी चली है और अगले 28 मई को पूना में मैं एक रैली करने जा रहा हूं। उस रैली में कम से कम 500 से 1000 दूसरे भाई अपने सिटी बैंक का कार्ड सरेंडर करने जा रहे हैं। ऐसा ही एक भाई है जो धर्म से, संप्रदाय से मुसलमान है और उसने सिटी बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यहां जो बंबई में बैठता है उसको चिट्ठी लिखी और उसने कहा है कि मेरा जितना फिक्स डिपॉजिट सिटी बैंक में है वो सब मुझे वापस लेना। तो सिटी बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने उस भाई को कहा कि अगर आप समय के पहले अपना फिक्स डिपॉजिट निकालेंगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपका सारा इंटरेस्ट डूब जाएगा,
तो उसने जवाब दिया, भाड़ में जाए आपका इंटरेस्ट और आप वो ले लीजिए, मुझे मेरा मूलधन वापस कर दीजिए। तो ना जाति होती है, ना धर्म होता है, ना संप्रदाय होता है। जब देश के सामने कोई संकट खड़ा होता है तो लोग अपने सारे जाति धर्म संप्रदाय के भेदों को भूलकर एक साथ राष्ट्र के साथ खड़े हो जाते हैं। वही समय हमारे देश के सामने आया है और वो एक लहर पूरे देश में चल भी रही है। इसलिए अमेरिका द्वारा लगाई गई आर्थिक पाबंदी का एक भी पैसे का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर और भारत की किसी भी नीति पर पड़ने नहीं जा रहा है। इसके दूसरी तरफ एक दूसरी बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि अमेरिका ने यह कहा कि भारत सरकार ने यह गलत किया है, तो प्रश्न ये उठता है कि अमेरिका को यह कहने की हिम्मत कैसे हुई, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने तो सिर्फ अब तक 6 आणविक परीक्षण ही किए हैं, 5 अभी किए हैं, एक 1974 में किया था। तो हमारे वैज्ञानिकों ने कुल मिलाकर 6 आणविक परीक्षण किए हैं और सारे के सारे आणविक परीक्षण जमीन के नीचे किए। 1974 में जो किया था वो भी जमीन के नीचे था और अभी जो हमने परीक्षण किए हैं वो भी जमीन के नीचे हैं। तो हमारे सारे के सारे वैज्ञानिकों ने अपने सभी आणविक परीक्षण जमीन के नीचे क्यों किए? ताकि किसी भी आदमी की जान का नुकसान ना होने पाए। हम तो हमारे यहाँ चींटी मारने में भी पाप मानते हैं, इसलिए किसी भी आदमी की जान लेना तो हमारे लिए और भी मुश्किल है। तो ये जानबूझकर सारे के सारे परीक्षण जमीन के नीचे किए गए, क्योंकि भारत एक शांत प्रिय देश है। हम शांत प्रिय हैं उसका ये सबसे बड़ा नमूना है। हम अहिंसा वाले देश हैं उसका यह सबसे बड़ा नमूना है कि हमने परीक्षण जमीन के अंदर किए। इसके विपरीत अमेरिका ने जब अपना सबसे पहला आणविक परीक्षण किया था तो वो जापान के लोगों के ऊपर किया था। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने अपना पहला आणविक परीक्षण किया था जापान के हिरोशिमा नाम के शहर पर, और उसके ठीक 3 दिन के बाद अमेरिका ने अपना दूसरा आणविक परीक्षण जापान के एक दूसरे शहर नागासाकी के ऊपर किया था 9 अगस्त 1945 को। तो 6 अगस्त 1945 को जापान ने बम गिराया था, अणु बम गिराया था हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने बम गिराया था नागासाकी पर। तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिरा अमेरिका का अणुबम और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिरा अमेरिका का अणुबम, और उन दोनों अणुबम के गिरने के बाद 6.5 लाख जापानी तड़प तड़प कर मर गए। इतना बड़ा अत्याचार अमेरिकी सेनाओं ने जापान के ऊपर किया था, और वो जो 6.5 लाख जापानी तड़प तड़प कर मरे हैं उससे ज्यादा कई गुना जापानी अब तक बर्बाद हुए हैं उन दो परीक्षणों के कारण। इसी वर्ष 30 जनवरी को बंबई में एक प्रदर्शनी हुई थी, जापान की सरकार के द्वारा बंबई में वो प्रदर्शनी लगाई गई थी। मैं उस प्रदर्शनी को देखने गया था, मैं जनवरी के महीने में यहां था बंबई में। तो उस प्रदर्शनी को देखने जब मैं गया था तो वो प्रदर्शनी जापान की सरकार के द्वारा लगाई गई वो प्रदर्शनी थी जिसमें उन्होंने फोटोग्राफ्स के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की थी कि 6 अगस्त और 9 अगस्त हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो दो अणुबम गिराए गए थे उसका नुकसान जापान को क्या क्या हुआ है। और उस प्रदर्शनी को लेकर जो जापानीज लोग आए थे, उन जापानीज लोगों के साथ उनमें से एक वैज्ञानिक था। मैंने जब कुछ बात करने की कोशिश की तो 15-20 मिनट मेरी उससे चर्चा हुई, ज्यादा बात नहीं हुई। तो उसने बताया कि आज भी जापान में उन दोनों अणु बम का इतना बुरा असर है कि आज भी जापान में बच्चे विकलांग पैदा होते हैं उस इलाके में, हिरोशिमा नागासाकी के इलाके में। वो जापानी वैज्ञानिक मुझे बता रहे थे कि कुछ ऐसे बच्चे हमारे यहां पैदा होते हैं जिनका सिर बहुत बड़ा होता है, शरीर बहुत छोटा होता है। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका शरीर बहुत बड़ा होता है, सिर बहुत छोटा होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो बचपन से ही सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, बोल नहीं पाते। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बचपन से जॉन्डिस का, कैंसर का बीमारी लेकर पैदा होते हैं। तो आज भी जापान के हजारों लाखों बच्चे उस बुरी घटना से प्रभावित हैं जो घटना आज से लगभग 55 साल पहले घटित हुई थी, उसका असर आज भी खत्म नहीं हुआ है।
तो जिस अमेरिका ने अपने दो आणविक बम गिराकर 6.5 लाख से ज्यादा जापानीज लोगों को मारा हो, जिस अमेरिका ने जापान की लाखों लाखों लोगों को पिछले 55 साल में बर्बाद कर दिया हो अपने दो आणविक बम के कारण, जापान की पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया हो, वो अमरीकी सरकार को यह कहने का अधिकार किसने दिया कि भारत ने ये 5 आणविक परीक्षण क्यों किए? और इससे भी महत्वपूर्ण एक दूसरा प्रश्न है कि जब 6 अगस्त 1945 को यह अणु बम गिरा था, 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा बम गिराया गया था, तो उसके बाद एक संधि हुई थी और उस संधि में से यूनाइटेड नेशंस का जन्म हुआ था। और वो संधि किस बात की हुई थी? दूसरे विश्व युद्ध में ये जो बर्बादी आई थी, इस बर्बादी को देखकर बहुत सारे देशों के राष्ट्रपति कांप गए थे। दूसरे विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा बर्बादी हुई थी जापान की, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बर्बादी हुई थी फ्रांस की, तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बर्बादी हुई थी जर्मनी की, और ऐसे तमाम देश थे जो इस विश्व युद्ध में बर्बाद हो गए थे। तो इन सारे देशों ने आपस में समझौते किए थे, और किस बात के समझौते किए थे कि हम कभी भी भविष्य में युद्ध नहीं लड़ेंगे। फ्रांस की सरकार ने जर्मनी से समझौता किया कि फ्रांस की सेनाएं कभी जर्मनी पर आक्रमण नहीं करेंगी। जर्मनी की सरकार ने फ्रांस से समझौता किया कि कभी भी जर्मनी की सेनाएं फ्रांस पर आक्रमण नहीं करेंगी। और ऐसे जितने 12 यूरोप के देश हैं, जिनको हम सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज कहते हैं, मध्य यूरोपीय देश कहते हैं, ये 12 देश वही हैं जो अगले 5-6 महीने के बाद एक कॉमन यूरोपियन मार्केट बनाने जा रहे हैं। और सन 1999 के बाद उनका कॉमन यूरोपियन मार्केट जब बन जाएगा तो उसमें वो कॉमन यूरोपियन करेंसी भी लाने जा रहे हैं। यूरो डॉलर नाम की उनकी करेंसी आ रही है जनवरी 1999 से, और यूरो डॉलर नाम की जब करेंसी आ जाएगी तो उनकी बहुत सारी आपसी समस्याओं का वो समाधान कर लेंगे। तो ये सारे के सारे 12 देश वो हैं जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के बाद लड़ाई ना करने की कसम खाई है, किसी पर आक्रमण ना करने की कसम खाई है। और अमेरिका का भी इन देशों के साथ एक समझौता है। 12 देशों ने आपस में समझौता किया हुआ है युद्ध ना करने का, लड़ाई ना करने का, और अमेरिका ने अलग से इन 12 देशों के साथ समझौता किया हुआ है युद्ध ना करने का, लड़ाई ना करने का। तो प्रश्न ये है कि इन देशों ने अपनी सुरक्षा तो कर ली, अपनी व्यवस्था तो कर ली कि हम कभी आपस में युद्ध नहीं लड़ेंगे और हम कभी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि युद्ध में खर्चा बहुत होता है, बर्बादी बहुत होती है, नुकसान बहुत होता है, फायदा बहुत कम होता है। और अमेरिका ने भी इन देशों के साथ समझौता किया है युद्ध ना लड़ने का, लड़ाई ना करने का। तब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि तो क्या अमेरिका चुप बैठ गया उस दिन से? 1945 में दो अणु बम गिराकर यूरोप के देशों के साथ ये समझौता करके कि कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे, कभी हथियारों का व्यवसाय नहीं करेंगे यूरोप के देशों की कंपनियों के साथ, तो क्या अमेरिका चुप बैठ गया है? ऐसा नहीं। अमेरिका ने उस दूसरे विश्व युद्ध में शांति के समझौते के बाद दुनिया में 325 युद्ध कराए हैं गरीब देशों की जमीनों पर। इन अमीर देशों ने तो आपस में समझौते किए हैं कि वो युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी रणनीति भी बनाई हुई है कि वो आपस में कभी युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन गरीब देशों में हमेशा उसके लिए युद्ध होते रहेंगे। क्यों होते रहेंगे? जब ये शांति का समझौता चल रहा था तो उस समय फ्रांस का एक राष्ट्रपति था, उसका नाम था चार्ल्स द गॉल। तो चार्ल्स द गॉल ने एक प्रश्न उठाया था, और नैतिक प्रश्न उठाया था उसने। उसने ये प्रश्न उठाया था कि अगर हम 12 के 12 यूरोपीय देश आपस में आक्रमण ना करने की संधि करते हैं, हम 12 के 12 देश आपस में समझौता करते हैं कि कभी युद्ध नहीं करेंगे, और अमरीका भी अगर इस संधि को मारने को तैयार है, तो चार्ल्स द गॉल ने प्रश्न उठाया था कि फिर हम हथियार भी नहीं बनाएंगे, हम हथियारों का धंधा भी बंद करेंगे, क्योंकि जब हमको युद्ध करना ही नहीं है तो हथियार बनाने से फायदा क्या, बंदूकें बनाने से फायदा क्या, बम बनाने से फायदा क्या। और चार्ल्स द गॉल बहुत इंटेलिजेंट आदमी था, तो वो ये कहता था कि जितने रुपए में हम हथियार बनाएंगे, जितने धन में हम हथियार बनाएंगे, उससे बहुत कम धन में हम पूरे यूरोप की गरीबी दूर कर सकते हैं, पूरे यूरोप में जो अशिक्षा है,
जो अशिक्षा फैली हुई है उसको हम दूर कर सकते हैं, मजदूरों को रोजगार दे सकते हैं, लोगों को सामाजिक न्याय दे सकते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी सुविधाएं दे सकते हैं अगर हम हमारे हथियारों का उत्पादन कम कर दें या खत्म कर दें। तो जिस समय चार्ल्स द गॉल ने यह सवाल उठाया था, उस समय अमरीका का राष्ट्रपति था, उसका नाम था हैरी ट्रूमैन। तो हैरी ट्रूमैन ने चार्ल्स द गॉल को यह कहा था कि हम आपस में युद्ध नहीं करेंगे लेकिन हथियार बनाना भी बंद नहीं करेंगे। आप देखिए अमेरिका का चेहरा, कि युद्ध नहीं करेंगे वो आपस में सारे के सारे अमीर देश, लेकिन हथियार भी बनाना बंद नहीं करेंगे। तो हैरी ट्रूमैन ने क्या घोषणा की थी? हैरी ट्रूमैन ने यह कहा कि हम हथियार बनाएंगे गरीब देशों में युद्ध करवाने के लिए, माने गरीब देश मरेंगे वो आपस में युद्ध करेंगे, उनमें हथियार बिकेंगे अमेरिका के। तो गरीब देशों में युद्ध होते रहेंगे, हथियार बिकते रहेंगे, वहां के लोग मरते रहेंगे, वहां के लोगों को इसका नुकसान होता रहेगा, लेकिन वो हथियार अमीर देशों की कंपनियां बनाती रहेंगी और गरीब देशों में बेचती रहेंगी। तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि 1945 में यूनाइटेड नेशंस बन गया, सारी दुनिया में शांति पैदा कराने के लिए, शांति की स्थापना करने के लिए सभी देशों ने आपस में समझौते कर लिए कि हम कभी युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन 1945 के बाद अमेरिका ने दुनिया में 325 युद्ध कराए हैं गरीब देशों की जमीनों पर, और उन सारे के सारे युद्ध कराने के पीछे अमेरिका का क्या स्वार्थ था? अमेरिका का उसमें एक ही स्वार्थ था कि अमेरिका खुद युद्ध नहीं करता है लेकिन अमेरिका के हथियार सबसे ज्यादा बनते हैं पूरी दुनिया में। तो अमेरिका के हथियार तभी बिकेंगे जब दुनिया के दूसरे गरीब देशों में युद्ध होते रहेंगे। तो दूसरे देशों में युद्ध होते रहे इसके लिए अमेरिका हमेशा कोशिश करता रहता है। और ये जो 325 युद्ध हो चुके हैं 1945 के बाद, पूरा का पूरा यूनाइटेड नेशंस कॉलैप्स कर चुका है। जिस उद्देश्य के लिए संयुक्त राष्ट्र बनाया गया था, उद्देश्य यह था कि कभी भी दो देशों में आपस में युद्ध की स्थिति नहीं पैदा होने देगा, ऐसी एक संस्था हम बनाएंगे, बातचीत के माध्यम से सारी समस्याओं का हल करेंगे। लेकिन वो संयुक्त राष्ट्र की संस्था पूरी तरह से फेल हुई जब अमरीका की कंपनियों ने और अमरीकी सरकारों ने 325 युद्ध कराए पूरी दुनिया में अपने हथियारों को बेचने के लिए। कुछ उदाहरण दूं तो आपको याद आएगा, ये अमेरिका ही की सरकार थी जिसने युद्ध कराया नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में 60 के दशक में। कोरिया नाम का एक देश था, इस देश को दो टुकड़ों में बांट दिया अमेरिका ने, उत्तरी कोरिया अलग हो गया, दक्षिणी कोरिया अलग हो गया। ये अमेरिका ही था जिसने युद्ध कराया सूडान और लीबिया के बीच में, ये अमेरिका ही था जिसने युद्ध कराया ईरान और इराक के बीच में, ये अमेरिका ही था जिसने युद्ध कराया वियतनाम में 60 के दशक में, ये अमेरिका ही था जिसने युद्ध कराया चिली कोस्टारिका में, ये अमेरिका ही था जिसने युद्ध कराए लैटिन अमेरिकी देशों में, ये अमेरिका ही था जिसने साउथ ईस्ट एशिया के तमाम गरीब देशों में सैकड़ों युद्ध कराए हैं पिछले 55 साल के अंदर। तो दुनिया के तमाम देशों में युद्ध कराना और अपने हथियारों की बिक्री कराना और उन हथियारों की बिक्री से दुनिया के करोड़ों लोगों की जान ले लेना और दुनिया के करोड़ों लोगों को खत्म कर देना, ये अमरीकी सरकार का सबसे बड़ा धंधा है। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि अमरीका की जो टोटल इकोनॉमी है, अमरीका की जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में एक साल का जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, अमरीका का जो GDP है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका लगभग 2/3 हिस्सा सिर्फ हथियारों की बिक्री से आता है। माने अमरीकी सरकार की जो आमदनी है, उस आमदनी का लगभग 2/3 हिस्सा हथियार की बिक्री से वो कमाते हैं, सिर्फ 1/3 आमदनी उनकी दूसरे सामानों की बिक्री से वो कमाते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सारी दुनिया में अशांति पैदा करने वाला अगर कोई देश इस समय है तो वो अमेरिका है। और हमेशा अमेरिका ने बम बनाए हैं दूसरे देशों में लड़ाइयां करवाने के लिए, अशांति करवाने के लिए, जबकि हमारे वैज्ञानिकों ने बार बार घोषणा की है कि ये पांचों के पांचों परीक्षण शांतिप्रिय परीक्षण है। इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत की सेनाओं ने कभी किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया। पिछले 5000 साल का इतिहास इस बात को बताता है।
और पिछले 1500 साल का इतिहास तो हमारा लिखित इतिहास है। जब कोई भी एक ऐसा उदाहरण हमको नहीं मिलता अपने इतिहास में जब हमारे देश का कोई राजा दूसरे देश के राजा पर आक्रमण करने के लिए गया हो। हमारे देश में जब बड़े महान राजा होते थे, ताकतवर राजा होते थे, उस जमाने में भी हमने कभी किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया। उदाहरण के लिए हमारे देश का सबसे बड़ा और ताकतवर राजा माना जाता है सम्राट अशोक, तो सम्राट अशोक की सेनाएं कभी भी किसी दूसरे देश पर आक्रमण करने के लिए नहीं गई। सम्राट अशोक के बेटे बेटियां सब गए दूसरे देशों में धर्म का प्रचार करने के लिए, संस्कृति का प्रचार करने के लिए, लेकिन कभी भी आक्रमण करने के लिए नहीं गया सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के बाद हमारे देश का जो दूसरा सबसे बड़ा ताकतवर राजा माना जाता है उसका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन भी कभी नहीं गया कभी किसी दूसरे देश पर आक्रमण करने के लिए। हर्षवर्धन के बाद हमारे देश का जो तीसरा सबसे बड़ा ताकतवर सम्राट माना जाता है जो था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वो भी कभी नहीं गया किसी देश पर आक्रमण करने के लिए। तो 1500 साल का लिखित इतिहास भारत का यह बताता है कि हमारी सेनाएं कभी भी किसी दूसरे देश पर आक्रमण करने के लिए नहीं गईं। हमारे देश में से साधु संत दूसरे देशों में गए धर्म का प्रचार करने के लिए, संस्कृति का प्रचार करने के लिए, लेकिन हमारी सेनाएं कभी नहीं गई किसी दूसरे देश पर आक्रमण करने के लिए। हमारे देश के बड़े बड़े व्यापारी दूसरे देशों में गए व्यापार करने के लिए, लेकिन हमारे व्यापारियों ने कभी भी किसी दूसरे देश को गुलाम नहीं बनाया जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों ने हमारे देश में किया। तो इतिहास इस बात का गवाह, और आज भी हमारी नीति वही है जो 1500 साल से है, जो 5000 साल से है, कि भारत कभी भी सामने से किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत अपनी सुरक्षा व्यवस्था के प्रति लापरवाह भी हो जाए। हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन 3rd century BC से लेकर 3rd शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर सिकंदर के आक्रमण से लेकर और ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने तक भारत के ऊपर 1000 से ज्यादा आक्रमण हुए हैं परदेशी। हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन दूसरे देशों से हमारे देश के ऊपर 1000 से ज्यादा आक्रमण हुए हैं। तो इन 1000 आक्रमणों से अपने देश की सुरक्षा को करने के लिए या अपनी अस्मिता बचाने के लिए, राजनीतिक व्यवस्था बचाने के लिए शायद हमने कभी कभी हिंसा की होगी, लेकिन वो अपनी आत्मरक्षा में की थी, हमने किसी दूसरे पर आक्रमण करके नहीं की थी। तो भारत हमेशा से शांतिप्रिय देश रहा है, इसलिए आज भी हमारी नीति वही है, जबकि अमरीका इसके ठीक उल्टा काम करता रहा है। अमरीका की हमेशा से नीति रही है दूसरे देशों पर आक्रमण करना, दूसरे देशों को गुलाम बनाना, दूसरे देशों की लूट करना, दूसरे देशों को बर्बाद करना, ज्यादा से ज्यादा हिंसा करना, ज्यादा से ज्यादा सारे दुनिया में अपनी बर्बादी फैलाना और अपने ज्यादा लूट करना, ये अमरीका की पॉलिसी रही हमेशा से। तो उस अमरीकी सरकार में यह नैतिक हिम्मत कहां से आई जो भारत सरकार को कहती है कि हम शांतिपूर्वक परीक्षण भी ना करें और अमरीका दुनिया के तमाम करोड़ों लोगों को मारने के लिए आणविक परीक्षण करता रहे और अणु बम बनाता रहे। आपको मालूम है 1945 के बाद अमरीका ने 1047 अणु परीक्षण किए, और अमरीका ने ही अकेले नहीं किए, सोवियत संघ नाम का एक देश था जो अब खत्म हो गया है, अब रूस है, रूस की सरकार ने लगभग 700 से ज्यादा आणविक परीक्षण किए हैं, 700। चीन की सरकार ने 47 आणविक परीक्षण किए हैं। फ्रांस की सरकार ने सैकड़ों आणविक परीक्षण किए हैं, ब्रिटेन की सरकार ने खुद किए हैं। तो ये सारे के सारे वो देश हैं जो कई बार आणविक परीक्षण कर चुके हैं और अपने भंडारों में उन्होंने अणु बम बना के रखे हुए हैं, और वही सारे देश हैं जो हमारे खिलाफ पाबंदी लगाने की घोषणाएं कर रहे हैं या पाबंदी लगाने के लिए दूसरे तमाम देशों को उकसा रहे हैं। हमारे यहां हिंदी में एक कहावत होती है, अगर आप उसको समझ सके तो मैं जरूर कहूंगा। हमारे हिंदी में कहा जाता है 100 चूहे खाए बिल्ली हज को चली। माने पहले 100 चूहे खाओ फिर हज की यात्रा करो, पवित्र हो जाओ। अमरीका जैसी हालत ऐसी है अमरीका की कि 1047 परीक्षण कर चुका है अमरीका, दुनिया के करोड़ों लोगों को मौत की घाट उतारा है उन्होंने अपने परीक्षणों के दौरान, और वो अमरीकी सरकार कह रही है कि भारत को ये नहीं करना चाहिए था। हमने हमारी आत्मरक्षा में किया है, क्यों?
क्योंकि हमारा बिल्कुल पड़ोसी देश है चीन, जो 47 परीक्षण कर चुका है और चीन के साथ हमारा झगड़ा है बहुत लंबे समय से। हमारी 72,000 वर्ग मील जमीन चीन के कब्जे में है और चीन के बाद हमारा दूसरा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जिसके साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। जब से पाकिस्तान बना है तब से रिश्ते अच्छे नहीं, और पाकिस्तान 3 बार आक्रमण कर चुका है हमारे ऊपर, एक छोटा सा था, 2 बड़े थे। चीन भी 1 बार आक्रमण कर चुका है हमारे देश के ऊपर। तो पाकिस्तान के आक्रमण के बाद स्थिति कुछ ऐसी है कि हमारा पूरा का पूरा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर उनके कब्जे में है। पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है लेकिन वो पाकिस्तान के कब्जे में, और 72,000 वर्ग मील जमीन हमारी चीन के कब्जे में। जब चीन ने हमारे देश की इस 72,000 वर्ग मील जमीन को हड़प लिया था तो हमारे देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते थे। तो हिंदी चीनी भाई भाई करते करते 72,000 वर्ग मील जमीन दे दिया चीन को, और एक दिन पार्लियामेंट में यह सवाल उठा कि ये 72,000 वर्ग मील जमीन आपने चीन को क्यों दे दिया। आप सब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जब चीन का आक्रमण हुआ था भारतीय सेनाएं इंतजार कर रही थी कि कब हमको आदेश मिले और कब हम जाएं अटैक का जवाब देने के लिए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अटैक करने के बजाय उनको कहा था कि तुम पीछे चले आओ। और इतिहास इस बात को जानता है कि जब भारतीय सेनाएं हमारे नॉर्थ ईस्ट से चली आई थी तो अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने, सिक्किम के लोगों ने अपनी अपनी लाठियों से चीनी सरकार का मुकाबला किया। ये अरुणाचल प्रदेश बचा है वहां के लोगों की दम पर, ना कि भारतीय सेनाओं की दम पर। अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने उनके पास जो भी हथियार थे इकट्ठे करके लाठियों से चीनी सेनाओं के सैनिकों का मुकाबला किया। भारतीय सेनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वापस बुला लिया और उसी का नतीजा ये निकला कि 72,000 वर्ग मील जमीन हमारी चली गई चीन के कब्जे में। तो जब पार्लियामेंट में एक दिन सवाल आया कि ये 72,000 वर्ग मील जमीन जो देश की चली गई है चीन के कब्जे में, इसको वापस लेने की कोई योजना बनानी चाहिए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक दिन पार्लियामेंट में कहा कि वो 72,000 वर्ग मील जमीन बेकार की थी, उसमें कुछ भी नहीं उगता था, एक घास का तिनका भी उसमें नहीं उगता था, ऊसर जमीन थी, बंजर जमीन थी, बैरन लैंड थी, अगर चली गई तो क्या नुकसान हुआ। तो हमारे पार्लियामेंट में एक एमपी ने खड़े होकर पंडित नेहरू को कहा कि पंडित, तुम कह रहे हो कि उस जमीन पर घास का एक तिनका भी नहीं उगता था इसलिए वो बेकार थी, तो तुम्हारे खोपड़ी पर भी एक भी बाल नहीं उगता है, इसको भी काट के चीन को दे दो। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इसका मतलब क्या है, हमारे देश की कुछ जमीन में अगर कुछ नहीं होता तो हम क्या परदेशी को दे देंगे उसको। ये कमजोरी की बातें हैं, ये उन नेताओं की बातें हैं जो स्पाइन लेस थे, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं थी। अगर रीढ़ की हड्डी होती तो हिंदुस्तान की जमीन का एक एक टुकड़ा, वो चाहे जितना हमारे लिए बेकार का हो, लेकिन जब राजनीतिक संप्रभुता का सवाल आता है तो वो बेशकीमती हो जाता है। अगर यही प्रश्न इसराइल के लोगों के सामने होता तो इसराइल नाम का राष्ट्र तो कभी दुनिया में बनता नहीं। अगर यही प्रश्न तिब्बत के लोगों के सामने होता तो तिब्बत के लोगों ने तो अपनी लड़ाई कब की बंद कर दी होती, क्योंकि तिब्बत की बहुत सारी जमीन ऐसी है जिस पर कुछ नहीं हो सकता। तो तिब्बत के लोगों ने अगर पंडित नेहरू वाली दिशा को अपनाया होता तो वो ये फैसला कर चुके होते हैं कि हमारी सारी जमीन ले लेने दो चीन को। तो तिब्बत के लोग तो लड़ाई नहीं लड़ रहे होते अपने राष्ट्र की कभी भी। और यही बात अगर फिलिस्तीन के लोगों ने कही होती, यासर अराफात जैसे लोगों ने जो फिलिस्तीन राष्ट्र बनाने के लिए लड़ रहे हैं, अगर वही बात वो कहने लगे कि हमारे पास तो कुछ भी ऐसी जमीन नहीं है जिसमें कुछ हो सके, सारी की सारी बैरन लैंड है, ज्यादा लैंड तो वहां पर ऊसर है, बंजर है, या तो रेगिस्तान है, वो भी यही कह देते कि हमारी जमीन तो बेकार है, हमको तो कुछ करना नहीं, तो ये तो राष्ट्र बनते नहीं है इस तरह के प्रश्नों से। इस तरह के प्रश्नों से राष्ट्र टूटते हैं, कमजोर होते हैं, पीछे जाते हैं, कभी आगे नहीं जाया करते। तो ये तो तकलीफ थी हमारे देश की उस स्पाइनलेस लीडरशिप की जिन्होंने इस तरह की बातें कहना शुरू किया, और वैसी ही स्पाइनलेस लीडरशिप आज भी दिखाई दे रही है जो कह रही है कि गलत समय पर परीक्षण किया। ये उन्हीं के वंशज हैं जो कहते थे कि 72,000 वर्ग मील जमीन में एक तिनका नहीं उगता घास का, उन्हीं के वंशज कह रहे हैं
कि गलत समय पर परीक्षण हुआ है, तो इनको चिट्ठी लिखकर पूछिए कि सही समय कौन सा था परीक्षण करने का, तुमने क्यों नहीं कर लिया, 5 साल का शासन तो तुम्हारे हाथ में भी था, तुमको किसी ने रोका था क्या? तो यहां तो परेशानी एक दूसरे तरह की है कि कोई भी बड़े से बड़े राष्ट्रीय प्रश्न को पार्टी के मुद्दे में घसीटकर उसका सत्यानाश करना अगर सीखना हो तो यह कांग्रेसी वंशजों से सीखना चाहिए। इनको इतनी भी अकल नहीं है कि यह राष्ट्रीय प्रश्न है, यह कोई पार्टीगत प्रश्न नहीं है, यह निहित स्वार्थ के प्रश्न नहीं है। और राष्ट्रीय प्रश्नों पर जो लोग राष्ट्र के साथ नहीं खड़े होते, समय आने पर इतिहास उनको अच्छा सबक सिखाता है, और इनको भी सबक सीखने के अब दिन देखने ही पड़ेंगे। अगर इस देश की जनता ने यह समझ लिया है, 92% लोग कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा किया है, और उसमें से कुछ लोग सेक्शुअली टाइप पे कह रहे हैं कि नहीं गलत किया है या गलत समय पर परीक्षण किया है, तो इनको भी इतिहास आने वाले समय में वैसे ही सबक सिखाएगा जैसे दुनिया में ऐसे लोगों के साथ होता ही रहा है। इसलिए इस बात से डरने की कोई जरूरत नहीं है कि यह परीक्षण गलत समय पर हुआ है या इससे कोई बड़ा नुकसान हमारे ऊपर होने वाला है, बल्कि इसके विपरीत एक तीसरी और आपसे बात कहना चाहता हूं कि हम चाहें तो इस परीक्षण के बाद अमेरिका और जापान जैसे देशों ने हमारे ऊपर जो आर्थिक पाबंदी लगाई है उसका जवाब पूरी चुनौती के साथ देने की हमारी जरूरत है आज, क्योंकि अमेरिका ने यह आर्थिक पाबंदी नहीं लगाई है, जापान ने यह आर्थिक पाबंदी नहीं लगाई है, हमारे राष्ट्र की अस्मिता को चुनौती दी, हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता के सामने उन्होंने चुनौती खड़ी की, तो हमारी राष्ट्रीय अस्मिता और राष्ट्रीय संप्रभुता के सामने उन्होंने चुनौती खड़ी की। और मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय संप्रभुता एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कहीं कोई समझौता नहीं हो सकता किसी भी तरह का, यह बिना समझौते वाला मुद्दा है, हमेशा अनकंप्रोमाइज, जिस पर कोई भी समझौता हो नहीं सकता। और राष्ट्रीय अस्मिता भी ऐसा ही एक मुद्दा है जिस पर कभी किसी के साथ कोई समझौता हो नहीं सकता। तो हम कोई समझौता किसी के साथ कर नहीं सकते और करना भी नहीं चाहिए। कोई भी देश जो स्वाभिमानी देश है वो अपनी अपनी अस्मिता के साथ, अपनी संप्रभुता के साथ किसी दूसरे देश को खिलवाड़ करने का मौका नहीं दे सकता, किसी भी दूसरे देश को चुनौती देने का मौका नहीं दे सकता। और जापान जैसे देशों ने हमारे ऊपर जो आर्थिक पाबंदी लगाई है उसका भरपूर जवाब देने की जरूरत है। और ये भरपूर जवाब हम कैसे दे सकते हैं? ये जवाब देने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ऊपर का है कि सरकार के स्तर पर जवाब दिया जाए। तो अमेरिका अगर हमारे ऊपर आर्थिक पाबंदी लगा सकता है तो भारत सरकार भी अमेरिका पर आर्थिक पाबंदी लगा सकती है। तो आप पूछेंगे वो कैसे संभव है? उसका रास्ता बिल्कुल सीधा है कि अमेरिका से आने वाले सामान को भारत में बिकने से रोक दिया जाए। अमेरिका हमारे ऊपर आर्थिक पाबंदी लगा रहा है तो हम अमेरिका पर आर्थिक पाबंदी लगा सकते हैं। और उसका एक दूसरा तरीका और है कि अमेरिका से आने वाले सामानों पर चुन चुनकर टैक्स इतना बढ़ा दिया जाए कि भारत के बाजार में उनका बिकना मुश्किल हो जाए। एक और तीसरा तरीका है, अमेरिका से भारत में आने वाले सामानों पर एंटी डंपिंग टैक्स लगाया जाए और उनको एंटी डंपिंग टैक्स लगाकर ऐसा किनारे कर दिया जाए कि वो भारत में बिकने मुश्किल हो जाए। ये सब संभव है। एक तरीका और है कि अमेरिका से आने वाले सामानों पर हम नॉन टैरिफ बैरियर भी लगा सकते हैं। 2 तरह के बंदी लगाई जाती है बाहर से आने वाले सामानों पर, एक तो टैरिफ बैरियर होता है, दूसरा नॉन टैरिफ बैरियर होता है। एक तो टैक्स बढ़ाकर हम उसको रोक सकते हैं, दूसरा उनकी मात्रा निश्चित करके हम उनको रोक सकते हैं, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन हम लगा सकते हैं उनके ऊपर। और ये सारे तरीके खुले हुए हैं। और मैं तो भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार के पास अब एक ही रास्ता है कि वो अमरीका के खिलाफ आर्थिक पाबंदी लगाने की घोषणा करे। और अमेरिका के खिलाफ आर्थिक पाबंदी लगाने का काम भारत सरकार कैसे कर सकती है? सबसे अच्छा तरीका है कि अमेरिकी सामानों पर टैक्स बढ़ा दिया जाए, टैरिफ बैरियर लगा दिए जाए। दूसरा तरीका है अमेरिकी सामानों को क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस के तहत ले आया जाए। तीसरा तरीका है कि अमेरिकी सामानों पर भारत में एंटी डंपिंग ड्यूटी इतनी ज्यादा लगा दी जाए। चौथा तरीका है भारत में आने वाले अमेरिकी सामानों को जो छूट मिली है सरकारों की तरफ से पिछले 7-8 वर्षों में, यह छूट वापस ले ली जाए। सबसे अच्छा जवाब है अमरीका को आर्थिक पाबंदी लगाने का।
और फिर एक एक करके उन अमरीकी कंपनियों के खिलाफ आर्थिक पाबंदी लगा दी जाए जिनकी हमको कोई जरूरत नहीं, और जो भारत में आके बेकार का धंधा कर रही है जिसकी हमको कोई जरूरत नहीं। उदाहरण के लिए पेप्सी कोला, क्या जरूरत है हमको पेप्सी कोला की? हमको क्या जरूरत है कोका कोला की? हमको क्या जरूरत है कॉलगेट पामोलिव की? हमको क्या जरूरत है अमरीकी कंपनी आईटीसी की? हमको क्या जरूरत है अमरीकी कंपनी फाइजर की? हमको क्या जरूरत है अमरीकी कंपनी मैकडोनाल्ड की? हमको क्या जरूरत है अमरीकी कंपनी अमेरिकन लेबोरेटरीज की? हमको क्या जरूरत है अमरीकी बैंक सिटी बैंक की? ये सब वो हैं जिनके ऊपर अगर हम पाबंदियां लगाना शुरू करें तो जो नुकसान अमरीका हमारा नहीं कर सकेगा उससे हजार गुना ज्यादा नुकसान हम अमरीका का कर देंगे। तो एक तरीका तो होगा कि सरकार के स्तर पर ये सारी पाबंदियां लगाई जाएं, और एक तरह का जो आर्थिक युद्ध अमरीका ने हमारे खिलाफ घोषित किया है उस आर्थिक युद्ध का पूरी शक्ति के साथ पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जाए। एक दूसरा स्तर और है। आजकल हर व्यक्ति हमसे एक ही प्रश्न पूछता है कि राजीव भाई बोलिए मैं क्या करूं अपने देश के लिए। जब भी ऐसा समय आता है राष्ट्राभिमान खड़ा हो जाता है, स्वाभिमान आदमी में ज्यादा आ जाता है। तो जहां भी मैं जाता हूं गांव में गली में खेड़े में हर जगह एक ही सवाल कि राजीव भाई इस समय बताइए हम क्या करें। तो जो मैं सभी लोगों से कहता हूं वो आपसे भी मैं कहने आया हूं कि इस समय अपने राष्ट्र के अभिमान को बचाने की खातिर, अपनी राष्ट्रीय अस्मिता को बचाने की खातिर हम भी चाहें तो सबके सब मिलकर अमरीकी कंपनियों के खिलाफ पाबंदी लगा सकते हैं। तो आप पूछेंगे वो कैसे? बहुत आसान तरीका है कि हम सब भारत के लोग अगर एक ही प्रतिज्ञा कर लें कि अमरीका को हम सबक सिखाएंगे, क्योंकि अमरीका ने हमारी गैरत को ललकारा है, हमारे अस्मिता को चुनौती दी है, तो हम सब अपने अपने जीवन से अमरीकी कंपनियों का बहिष्कार करेंगे, इनका सामान खरीदना बंद करेंगे। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति क्या कर सकता है, इस देश का हर व्यक्ति क्या कर सकता है, उसका यह सबसे अच्छा तरीका है कि हम सब अपने अपने जीवन से अमरीकी कंपनियों का, जापानी कंपनियों का सामान खरीदना बंद करें। तो अगर इन सारी की सारी अमरीकी कंपनियों का, जापानीज कंपनियों का सामान ही हम नहीं खरीदेंगे तो जनता की तरफ से यह सबसे बड़ा जवाब होगा जो जनता अमरीकी कंपनियों को दे सकती है। तो सरकार जवाब देगी सरकारी स्तर पर, जनता जवाब देगी असरकारी स्तर पर। समझ रहे हैं? असरकारी, असरकारी ज्यादा होता है, ज्यादा असर होता है उसका। जनता जो जवाब देगी उसका जो असर होगा वो सरकार के द्वारा जवाब देने से ज्यादा असरकारी होगा। तो हम सब चाहें तो ताकतवर तरीके से अमरीकी चुनौती का सामना करेंगे और अमरीका को उसकी चुनौती का जवाब देंगे। तो आप पूछेंगे उसके लिए क्या करना होगा? सीधा सा एक सूत्र अपने जीवन में लागू करना होगा कि आज के बाद कल से हमारे जीवन में किसी भी अमरीकी कंपनी का सामान नहीं आएगा, किसी भी जापानीज कंपनी का सामान नहीं आएगा। तो वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनका सामान आपके जीवन में नहीं आना चाहिए कल से? सबसे बदमाश बेईमान और खतरनाक अमरीकी कंपनी है पेप्सी कोला। तो पेप्सी पीना बंद कर दीजिए, कोका कोला पीना बंद कर दीजिए। हम कोका कोला नहीं पिएंगे, हम पेप्सी कोला नहीं पिएंगे, अमरीका को हमारी पाबंदी का जवाब हम देंगे। तो पेप्सी नहीं पिएंगे, कोका कोला नहीं पिएंगे तो आपके मन में आएगा राजीव भाई थम्स अप पी लें क्या? थम्स अप भी नहीं पिएंगे, क्योंकि पहले यह थम्स अप हमारा था, स्वदेशी था, अभी अमरीकी हो गया। पहले पार्ले प्रोडक्ट हमारे देश का था, स्वदेशी था, अब ये पार्ले प्रोडक्ट अमरीकी कंपनी कोका कोला ने खरीद लिया। तो हम पेप्सी नहीं पिएंगे, कोका कोला नहीं पिएंगे, थम्स अप नहीं पिएंगे, लिम्का नहीं पिएंगे, सिट्रा नहीं पिएंगे, ये सब पीना बंद करेंगे, क्योंकि ये सब का सब अमरीकी कंपनियों का सामान है। और इसलिए नहीं पिएंगे कि इसके पीने के बाद जो मुनाफा है वो अमरीका जाता है, और अमरीका आज हमारा दुश्मन है, दोस्त नहीं। तो हमारा एक एक पैसे का मुनाफा हमारे दुश्मन के हाथ में जाना नहीं चाहिए। और आप जानते हैं जब भी दुश्मन के साथ लड़ाई होती है, जब भी किसी दुश्मन की सेनाओं का सामना किया जाता है तो मिलिट्री का एक सिद्धांत होता है, जब कोई दूसरा देश अटैक करता है किसी देश पर तो
तो एक रक्षा का सिद्धांत होता है, मिलिट्री का सिद्धांत होता है। वो सिद्धांत ये होता है कि दुश्मन के ऊपर अटैक करने के साथ साथ दुश्मन की सेनाओं की जो सप्लाई लाइन होती है वो काटी जाती है। अगर किसी दूसरे देश की सेनाओं को पराजित करना है और उनको मुंह की मात देनी है, उनको हराना है, तो उस दुश्मन देश की सेनाओं की सप्लाई लाइन काटनी चाहिए। उनको जो रसद मिल रही है, उनको जो सामग्री मिल रही है, वो सामग्री मिलना बंद करा दीजिए। तो अमेरिका को सप्लाई लाइन बनी हुई है हमारे देश से, थ्रू पेप्सी कोला, थ्रू कोका कोला, थ्रू थम्सअप, माने ये जितनी अमरीकी कंपनियां हैं इनके माध्यम से हमारे देश की सप्लाई लाइन अमरीका जाती है। माने हमारे देश का हजारों करोड़ रुपया अमरीका जाता है। ये पेप्सी कोला, कोका कोला जैसी कंपनियां एक साल में हमारे देश में 2000 करोड़ रुपए का धंधा करती। तो ये 2000 करोड़ रुपया हम दुश्मन की कंपनियों के हाथ में क्यों दें, जब दुश्मन हमारे खिलाफ आर्थिक पाबंदी लगाया हुआ है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है और सबसे ताकतवर तरीका है कि सारा देश पेप्सी कोला पीना बंद करे, कोका कोला पीना बंद करे, थम्सअप पीना बंद करे, लिम्का सिट्रा पीना बंद करे। और हम सब ये पीना बंद करें, इसके साथ साथ हमारे देश में जो व्यापारी भाई हैं, जो पेप्सी बेच रहे हैं, कोका कोला बेच रहे हैं, थम्सअप बेच रहे हैं, लिम्का बेच रहे हैं, वो राष्ट्र की खातिर, राष्ट्र के सम्मान की खातिर इन सबको बेचना बंद करें। मैं इस देश के सारे व्यापारी भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि एक तरफ राष्ट्र की जनता अगर पेप्सी कोका कोला का बहिष्कार कर रही है, तो हमारे देश के व्यापारी भाइयों को भी ये बेचना बंद करना चाहिए, उनको भी इसका बहिष्कार करना चाहिए। तो फिर आप पूछेंगे वो क्या बेचें? गन्ने का रस बेचें, सबसे अच्छा। नारियल का पानी बेचें, उससे भी अच्छा। संतरे का रस बेचें, मौसमी का रस बेचें, दही की लस्सी बेचें, दही की छाछ बेचें, कोकम बेचें, रुआवजा का शरबत बिकता है, नींबू का शरबत बिकता है, और कुछ नहीं है तो ठंडा पानी पिलाएं। गर्मी के दिनों में बहुत पाप नहीं, पुण्य का काम है, तो ठंडा पानी पिलाएं सबको, शीतल जल पिलाएं, कहीं कुछ नहीं मिलता है, तो इससे अच्छा और कोई दूसरा तरीका नहीं। तो हम खरीदेंगे नहीं और वो बेचेंगे नहीं। ये दो संधियां अगर इस देश के लोगों में हो जाएं, तो अमेरिका को उनकी चुनौती का बहुत ताकतवर तरीके से जवाब दिया जा सकता। और मुझे खुशी है कि ये काम शुरू हो गया है। पुणे में, दक्षिणी पुणे का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है पेप्सी कोला का, उस दिन मंच पर आकर 3 दिन पहले उसने सामने से पुणे के लोगों के सामने कसम खाई कि मैं आज के बाद इस पेप्सी कोला की डिस्ट्रीब्यूटरशिप छोड़ दूंगा। उसने पेप्सी कोला बेचना बंद कर दिया। उसी पुणे शहर में एक दुकानदार, आप देखिए कैसे कैसे स्वामी भक्त देशभक्त लोग इस देश में, एक दुकानदार है जिसने आके मंच पर घोषणा की कि उसकी दुकान ही चलती है परदेशी माल बेचता है, उसकी पूरी दुकान में परदेशी सामान बिकता है। और उस दुकानदार के शब्दों के अनुसार उसने कहा कि मेरी एक दिन की बिक्री कम से कम 4 लाख रुपए की है, लेकिन मैं आज कसम खाता हूं आपके सामने कि मैं इस दुकान को ताला डाल दूंगा। और मैं गया दूसरे दिन देखने, उसने दुकान पर ताला ही डाला है। तो ऐसे लोग भी इस देश में निकल रहे हैं। मैं पंढरपुर गया था अभी, पंढरपुर में मेरा जाहिर व्याख्यान था, तो पंढरपुर के मेरे जाहिर व्याख्यान में पंढरपुर का एक व्यापारी भाई आया मंच पर, जो दवाएं बेचने वाला वहां का सबसे बड़ा व्यापारी है, सबसे बड़ा केमिस्ट और ड्रगिस्ट है। उसने मंच पर आकर घोषणा की कि राजीव भाई मैं कसम खाता हूं आज से कि मैं अमरीकी कंपनियों की दवाएं नहीं बेचूंगा अपनी दुकान से। तो फाइजर की दवाई नहीं बेचेगा, वो अमेरिकन लेबोरेटरीज की दवाई नहीं बेचेगा, एली लिली की दवाई नहीं बेचेगा, ये जितनी अमरीकी इन कंपनियों की दवाएं हमारे देश में बिकती हैं, वो व्यापारी भाई ने कहा कि मैं नहीं बेचूंगा। तो उस दिन मैंने पंढरपुर के डॉक्टर भाइयों से अपील की थी कि अगर ये व्यापारी भाई तैयार है अमरीकी कंपनियों की दवाएं नहीं बेचेगा, तो हमारे डॉक्टर भाइयों को भी ये संकल्प लेना चाहिए कि वो अमरीकी कंपनियों की दवाएं लिखेंगे नहीं किसी भी मरीज को। तो हमारे डॉक्टर अगर अमरीकी कंपनियों की दवाएं लिखेंगे नहीं, तो व्यापारी बेचेंगे नहीं। तो ये बराबर समझौता बैठता है और ये संधि बैठती है, और हम अमरीकी चुनौती का जवाब देने में सक्षम हैं। तो इसलिए मैंने आपसे अपील की कि आपके मोहल्ले में, आपकी गली में जो पेप्सी कोला की बिक्री करने वाले हैं, कोका कोला की बिक्री करने वाले हैं, उनका धंधा करने वाले व्यापारी हैं, उनके पास आप जाइए, उनसे निवेदन करिए और उनकी राष्ट्रभक्ति को थोड़ा सा हिट करिए और कहिए कि आज राष्ट्र के सामने ये जो संकट खड़ा हुआ है, उस
उसमें हम चाहते हैं कि आप राष्ट्र के साथ खड़े हो, ना कि पेप्सी कोला के साथ, ना कि कोका कोला के साथ। तो ऐसे लोग मिलेंगे आप। और ये लहर अगर पूरे देश में चल गई तो हमारे देश में वो हो जाएगा जो करने का सपना कभी इस देश में लोकमान्य तिलक देखते थे या महात्मा गांधी देखते थे। वो चाहते थे कि सारा का सारा देश संपूर्ण स्वदेशी बने। वो बनने में थोड़ी रुकावट आ गई थी। अब इस रुकावट को दूर करने का एक बहुत अच्छा मौका हमको मिला है, इसलिए ये सारा का सारा अभियान पूरे देश में चलाने की आज जरूरत है। तो आप नहीं पिएंगे पेप्सी कोका थम्सअप लिमका सिट्रा, और व्यापारी भाई उसको बेचेंगे नहीं। ये दो काम करने हैं हमको। और इसलिए नहीं पीना है पेप्सी कोला और इसलिए नहीं बेचना है पेप्सी कोला, क्योंकि ये पीने लायक नहीं है और बेचने लायक नहीं है। पेप्सी कोला में ऐसी कोई भी चीज नहीं है, कोका कोला में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो पीने लायक हो। क्या है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड नाम की जहरीली गैस है, सोडियम ग्लूटामेट नाम का जहर है, पोटेशियम सॉर्बेट नाम का जहर है, लेड एसीटेट नाम का जहर है, ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल नाम का जहर है। और चारों के चारों जहर जिस बोतल में मिले हो वो लहर पेप्सी नहीं है, जहर पेप्सी। इसलिए मत पीजिए, क्योंकि ये पीने लायक नहीं। और ये जितने जहर के नाम मैंने आपको लिए, सोडियम ग्लूटामेट, पोटेशियम सॉर्बेट, लेड एसीटेट, ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल या कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब के सब जहर कैंसर करते हैं और आपकी दोनों की दोनों किडनियां फेल कर सकते हैं। आपके शरीर में दो किडनी है और अगर वो दोनों खराब हो गई तो आपका जीवन बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। यूरोप और अमेरिका में बहुत पेप्सी पीते हैं लोग, बहुत कोका कोला पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक बहुत पीते हैं, इसलिए वहां किडनी भी सबसे ज्यादा फेल होती है। और अमेरिका में जब किडनी फेल हो जाती है किसी की तो कोई किसी को दान नहीं करता, क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी में दान करने की परंपरा नहीं है। वो स्वार्थी समाज है पूरा का पूरा, उनके लिए सिर्फ डॉलर भगवान है। बाप बेटे को दान नहीं करता, बेटा बाप को दान नहीं करता, इतना स्वार्थी समाज है अमरीकी समाज। माँ बेटे एक दूसरे को मरते हुए देख सकते हैं लेकिन अपने शरीर का खून भी दान नहीं करेंगे, इतना स्वार्थी समाज है। तो वहां क्या होता है कि जब किडनी फेल हो जाती है पीपी के सॉफ्ट ड्रिंक, तो फिर वहां अखबारों में जाहिरात आते हैं और वो जाहिरात ये कहते हैं कि कोई भाई किडनी दान करे तो 5 लाख दे देंगे, 8 लाख दे देंगे, 10 लाख दे देंगे। तो हमारे देश में कुछ ऐसे नालायक डॉक्टर पैदा हुए हैं जो यहां के मजदूरों के गरीब आदमियों की किडनी निकाल निकाल के अमरीका ले जाकर बेचते थे। मेरे उत्तर प्रदेश में अभी एक भंडाफोड़ हुआ है, 3 नर्सिंग होम थे। गाजियाबाद नाम का एक शहर है मेरे उत्तर प्रदेश में, दिल्ली के बॉर्डर पर। तो गाजियाबाद में ऐसे 3 नर्सिंग होम अभी बंद हुए हैं, कराए गए हैं, जहां पर रोज गरीब मजदूरों को लाकर, गरीब किसानों को लाकर उनके 1,000 रुपए देकर उनकी किडनी निकालते थे और अमरीका में ले जाकर उसको 4 लाख में, 5 लाख में बेचते थे। तो वहां किडनी फेल होती है क्योंकि वो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं और इसलिए फिर किडनी की जरूरत होती है। और हमारे देश में एक ऐसा दुष्चक्र पैदा होता है कि फिर यहां की किडनी अमेरिका जाने लगती है। तो मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि किडनी क्यों बर्बाद करना चाहते हैं आप पेप्सी और कोका कोला पीते। और आपकी अगर दोनों किडनी बर्बाद हो गई तो शरीर को क्या कष्ट होगा, अगर ये आपको महसूस करना है तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को देख लीजिए। उनकी दोनों किडनी फेल हो गई और आजकल लंदन में है, डायलिसिस पर है। रोज 8 घंटे उनको डायलिसिस पर रहना पड़ता और 8 घंटे डायलिसिस पर रहते हुए आप किसी आदमी को देख लेंगे तो आपकी आत्मा कांप जाएगी, इतनी तकलीफ होती है। तो इसलिए क्यों बर्बाद करना चाहते हैं ये पेप्सी कोका कोला थम्सअप पीकर अपनी किडनी को? तो पहला कारण कि हम नहीं पियेंगे पेप्सी कोका कोला थम्सअप क्योंकि ये अमरीकी माल है। दूसरा कारण कि ये पीने लायक नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो पीने लायक। और तीसरा इसलिए भी नहीं पिएंगे कि ये पेप्सी कोला कोका कोला बनता है 70 पैसे में और बिकता है 10 रुपए में। 1000% का मुनाफा है पेप्सी कोला कोका कोला बेचने। तो 70 पैसे में जो बोतल बनती है अगर वो 10 रुपए में बिक रही है तो आप प्रॉफिट परसेंटेज अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा 1000% का मुनाफा है इसमें उनको। इसलिए नहीं पीजिए उसको। और इसलिए भी मत पीजिए कि 10 रुपए में पेप्सी या कोका कोला की बोतल आती है उसमें 300 मिलीलीटर पानी है, पानी ही है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ, कार्बोनेटेड वाटर है और कुछ नहीं है। तो 300 मिलीलीटर पानी 10 रुपए का, तो
तो 1000 मिलीलीटर पानी बैठता है लगभग 33 रुपए का। तो 33 रुपए का एक लीटर पेप्सी कोला बिकता है और 10 रुपए का एक लीटर गाय का दूध मिलता है। काहे को पी रहे हैं पेप्सी कोला कोका कोला? 10 रुपए लीटर का गाय का दूध पीजिए। 2000 करोड़ रुपए का पूरे साल में हम पेप्सी कोका कोला पीते हैं, अगर वो 2000 करोड़ रुपए का गाय का दूध पिए तो हिंदुस्तान की कम से कम 10-20 लाख गायों को हम जीवन दे सकते हैं। इतना बड़ा काम हम कर सकते हैं उतने ही पैसे में जितने पैसे में हम पेप्सी कोला पी रहे हैं, कोका कोला पी रहे हैं। क्योंकि अगर 2000 करोड़ का गाय का दूध पीना शुरू किया आपने जितने पैसे में आप पेप्सी कोला कोका कोला पीते हैं, तो कम से कम 10-20 लाख गाय कत्ल कारखाने जाने से बच जाएगी। और वो हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो गोबर पैदा करेगी और हिंदुस्तान के लोगों को दवाएं देने के लिए जो मूत्र पैदा करेगी, वो भी इसी देश के काम आएगा। तो पेप्सी बंद करिए, कोका कोला बंद करिए, थम्सअप लिमका बंद करिए, गाय का दूध पीना शुरू करिए। इस देश में एक नए तरह की आर्थिक व्यवस्था बनाने में हम सब अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए मत पीजिए पेप्सी कोका कोला, और इसलिए भी मत पीजिए कि पेट्रोल बिकता है हमारे देश में 25 रुपया लीटर और पेप्सी कोला बिकता है 33 रुपया लीटर। पेट्रोल से महंगा है पेप्सी कोला। काहे को सत्यानाश कर रहे हैं अपने देश की अर्थव्यवस्था का? और इसलिए भी मत पीजिए पेप्सी कोला कोका कोला थम्सअप लिमका सिट्रा कि हमारे देश के 2 लाख गांवों में पीने का पानी नहीं मिलता। आजादी के 50 साल पूरे हो गए। आजादी के 50 साल के बाद ये इस देश की शोकांतिका है कि हमारे देश के 2 लाख गांवों में पीने का पानी नहीं। करोड़ों लोग हमारे देश में पीने के पानी से प्यासे हैं। तो जैसी परिस्थिति हमारे देश में है कि करोड़ों लोग पीने के पानी से प्यासे हैं, वैसी परिस्थिति में अगर हम पेप्सी कोला पी रहे हैं, कोका कोला पी रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि आप राष्ट्रीय अपराध कर रहे हैं। इसलिए ये मत करिए। और कभी कभी जब आपके मन में लालच पैदा हो, अभी आज तो मैं कह के जा रहा हूं, 10-15 दिन के बाद कोई आपसे कहेगा लो भाई पी लो, राजीव भाई थोड़ी देख रहे हैं अभी, वो तो गए कह के, तो उस समय आपके मन में लालच आएगा, पीऊं कि ना पीऊं, ले लूं कि ना ले लूं। और जब इस तरह का लालच आपके मन में पैदा हो, जब धर्म संकट में आप फंस जाएं तो क्या करें? वैसी स्थिति के लिए मैं आपको एक सूत्र देकर जा रहा हूं, उसका स्मरण करें अपने जीवन में। जब आपको कोई पेप्सी कोला कोका कोला ऑफर करें और आपके मन में लालच पैदा हो जाए कि लाओ थोड़ी देर के लिए पी लें क्योंकि अभी कोई देखने वाला नहीं है, तो अपने दिल से दो ही प्रश्न पूछिए। सबसे पहले एक मिनट रुकिए और पहला प्रश्न पूछिए अपने मन से कि जिस अमरीका ने मेरे देश पर आर्थिक पाबंदी लगाई है, उस अमरीकी कंपनी का पानी मैं पी लूं और अपने देश के साथ गद्दारी करूं? तो आप में कहीं भी थोड़ी सी राष्ट्रभक्ति जिंदा होगी तो वो बोतल आपके गले के नीचे उतर नहीं पाएगी। दूसरा प्रश्न अपने मन से पूछिए सिर्फ एक मिनट कि मेरे देश के करोड़ों लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता। इस देश में पीने का पानी न मिलने के कारण प्यासे मर जाते हैं कुछ लोग। मैं अभी यवतमाल गया था व्याख्यान देने। जिस दिन मेरा यवतमाल में जाहिर व्याख्यान था, उस दिन मैंने यवतमाल के अखबार में पढ़ी एक खबर कि यवतमाल में एक 25-26 साल का नौजवान पानी ना मिलने के कारण तड़प तड़प कर प्यासा मर गया। यवतमाल में यह खबर मैंने पढ़ी थी, लोकमत समाचार नाम का एक अखबार निकलता, उसका मराठी एडिशन निकलता लोकमत, उसमें मैंने पढ़ी। तो मैंने उस समाचार को लिखने वाले संवाददाता से बात की और मैंने उससे पूछा कि भाई आपको उस नौजवान के बारे में खबर मिली, आपने अखबार में छापा, लेकिन ऐसे तो कितने लोग मर जाते होंगे जो कहीं दूर गांव में रहते हैं, जंगलों में आदिवासी वनवासी रहते हैं, जिनको पीने का पानी नहीं मिल पाता होगा। तो संवाददाता ने कहा कि राजीव भाई आपकी बात बिल्कुल बराबर है, हम तो सब गांवों में जाकर खबर ले नहीं पाते क्योंकि हर गांव में तो हमारा कोई नेटवर्क नहीं है, और दूर दराज जंगलों में कोई आदिवासी वनवासी रहते हैं जो भयंकर गरीबी में जिंदा रहते हैं, उनमें से कितने लोग मर जाते होंगे, हमको खुद खबर नहीं मिल पाती कभी। ये तो हमको पता चला क्योंकि शहर में घटना हुई थी, इसलिए हमने इसको अखबार में छाप दिया। तो ऐसे तो कितने लोग हैं जिनको पीने का पानी नहीं मिलता इस देश में। वैसी परिस्थिति में अगर आपके मन में लालच आ रहा है पेप्सी पीने का, कोका कोला पीने का, तो अपने मन के लालच पर काबू पाने के लिए एक ही मिनट का प्रश्न पूछिए कि मेरे देश के करोड़ों लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता, मैं इस परदेशी कंपनी का पानी पीऊं क्या? तो बोतल आपके हाथ से छूटकर गिर जाएगी और आपके मन से जवाब आएगा कि मत पियो,
पीना ही है तो नारियल का पानी, नींबू का शरबत, गन्ने का रस, संतरे का रस, मौसमी का रस, दही की छाछ, दही की लस्सी, ये सब हम पिएंगे, लेकिन पेप्सी नहीं पिएंगे, कोका कोला नहीं पिएंगे, थम्स अप नहीं पिएंगे, और हम नहीं पिएंगे, अपने किसी मेहमान को भी पीने के लिए नहीं देंगे। ये दोनों बातें एक साथ चलेंगी। और इससे भी एक कदम आगे तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जिस भी सामाजिक कार्यक्रम में जाएंगे, सोशल फंक्शन में जाएंगे, वो शादी हो, ब्याह हो, बारात हो, किसी की जन्मदिन का कार्यक्रम हो, और अगर वहां कोई पेप्सी बांट रहा है, कोका कोला बांट रहा है, थम्सअप बांट रहा है, तो ऐसे सभी सामाजिक कार्यक्रमों का आप बहिष्कार करिए और उनको ये कहिए कि आज हमारे देश पर इतना बड़ा आर्थिक संकट अमरीका की तरफ से लादा गया है, वैसी परिस्थिति में आपको ये पेप्सी कोला बांटते हुए शर्म नहीं आती, कोका कोला बांटते हुए शर्म नहीं आती। तो हमारे देश के जो शर्महीन लोग हैं, जो संवेदनहीन लोग हैं, उनकी संवेदना थोड़ी सी झकझोरिए और उनमें थोड़ी सी संवेदना लाने का काम करिए। तो मेरा आपसे पहला निवेदन है कि आपके घर में ये आएगा नहीं, पेप्सी, कोका कोला, थम्सअप, लिमका, सिट्रा, व्यापारी भाई उसको बेचेंगे नहीं। और हम किसी भी ऐसे सामाजिक कार्यक्रम में जाएंगे जहां पेप्सी कोका कोला बटेगा, तो हम उन कार्यक्रमों का बहिष्कार करेंगे और अपने किसी मेहमान को भी पीने के लिए ऑफर नहीं करेंगे। ऐसे ही मेरा आपसे दूसरा निवेदन है कि आपके घर में एक और अमरीकी कंपनी का माल सबसे ज्यादा आता है, उसका नाम है कॉलगेट पामोलिव। इसका टूथपेस्ट आपके घर में आता है, साबुन आपके घर में आता है, शेविंग क्रीम आपके घर में आती है इस कंपनी की। और ये कॉलगेट पामोलिव वो अमरीकन कंपनी है जो हमारे देश में धंधा करने के लिए आई थी मात्र 50,000 रुपया लेकर, और आज इस कंपनी का एक साल का मुनाफा लगभग 70 करोड़ रुपए का है। तो मेरा आपसे दूसरा निवेदन है कि आपके घर में कॉलगेट पामोलिव का कोई भी सामान आएगा नहीं। तो आप पूछेंगे क्या राजीव भाई क्लोजअप खरीद लें, फिर सिबाका ले लें, फॉरहंस ले लें, पेप्सोडेंट ले लें, ये भी मत लीजिए, क्योंकि कॉलगेट अमरीकी कंपनी का है तो क्लोजअप भी विदेशी कंपनी का है, सिबाका भी विदेशी कंपनी का है, फॉरहंस भी विदेशी कंपनी का है, ये सब के सब परदेशी कंपनियों के टूथपेस्ट है। तो किसी को लेने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये टूथपेस्ट करने लायक नहीं है, किसी में भी कोई क्वालिटी नहीं है। कॉलगेट बनाने वाली कंपनी कभी नहीं बताती कि वो कॉलगेट कैसे बनाती। मैं आपको अभी एक जानकारी देना चाहता हूं। मैं अभी दमन गया था, गुजरात में दमन नाम का एक छोटा सा गांव है। दमन गांव में एक भारतीय नौजवान है जो कॉलगेट कंपनी को टूथपेस्ट बना के देता है, पेप्सोडेंट कंपनी बना के देता है। और ये कंपनियां क्या करती हैं आपको मालूम? हमारे देश के लोगों से सामान उत्पादन करवाती हैं, अपना सिर्फ ठप्पा लगाती हैं, पैकेट में बंद करती हैं और मार्केट में बेचती हैं। इनका सिर्फ नाम बिकता है, इनका कोई उत्पादन तंत्र नहीं है। ज्यादातर परदेशी कंपनियां हमारे देश में 70% उत्पादन सब कॉन्ट्रैक्टिंग में कराती हैं, हमारे ही देश के लोगों से कराती हैं। तो जो आदमी कॉलगेट के लिए उत्पादन करता है और पेप्सोडेंट के लिए उत्पादन करता है, उस भाई से मैंने पूछा कि तुम जरा ये बताओ मुझको, बगल पे मेरे बैठ गया मंच पर आकर, मुझे मालूम नहीं था, दमन में मेरा जाहिर व्याख्यान था, अब वो बगल में आके बैठ गया। किसी ने कान में आके कहा, राजीव भाई आपके बगल में जो बैठा यही आदमी कॉलगेट और पेप्सोडेंट का सबसे बड़ा सप्लायर। तो मैंने कहा भाई सही बात है? तो कहने लगा हाँ बात तो सही है। तो मैंने कहा फिर यहां क्यों बैठे हो मेरे पास आके, और अगर यहां बैठना है तो इसकी कीमत देनी पड़ेगी। कहने लगा क्या कीमत आपको चाहिए? उसको लगा कि कुछ पैसा मांगेंगे राजीव भाई। मैंने कहा कीमत यह देनी पड़ेगी कि यह धंधा बंद करना पड़ेगा। कहने लगा वो कैसे? मैंने कहा बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर तुम कॉलगेट के लिए उत्पादन कर सकते हो, पेप्सोडेंट के लिए उत्पादन कर सकते हो, तो तुम तुम्हारे नाम से क्यों नहीं उत्पादन करके बेच सकते बाजार में, क्या मुश्किल है इसमें? कहने लगा राजीव भाई ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो मैंने कहा आप सोच लो, इसमें क्या मुश्किल? फिर मैंने उससे पूछा बाद में, उसने कहा हाँ आपकी बात में मैं गंभीरता से विचार करूंगा। मैंने कहा विचार करना, जल्दी से मुझे बताना, लेकिन तब तक इतना तो बता दो कि तुम और तुम्हारे परिवार के लोग किससे दांत साफ करते हो? तुम कभी पेप्सोडेंट लगाते हो या कॉलगेट लगाते हो? उसने कहा कभी नहीं लगाता। जो खुद बनाता है वो कह रहा है मैं खुद कभी नहीं लगाता। मैंने कहा क्यों नहीं लगाते? तो कहने लगा मुझे मालूम है कि मैं उसमें क्या क्या मिलाता हूं, इसलिए मैं कभी नहीं लगाता उसको। तो मैंने उससे पूछा क्या क्या मिलाते हो? तो उसने कहा कि हम लोग डाई कैल्शियम फॉस्फेट इस्तेमाल करते हैं,
और वो डाई कैल्शियम फॉस्फेट आता है मरे हुए जानवरों के हड्डियों के चूरे से। तो मरे हुए जानवरों के हड्डियों के चूरे से जो पेस्ट बनता है वो हम रोज सवेरे ही सवेरे अपने अपने मुंह से रगड़ते हैं और फिर कहते हैं कि हम सब शाकाहारी हैं। आपका शाकाहार तो दो मिनट में ध्वस्त हो गया और पता नहीं कैसे हम सब सवेरे ही सवेरे उठकर मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा अपने मुंह से रगड़ सकते हैं, कैसे संभव है? इतना भी सेंस आप में वही नहीं बाकी है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि राजीव भाई इनमें बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो मैं उनसे पूछता हूं कि क्या क्वालिटी है, तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इनमें झाग बहुत अच्छा बनता है, तो कुछ लोग पेस्ट इसलिए करते हैं कि इसमें झाग बनता है, तो बेचारे आधा आधा घंटे रगड़ते रहते हैं झाग बनाने के लिए। तो उनसे मैं कहता हूं कि अगर बहुत ज्यादा झाग बनाना है तो रिंग से दांत साफ करो, और आपको मैं जानकारी दे दूं कि जो चीज झाग बनाने के लिए रिंग में मिलाई जाती है, सर्फ में मिलाई जाती है, वही कॉलगेट में भी मिलाई जाती है, पेप्सोडेंट में भी मिलाई जाती है। एक सिंथेटिक डिटर्जेंट होता है, सिंथेटिक डिटर्जेंट वो चीज है जो कपड़ा धोने के साबुन में झाग पैदा करने के लिए मिलाया जाता है, वही टूथपेस्ट में मिला देते हैं झाग पैदा करने के लिए। और हम सब इतने बेवकूफ हैं, सवेरे ही सवेरे सामने शीशे में अपना चेहरा देखते हुए पेस्ट रगड़ते हैं, मुंह से इधर से सफेद सफेद निकलता है, इधर से सफेद सफेद निकलता है, इतना गंदा लगता है, तो भी सामने शीशे में देख देख के ब्रश करते हैं आधा आधा घंटे तक। क्या इडियोसिटी! तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि तत्काल छोड़ दीजिए कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका, फॉरहंस, पेप्सोडेंट, ये सब करने लायक नहीं है, क्योंकि ये डाई कैल्शियम फॉस्फेट से बनते हैं और वो मरे हुए जानवरों की हड्डियों के चूरे से आता है। और मरे हुए जानवरों की हड्डियों के चूरे मिलते कहां से है? हिंदुस्तान में आजादी जब नहीं मिली थी तो 350 कतल कारखाने थे, अब कुल मिलाकर सारे देश में 36,000 कतल कारखाने, 4.5 लाख पशुओं का रोज कत्ल होता है इस देश में। उनका मांस बिकने के लिए चला जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है, उनकी जो हड्डियां बचती हैं उनको ये सब कंपनियां खरीदती हैं, उससे पाउडर बनता है, उस पाउडर से पेस्ट बनता है, इसलिए करने लायक नहीं है। और इसलिए भी करने लायक नहीं है कि उनमें सिंथेटिक डिटर्जेंट है और वो शरीर में कैंसर जैसी बीमारी पैदा कर सकता है। और इसलिए भी करने लायक नहीं है कि इन सारे टूथपेस्ट में फ्लोराइड नाम का जहर है जिससे फ्लोरोसिस बीमारी होती है, इसलिए पेस्ट करना बंद करिए। और इसलिए बंद करिए कि अमरीका पैसा नहीं जाना चाहिए हमारा। तो आप पूछेंगे फिर क्या करें? नीम का दातुन करिए, थाना स्टेशन के बाहर मिलता है, ईस्ट में भी मिलता है, वेस्ट में भी मिलता है, और कुछ भी महंगा नहीं है, 50 पैसे का है, मैंने पूछा था। तो 50 पैसे का एक नीम का दातुन आपके थाना ईस्ट वेस्ट दोनों स्टेशन में मिलता है, वो खरीद ले आइए। नीम का दातुन करिए या बबूल का दातुन करिए, बेस्ट क्वालिटी है दोनों में। और नीम का दातुन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नीम में जो क्वालिटी है वो दुनिया के किसी भी पेस्ट में नहीं है। आप नीम का दातुन करते रहिए, कभी भी आपके दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा। आप नीम का दातुन करते रहिए, कभी भी आपको पायरिया की शिकायत नहीं होगी। आप नीम का दातुन करते रहिए, कभी भी आपके सांस में से बदबू नहीं आएगी। और आप नीम का दातुन करते रहिए, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुंह जो है हमारा गंदा हो गया, बहुत फ्रेशनेस रहती। नीम के पेड़ में ऐसी अद्भुत क्षमता है कि वो 300 तरह के तमाम दुर्गुणों को जो शरीर के अंदर पनप सकते हैं या वातावरण में पनपते हैं उनको कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। नीम में जबरदस्त क्षमता है। तो नीम का दातुन करिए, उससे आपको जो सुरक्षा चक्र मिलेगा वो कॉलगेट से मिलने वाला नहीं है कभी। तो सुरक्षा चक्र नीम के दातुन में है, कॉलगेट में नहीं है। इसलिए नीम का दातुन करिए, बबूल का दातुन करिए। और आप जब नीम का दातुन करेंगे तो आप उस दातुन को खरीदेंगे थाना स्टेशन के बाहर बेचने वाले गरीब आदमी से। जब आप उस गरीब आदमी का दातुन खरीद कर अपने घर में लाएंगे तो आपका पैसा उस गरीब आदमी के पास जाएगा जो अभी चला जाता है अमरीका। कॉलगेट खरीदेंगे तो आपका पैसा अमरीका जाएगा, हमारे दुश्मन के हाथ में जाएगा। नीम का दातुन खरीदेंगे तो आपका पैसा हमारे देश के उस गरीब आदमी के पास जाएगा। और एक दिन मैंने हिसाब लगाया
कि पूरे देश के लोग कॉलगेट खरीदना बंद करें, क्लोजअप खरीदना बंद करें, सिवाका, फोरहंस, पेप्सोडेंट सब खरीदना बंद करें और नीम का दातुन खरीदें, बबूल का दातुन खरीदें, तो हमारे देश के 4 लाख लोगों को दातुन बेचने का रोजगार मिल सकता है। इतना बड़ा काम हम कर सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि दातुन करिए, नीम का या बबूल का। जो लोग दातुन नहीं कर सकते वो दंत मंजन करें। काला दंत मंजन आता है, लाल दंत मंजन आता है, ढेर तरह के दंत मंजन इस देश में बिकते हैं। और कोई दंत मंजन अगर आपको अपने घर में बनाना हो, बाहर का नहीं खरीदना हो, तो सबसे आसान तरीका है किसी भी आयुर्वेद की दुकान पर जाइए, त्रिफला चूर्ण खरीद लाइए। हर बहेड़ा आंवला से जो त्रिफला चूर्ण बनता है वो आप खरीद लाइए और उस चूर्ण में थोड़ा सा नमक मिलाइए, बहुत अच्छा दंत मंजन बनता है और उससे दांत साफ करना शुरू कर दीजिए। दंत मंजन से जब आप दांत साफ करेंगे तो आपके शरीर की 2 चीजें बहुत अच्छे तरीके से होंगी। एक तो जब आप उंगली इस्तेमाल करते हैं दंत मंजन करने के लिए तो दांतों की सफाई होती है, उससे भी बड़ी बात मसूड़ों की मालिश होती है, जो हम नहीं कर सकते टूथब्रश से। कभी भी टूथब्रश से मसूड़ों की मालिश नहीं हो सकती, और मसूड़ों की मालिश अगर नहीं होगी तो मसूड़े आपके ठीक से काम नहीं करेंगे। तो सबसे अच्छा काम कि आपके मसूड़ों की मालिश होती है। दूसरा उससे भी बड़ा काम यह है कि जब आप दंत मंजन करने के लिए दाहिने हाथ की पहली उंगली इस्तेमाल करते हैं तो इसमें एक मेरिडियन पॉइंट होता है। एक्यूप्रेशर का विज्ञान बताता है कि दाहिने हाथ की पहली उंगली में एक मेरिडियन पॉइंट है, लार्ज इंटेस्टाइन का, बड़ी आंत का। तो जब आप इस उंगली को इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बड़ी आंत की मालिश होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की मालिश होती है। उतना वैज्ञानिक काम है उंगली से दांत साफ करना। इसलिए हमारे देश के पुरखे, हमारे पूर्वज हजारों साल या तो दातुन करते थे या दंत मंजन करते थे उंगली से, कोई टूथब्रश नहीं करता था। बेवकूफ तो हम हैं जिन्होंने उंगली छोड़कर ब्रश करना शुरू कर दिया। जितना ज्यादा टूथब्रश करेंगे दांत आपके खराब होते चले जाएंगे, दांतों के बीच कैविटी बनती चली जाएगी, उनमें कीड़ा भी लग सकता है, 50 तरह की दूसरी बीमारियां हो सकती है। इसलिए कभी भी ब्रश मत करिए। तब आपके मन में यह भी आ सकता है कि राजीव भाई ब्रश नहीं करेंगे तो हमारे देश में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि दांतों में कभी खाते खाते कोई चीज जब फंस जाती है तो वो बाहर कैसे निकलेगी। अगर ब्रश नहीं करेंगे तो वो तो फंस जाएगा दांत में, वो कीड़ा भी बनेगा। तो आपको मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब भी आप कोई चीज खाते हैं और खाते खाते आपकी दांत में फंस जाती है तो बताइए क्या होता। तब आपकी जो जीभ होती है वो बार बार लगातार उसको निकालने की कोशिश करती है और जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक आपकी जीभ शांति से नहीं बैठेगी, और जितनी देर वो फंसा रहेगा आपको भयंकर टेंशन रहेगा, और जैसे ही वो निकल जाएगा आप एकदम रिलैक्स फीलिंग करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है, दांतों में छिपे हुए अन्न कणों को बाहर निकालने का काम जीभ खुद करती है, टूथब्रश नहीं करता। इसलिए ये गलतफहमी अपने मन से निकाल दीजिए कि टूथब्रश से ही हमारे दांतों में छिपे हुए अन्न कण बाहर निकल सकते हैं। यह टेलीविजन की बेवकूफी है, इडियोसिटी है, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आपके दिमागों में घुसा दी गई है, घसा दी गई है, बिठा दी गई है। इसीलिए आप ब्रश खरीदते हैं, पेस्ट खरीदते हैं, उसको करने की कोई जरूरत नहीं। और आप जानते हैं सारी कंपनियां टेलीविजन पर जब विज्ञापन देती हैं तो कहती हैं कि हमारा टूथब्रश इतना मुलायम, उसका टूथब्रश उससे भी ज्यादा मुलायम, तीसरी कंपनी आ गई थी हमसे सबसे ज्यादा मुलायम हमारा है, कोई कहते हैं दबाने से भी दब जाता, कोई कहते हैं टेढ़ा हो जाता, ऐसे 50 तरह के विज्ञापन वो आपको दिखाते हैं और उसका एक ही कहना है कि हमारा टूथब्रश खरीदिए जो सबसे ज्यादा मुलायम है। तो मैं आपको बता दूं कि नीम के दातुन में जो मुलायम टूथब्रश बन सकता है वो दुनिया के किसी दूसरे प्लास्टिक टूथब्रश में नहीं बनेगा। आप थोड़ी देर नीम का दातुन चबाइए, उसमें जो ब्रिसल्स बनेंगे वो इतने मुलायम होंगे कि किसी भी प्लास्टिक ब्रश में नहीं बन सकते। तो प्रकृति द्वारा दी गई जो चीज हमारे लिए इफरात में मौजूद है उसका इस्तेमाल करिए तो देश का हर साल हम सैकड़ों करोड़ रुपया बचा सकते हैं। सिर्फ मैंने आपको कॉलगेट का उदाहरण दिया था, कॉलगेट अमेरिका से आया, 50,000 रुपए से इसने धंधा शुरू किया हमारे देश में, आज ये कंपनी 70 करोड़ रुपया कमा के ले जा रही है, हमारी बेवकूफी का है जो हम दे रहे हैं। तो ये सब बंद करिए हम लोग, तो आपके घरों में ये नहीं आएगा और दातुन आएगा या मंजन आएगा, दंत मंजन आएगा, तो अमेरिका जो पैसा जा रहा है वो जाना रुकेगा और ये अमेरिका की पाबंदी का हमारे हिसाब से सबसे अच्छा जवाब है। ऐसे ये तीसरा और आपसे निवेदन करना है कि आपके घर में एक अमरीकी साबुन आता है, उसका नाम है जॉनसन एंड जॉनसन,
एक दूसरा अमरीकी साबुन आता, उसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। तो ये जॉनसन एंड जॉनसन खरीदना बंद करिए, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का साबुन खरीदना बंद करिए। तो आप पूछेंगे तो क्या लक्स खरीदे? लक्स भी मत खरीदिए, लाइफ बॉय भी मत लीजिए, वैक्सोना भी मत लीजिए, लिरिल भी मत लीजिए, पियर्स भी मत लीजिए, कैने भी मत लीजिए, पामोलिव भी मत लीजिए, जॉनसन एंड जॉनसन भी, कोई साबुन ऐसा मत लीजिए। ये सब परदेशी कंपनियों के, और ये परदेशी कंपनियों के हैं साबुन। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि इन सारे साबुनों में कुछ भी क्वालिटी नहीं है। ये सब साबुन बनते हैं कास्टिक सोडा से, और कास्टिक सोडा शरीर की त्वचा के लिए बहुत खराब माना जाता है। कास्टिक सोडा के किसी भी साबुन से आप नहाइए, नहाने के 10 मिनट के बाद शरीर पर नाखून से लाइन खींचे, सफेद रंग की लाइन खींचे। और सर्दी के दिनों में, जाड़े के दिनों में अगर आप साबुन रगड़ कर नहाएं तो 10 मिनट के बाद आपका पूरा चेहरा सफेद सफेद हो जाएगा, पूरा शरीर सफेद सफेद हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं कि पहले साबुन रगड़ते हैं, चेहरा सफेद बनाते हैं, फिर कहीं से कोल्ड क्रीम खरीद कर लाते हैं और चेहरे को ऑयलिश बनाते हैं। क्या बेवकूफी कि पहले साबुन रगड़ो और चेहरा बर्बाद करो, शरीर बर्बाद करो, फिर कहीं से कोल्ड क्रीम खरीद के लाओ और शरीर को ऑयलिश बनाओ। दोनों ही पैसा हिंदुस्तान से अमरीका जाएगा। तो आप पूछेंगे राजीव भाई फिर इसका इलाज क्या है? इलाज बहुत अच्छा और बहुत सस्ता और सबके घर में हो सकता है। ऐसा इलाज मैं आपको बताता हूं। आप नहाइए चने के आटे में दूध की मलाई मिलाकर। बेसन हम सबके घर में है, दूध की मलाई भी हम सबके घर में। तो बेसन में दूध की मलाई मलाइए और उसको पेस्ट बना लीजिए और उसको शरीर पर लगाइए जैसे साबुन लगाते हैं, और हल्के गर्म पानी से नहा लीजिए। ठंडे पानी से भी नहा सकते हैं, हल्के गर्म पानी से भी नहा सकते हैं। आपका शरीर एकदम साफ हो जाएगा और आपकी त्वचा में कभी भी रफनेस नहीं आएगी। दूसरा तरीका एक और है कि चने के आटे में दूध भी मिला सकते हैं, चने के आटे में दही भी मिला सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा है। दूध की मलाई मिलाइए, दूध भी मिलाइए, दही भी मिलाइए। एक और तरीका मैं आपको बताता हूं। हर एक दुकान पर चले जाइए, मुल्तानी मिट्टी मिलती है, आप ले आइए उसको, और मुल्तानी मिट्टी को पानी में डाल दीजिए। 5-6 घंटे के बाद वो एकदम मुलायम हो जाती है, और उस मुल्तानी मिट्टी को पेस्ट बना के शरीर पर लगाइए जैसे साबुन लगाते, और नहा लीजिए, एकदम शरीर साफ हो जाए। एक और तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी लाइए, अरीठा का पाउडर लाइए, शीका का ही पाउडर लाइए, और ये तीनों बराबर बराबर मात्रा में मिला लीजिए, और इस पाउडर को नहाने से थोड़ी देर पहले पानी में डाल दीजिए, उसका पेस्ट बनाइए, शरीर पर लगाइए, साबुन की तरह से नहा लीजिए, एकदम शरीर साफ हो जाएगा। और ये पाउडर आपके लिए बालों के शैम्पू का भी काम करेगा, आपके बाल टूटने बंद हो जाएंगे अगर आप इससे बाल धोएंगे अपने तो। और कोई भी आप परदेशी कंपनी का शैम्पू खरीदेंगे, पामोलिव खरीदेंगे, या तो लैक्मे का खरीदेंगे, या तो पॉन्ड्स का खरीदेंगे, या तो कुछ भी खरीदेंगे, ये सारे शैंपू बाल तोड़ते हैं, क्योंकि हर शैंपू बनता है अमोनियम क्लोराइड नाम के एक केमिकल से, जो शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है, बालों के लिए भी नुकसानदायक। तो जितने आप केमिकल शैंपू इस्तेमाल करेंगे सब आपके बाल तोड़ देंगे, इसलिए बाल आपके कीमती हैं, क्यों उनको बर्बाद करना चाहते हैं? नहीं तो एक दिन गंजे हो जाएंगे, तो विक खरीदना पड़ेगा नकली आपको। तो उससे अच्छा यह है कि आप ऐसा तरीका इस्तेमाल करें जिससे आपके बाल भी ना टूटे, हमारे देश का पैसा भी देश के बाहर ना जाए, आपको बेस्ट क्वालिटी भी मिले, ओरिजिनल चीज मिले, प्रकृति से मिलने वाली सीधी चीजें आप इस्तेमाल करिए, उनमें जो क्वालिटी है वो किसी भी चीज में नहीं। तो ये सारे तरीके हम अपनाएंगे तो कितना पैसा बचेगा इस देश का, एक ही उदाहरण से मैं समझाता हूं आपको। जॉनसन एंड जॉनसन अमरीकी कंपनी है, इसका धंधा चलता है हमारे देश में। इस कंपनी का साबुन बिकता है 30 रुपए का 50 ग्राम, 60 रुपए का 100 ग्राम, 600 रुपए का 1 किलोग्राम। अब आप बताइए 600 रुपए की 1 किलोग्राम दूसरी कौन सी चीज मिलती है इस देश में? गाय का घी खरीदिए 150 रुपए का 1 किलोग्राम, काजू की बर्फी खरीदिए 250 रुपए की 1 किलोग्राम, बादाम की बर्फी खरीदिए 280 रुपए की 1 किलोग्राम। सब सस्ती है, साबुन महंगा है, गाय का घी सस्ता, बादाम की बर्फी सस्ती, काजू की बर्फी सस्ती। और जितने पैसे में आप 4 किलो गाय का घी खाएंगे उतने पैसे में 1 किलो साबुन आता है जॉनसन एंड जॉनसन। अब आपकी मुश्किल यह है कि 4 किलो गाय का घी खाएंगे तो शरीर को ताकत मिलेगी, वो 1 किलो साबुन तो खा भी नहीं सकते।
तो उसका आप करेंगे क्या? शरीर पर लगाएंगे, पानी में बहाएंगे और हिंदुस्तान का सत्यानाश करेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ये सब साबुन बंद करिए। बेसन आपके घर में है, चने का आटा आपके घर में है, दूध की मलाई आपके घर में है, हल्दी का पाउडर आपके घर में है, चंदन का पाउडर खरीद सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी है, आंवला है, अरीटा है, शीकाकाई है, ढेर सारे तरीके हैं इस देश में नहाने के। उन सब का आप इस्तेमाल करिए, असली स्वदेशी तरीके वही है। फिर भी आपको लगता है नहीं राजीव भाई हमको तो साबुन ही चाहिए, तो कभी भी साबुन खरीदना हो तो खादी ग्राम उद्योग की दुकानों से खरीदिए, वहां हमेशा स्वदेशी साबुन मिलता, उसका पैसा कभी देश के बाहर नहीं जाएगा और वो हमारे देश के स्थानीय उत्पादकों द्वारा बनाया गया साबुन है। तो मेरा माने तो प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करिए, लेकिन अगर साबुन की ही जरूरत है तो खादी ग्राम उद्योग का साबुन खरीदिए या ऐसे साबुन खरीदिए जो पूरी तरह से निरापद है और सुरक्षित है। हर साल हम सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया इस देश का बचा सकते हैं। ऐसे ही मेरा आपसे एक और निवेदन है कि हमारे देश में बहुत तेजी के साथ नौजवानों में गिरावट आ रही है और एक अजीब सी चिंता की बात इस देश के नौजवानों में जो दिखाई दे रही है वो ये कि आज के नौजवानों में संकल्प की बहुत कमी है। संकल्प नहीं दिखाई देता, कमजोरी इतनी है, शरीर की नहीं मन की कमजोरी है। शारीरिक कमजोरी कमजोरी नहीं होती है, मानसिक कमजोरी महत्वपूर्ण होती है। तो आज की जो नई पीढ़ी हमारे आंखों के सामने दिख रही है इसमें इतनी मानसिक कमजोरी कहां से आई है? और काफी समझने बूझने के बाद मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, हो सकता है ये गलत भी हो, इस देश की नौजवान पीढ़ी ज्यादातर फंसी हुई है किसी ना किसी तरह के व्यसन में, या तो शारीरिक व्यसन में या तो कोई मानसिक व्यसन में। और शारीरिक व्यसन क्या है? मानक्षण खा रहे हैं, पान पराग खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, मिले तो तंबाकू खा रहे हैं, मावा खा रहे हैं, नहीं तो शराब ही पी रहे हैं। एक बार एक व्याख्यान में मैं कह रहा था तो एक भाई खड़ा हो गया, कहने लगा राजीव भाई आपकी बात पूरी समझ में आ गई मुझको, अब मुझे ये बताइए कि कल से मैं विदेशी शराब नहीं पीऊंगा, देशी कौन सी पीऊं? और ये मेरे साथ अभी चंद्रपुर में हुआ, बड़ी सभा में कहने लगा कि बताइए देशी कौन सी पीऊं? तो मैंने कहा भाई विदेशी देशी दोनों खतरनाक है, शराब ही खतरनाक है। मैं तुझको यह सुझाव नहीं देना चाहता कि कुएं से निकल और खाई में गिर। यह एक बड़ी समस्या है हमारे समाज की। और महात्मा गांधी अक्सर कहा करते थे कि व्यसन होता है वो आदमी के शरीर की बर्बादी तो करता ही है, उसकी आत्मा का सत्यानाश भी कर देता। और आत्मा का सत्यानाश कैसे होता है? कि कोई भी आदमी संकल्पहीन हो जाता है, और संकल्पहीन आदमी जब हो जाता है तो ना तो राष्ट्र का काम कर पाता है, ना देश का काम कर पाता है, ना समाज का काम कर पाता है, खुद अपना भी काम नहीं कर पाता, अपने परिवार का काम भी नहीं कर पाता। तो मेरा इस सभा में जो भी बैठे हुए लोग हैं, वो नौजवान हो या बुजुर्ग, उनसे मेरा निवेदन है कि जितनी जल्दी संभव हो इस व्यसन से अपने आप को मुक्त करिए। तो व्यसन से आप जब अपने आप को बाहर निकालेंगे तो आपको अपने संकल्प शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये संकल्प शक्ति बढ़ती तभी है जब आप इसका बार बार इस्तेमाल करें। हमारे देश के सांख्य दर्शन में एक सिद्धांत है नेति नेति का, ना इति ना इति, माने ये नहीं ये नहीं। तो ये नेति नेति का सिद्धांत है, आपको ये लग सकता है कि राजीव भाई ये निगेटिव प्रिंसिपल है, नकारात्मक है, मैं इसको बहुत सकारात्मक मानता हूं कि जब ये नहीं कहता है आदमी, ये नहीं ना कहना जब सीखता है आदमी, तो मन में जो संकल्प पैदा होता है वो हां करने में नहीं होता है कभी। तो व्यसन को ना कहिए, तो पान पराग नहीं, गुटखा नहीं, माणकचंद नहीं, बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, शराब नहीं, कुछ भी नहीं। और आप अगर संकल्प कर लेंगे तो दुनिया का कुछ भी चीज असंभव नहीं है। संकल्पवान व्यक्ति एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ सकता है तो शराब पीना नहीं छोड़ सकता। संकल्पवान व्यक्ति दुनिया में क्या क्या नहीं कर लेते तो हम बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू नहीं छोड़ सकते। और एक दिन मैं हिसाब लगा रहा था, मैंने पिछली बार जब सरकार चलती थी यहां, चिदंबरम फाइनेंस मिनिस्टर था, उस समय एक सवाल पूछवाया था लोकसभा में। सवाल यह था कि पूरे देश में कितना गुटखा बिकता, माणकचंद, पान पराग वगैरह वगैरह सब मिलाकर। तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ जब सरकार का जवाब आया कि पूरे देश में एक साल में 5,000 करोड़ का सिर्फ गुटखा बिकता, इसमें मावा शामिल नहीं है, कुछ भी दूसरी चीज शामिल नहीं, सिर्फ गुटखा बिकता 5,000 करोड़ का।
तो मैंने उस दिन हिसाब लगाना शुरू किया कि मान लो किसी दिन हिंदुस्तान के नौजवानों में, युवतियों में, सब में इतना संकल्प आ जाए कि वो गुटखा खाना बंद कर दें और कुछ सद्बुद्धि उनमें पैदा हो जाए तो क्या फायदा होगा राष्ट्र का। तो राष्ट्र का कितना फायदा हो सकता, मैंने हिसाब लगाना शुरू किया। तो एक साल अगर इस देश के लोग गुटखा ना खाएं तो 5,000 करोड़ रुपया बचेगा। ये 5,000 करोड़ रुपया इतना है कि हमारे देश में जानवर भी भोजन नहीं करते, हम गुटखा खा जाते हैं 5,000 करोड़। तो 5,000 करोड़ का गुटखा खाना बंद एक साल में ही, सिर्फ हिसाब बता रहा हूं आपको, तो एक साल का हम गुटखा नहीं खाएंगे तो 5,000 करोड़ बचेगा। अब इसका हम करें, इस 5,000 करोड़ को एनएससी में डाल दीजिए, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ले लीजिए, तो 5 साल में 2 गुना हो जाता है। तो 5,000 करोड़ का 5 साल में 10,000 करोड़ हो जाएगा, 10 साल में 20,000 करोड़ हो जाएगा, 15 साल में 40,000 करोड़ हो जाएगा, 20 साल में 80,000 करोड़ हो जाएगा, 25 साल में 1,60,000 करोड़ हो जाएगा और 30 साल में 3,20,000 करोड़ हो जाएगा और 35 साल में 6,40,000 करोड़ हो जाएगा। पता है कितना पैसा है ये? भारत के ऊपर जितना परदेशी कर्ज है वो सब चुकाया जा सकता है अगर एक साल हम गुटखा खाना बंद कर दें। सारा परदेशी कर्ज हम चुका सकते हैं। तो जिस दिन से मुझको ये समझ में आया, मैंने नौजवानों को कहना शुरू किया कि भाई ये बर्बादी मत करो, ये बर्बादी तुमको बर्बाद कर रही है, देश को भी बर्बाद कर रही है। हमारे देश की बर्बादी क्या हो रही है कि पैसा डूब रहा है फालतू के काम में, अनप्रोडक्टिव है, बेकार का है। इससे ज्यादा प्रोडक्टिव दूसरे काम है जिनमें हम पैसा लगा सकते हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण है कि जब गुटखा नहीं खाएगा कोई नौजवान, बीड़ी सिगरेट नहीं पिएगा कोई नौजवान, तो मन में जो संकल्प पैदा होता है वो महत्वपूर्ण है और वो संकल्प किसी भी आदमी को कहीं से कहीं पहुंचा सकता। वाल्मीकि जैसा व्यक्ति जो डकैती डालता था, चोरी करता था, संकल्प लिया तो रामायण लिख डाली। गोस्वामी तुलसीदास जैसा बेवकूफ आदमी शादी के पहले ऐसी बेवकूफियां किया करता था, एक बार संकल्प लिया और रामचरितमानस लिख डाली। महात्मा गांधी ने एक दिन संकल्प ले लिया, जब अफ्रीका के एक रेलवे स्टेशन पर उनको डिब्बे में से निकालकर फेंक दिया तो उस आदमी ने पूरी अंग्रेजी साम्राज्य को हिला दिया। दुनिया में ऐसे 1001 उदाहरण हैं कि आदमी जब छोटे से छोटा संकल्प कर लेता है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत से टकराने की उसमें हिम्मत पैदा होती है। एक आदमी काफी है, एक व्यक्ति का संकल्प पूरी दुनिया को बचा सकता है, एक व्यक्ति का संकल्प पूरे राष्ट्र को कहीं से कहीं ले जा सकता है, एक व्यक्ति का लिया हुआ संकल्प पूरे राष्ट्र की दिशा बदल देता है। तो मेरा आपसे व्यक्तिगत निवेदन है कि आप संकल्प लीजिए कि आपके जीवन में व्यसन नहीं आएगा, और आप व्यसन से दूर रहेंगे तो आपका संकल्प इस देश के, इस समाज के, इस राष्ट्र के काम में आने वाला है। तो मेरा आपसे एक और निवेदन है, और ये आप बीड़ी सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान पराग, मावा, शराब सब पीना छोड़ें, एक और खतरनाक व्यसन है उसको भी छोड़िए, उसका नाम है चाय और कॉफी। रोज सवेरे ही सवेरे हम पीते हैं बिना सोचे समझे कि हम क्या पी रहे हैं और क्यों पी रहे हैं। आपको मालूम नहीं है कि ये चाय और कॉफी दोनों ही चीजें हमारे पीने के लिए नहीं है। हमारा देश बहुत गर्म देश है, एक साल में 9 महीने हमारे यहां गर्मी पड़ती है, और साल में 9 महीने गर्मी जिस देश में पड़ती हो उस देश में चाय कॉफी पीना बहुत बेवकूफी का काम है। ये चाय कॉफी उन देशों के पीने की चीज है जहां बहुत सर्दी पड़ती है, और इतनी ज्यादा सर्दी पड़ती है कि साल में 6 महीने बर्फ जमी रहती है, कभी भी सूरज के दर्शन नहीं होते। तो अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में, स्वीडन में, कनाडा में, स्विट्जरलैंड में, उन सभी देशों में चाय कॉफी पीने की जरूरत है, हमको चाय कॉफी पीने की कोई जरूरत नहीं। तो चाय कॉफी पीना बंद करिए, इसलिए भी पीना बंद करिए कि चाय में टैनिन नाम का जहर है और कॉफी में कैफीन नाम का जहर, और ये दोनों जहर कैंसर कर देते हैं। तो आप मत पीजिए चाय कॉफी, अपने मेहमान को भी मत पिलाइए, क्योंकि अतिथि देवता होता तो देवताओं को जहर नहीं पिलाया करते कभी। तो आप पूछेंगे इससे फायदा क्या होगा,
हमारे देश का हर साल 7000 करोड़ रुपया बचेगा। कैसे बचेगा? हम चाय पीते हैं ब्रुकबॉर्न की, लिप्टन की, रेड लेवल की, टीसीटी की, आईटीसी की, गॉडफ्रे फिलिप्स की, कॉफी पीते हैं रिचब्रू की या नेस्ले की, नेस्कैफे, सब परदेशी कंपनियां। और ये नेस्ले कंपनी हमारे यहां कॉफी बेच रही है, जानते हैं किस भाव में? 120 रुपए की 100 ग्राम, 1200 रुपए की 1 किलोग्राम कॉफी। जरा सोचिए, 1200 रुपए किलो की कॉफी पी रहे हम, जिसको पीने की कोई जरूरत नहीं। तो ये सारा पैसा बचेगा 7000 करोड़ का, और इस देश की अर्थव्यवस्था के काम आएगा। तो आप फिर कहेंगे, राजीव भाई आदत इतनी बुरी पड़ गई है चाय कॉफी की, अगर एक दिन ना पिए तो सिर में दर्द होने लगता है, शरीर में दर्द होने लगता है, काम करने का मन नहीं करता। तो जान लीजिए आप व्यसन के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि शराब पीने वाले आदमी को रोज शराब चाहिए, एक दिन शराब नहीं मिलेगी तो उसके भी सिर में दर्द होगा, शरीर में दर्द होगा, काम नहीं करेगा। तो चाय कॉफी भी ऐसा ही व्यसन है, तो इस व्यसन को छोड़िए। तो छोड़ने का तरीका मैं आपको बता सकता हूं। आप कहेंगे कैसे छूटे? तो जब आपको चाय पीने की बहुत तलब लगी हो और आपको लगता हो कि नहीं नहीं चाय पीनी ही चाहिए, तो पानी उबालने के लिए रख दीजिए। तो पानी उबालने के बाद जब आप उसमें चाय की पत्ती डालते हैं, वो मत डालिए, पानी उबालकर सीधे उतारिए, कप में डालिए और उसको धीमे धीमे पीना शुरू कर दीजिए। जैसे चाय पीते हैं सिप करके ना, कॉफी सिप करके पीते हैं, तो वो सिप करके पीना एक संस्कार बन गया है। तो शरीर बार बार उसकी डिमांड करता है कि इसको अपनाओ, इसको अपनाओ। तो गर्म पानी सिप करके पीना शुरू कर दीजिए, आपके चाय कॉफी की तलब ही खत्म हो जाएगी। फायदा क्या होगा? गर्म पानी पिएंगे आपको कभी भी अर्थराइटिस की तकलीफ नहीं होगी। ये जोड़ों की बीमारी होती है ना, कभी नहीं होगी। आप पीते रहिए, गर्म पानी पीते रहिए, कभी भी आपको जॉन्डिस नहीं होगा, हेपेटाइटिस नहीं होगा, पीलिया नहीं होगा कभी। गर्म पानी पीते रहिए, कभी भी आपको डायबिटीज नहीं होगा। गर्म पानी पीते रहिए, कभी भी आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ नहीं होगी, कब्जियत नहीं होगी। गर्म पानी पीते रहिए, कभी भी आपके शरीर पर मोटापा नहीं चढ़ेगा, चर्बी नहीं बढ़ेगी। गर्म पानी पीते रहिए, आपके शरीर को कभी भी हार्ट अटैक की तकलीफ नहीं आएगी। गर्म पानी के बहुत फायदे हैं, तो आप पीजिए, अपने मेहमान को भी पिलाइए। तो 7000 करोड़ रुपया हम देश का बचाएंगे, और इस देश की आर्थिक आजादी को जो चुनौती पैदा की गई है अमेरिका और जापान जैसे देशों की तरफ से, उसके लिए हम इस देश में एक बड़ा अभियान चलाएंगे। और ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं जो अगर मैं देता रहूंगा तो सारी रात निकल जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ आपसे संक्षेप में ये कहना चाहता हूं कि ऐसे जितने परदेशी कंपनियों के सामान है हम सब खरीदना बंद करें, तो हमारे देश का हर साल हम 70000 करोड़ रुपया बचा सकते हैं। और एक साल में अगर हम हमारे देश का 70000 करोड़ रुपया बचाएंगे, तो जानते हैं ये पैसा कितना है? भारत सरकार की एक साल की जो कुल आमदनी है उसका ये आधा बैठता है। हमारे केंद्र सरकार की एक साल की आमदनी लगभग 1,33,40,000 करोड़ के आसपास है। टैक्स के कलेक्शन से जो रेवेन्यू आता है सरकार को, वो सरकार की आमदनी कहलाता है। तो रेवेन्यू कलेक्शन जो हमारे देश का टोटल रेवेन्यू कलेक्शन है एक साल का, वो लगभग 1,40,000 करोड़ के आसपास है। और ये 1,40,000 करोड़ जो सरकार की आमदनी है, हम देश के लोग चाहें तो ये 1,40,000 करोड़ 2,10,000 करोड़ हो सकता है। अगर हम परदेशी कंपनी का माल ना खरीदें तो हर साल 70000 करोड़ रुपया बच सकता है। और अगर हर साल 70000 करोड़ रुपया बचे तो कभी भी हमारे देश को परदेशी कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। और परदेशी कर्ज लेने की जरूरत नहीं है तो परदेशी कर्जे के ब्याज के दुष्चक्र में फंसने की भी जरूरत नहीं है। इतना बड़ा काम हम इस देश का कर सकते हैं। और आपको मैं एक बहुत गंभीर महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। आज के दुनिया के अर्थशास्त्र में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि किसी भी देश में पैसा जो कमाया जा रहा है वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पैसा बचाया जा रहा है। पैसा कमाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पैसा बचाना। माने देश के लिए अगर आप घरेलू बचत कर रहे हैं, डोमेस्टिक सेविंग्स बढ़ा रहे हैं, तो आप इस देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो मेरा आपसे दूसरा निवेदन है कि एक तो परदेशी कंपनियों का बहिष्कार करिए, दूसरा हमारे देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत लगातार बनाना है, अमेरिका के प्रतिबंधों का अगर हमको जवाब देना है तो एक काम और करिए, अपने जीवन में दो सिद्धांत अपना लीजिए, अपरिग्रह और संयम की।
हमारे यहां ईशावास्य उपनिषद का एक श्लोक है जिसमें कहा गया है ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां वृदह कस्य सिद्धनम। इस पूरे श्लोक में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मुझे लगती है वो तेन त्यक्तेन भुंजी था त्याग पूर्वक भोग। ये बहुत गहरी फिलॉसफी है भारतीय संस्कृति की, भोग करो लेकिन त्याग के साथ। और ये त्याग पूर्वक भोग की फिलॉसफी को अगर एक शब्द में कहना हो तो अपरिग्रह, और दूसरा कोई शब्द इसके लिए इस्तेमाल करना हो तो संयम। तो अपरिग्रह और संयम आप अपने जीवन में लाइए और इस राष्ट्र को हम बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो वो कैसे होगा, हम हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं जिनको हम ना भी इस्तेमाल करें तो हमारा जीवन चल सकता है। हमारे अपने जीवन में कंजम्पशन का रेट हमने इतना ज्यादा बढ़ा दिया है, भोग करना इतना ज्यादा बढ़ा दिया है, इस्तेमाल करना इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि आने वाली संस्कृति के लिए खतरा पैदा हो गया है। सारी दुनिया में एक खास तरह की आर्थिक पद्धति चलती है, यूरोप के देशों में, अमेरिका के देशों में जो आर्थिक पद्धति चलती है उस आर्थिक पद्धति में यह कहा जाता है कि जो जितना भोग करेगा वो उतना ही विकसित है। हमारे यहां भारतीय संस्कृति में इसका ठीक उल्टा है, जो जितना त्याग करेगा वो उतना ही विकसित है। हमारे यहां भोगी लोगों की पूजा नहीं होती, त्यागियों की पूजा होती। हम भगवान महावीर स्वामी की पूजा करते हैं, कौन से महावीर स्वामी की करते हैं, जो राजकुमार की तरह से महल में रहते थे या महल छोड़कर साधना के रास्ते पर गए, त्याग के रास्ते पर गए, कौन से महावीर स्वामी की हम पूजा करते हैं, जिन्होंने त्यागा अपने जीवन में, जिन्होंने भोग छोड़ा, त्याग के रास्ते पर गए, उनकी हम पूजा करते हैं, उनको हम भगवान मानते हैं। महात्मा बुद्ध, कौन से महात्मा बुद्ध की पूजा करते हैं, जिन्होंने त्याग किया था अपने जीवन में, संयम अपनाया, अपरिग्रह के सिद्धांत पर गए, उनकी हम पूजा करते हैं। महात्मा गांधी, किस महात्मा गांधी की पूजा करते हैं, किसको श्रद्धा से हम मानते हैं, वो महात्मा गांधी जो कभी वकालत करता था, बैरिस्टर की तरह से रहता था, 3-piece सूट पहनता था और 15,000 रुपए महीने की तनखा कमाई करता था, उस महात्मा गांधी की, या जिसने लंगोटी धारण की थी उस महात्मा गांधी की। हमारे ही देश में एक ऐसी विशेषता है कि हम उन्हीं को मानते हैं, उन्हीं को पूजते हैं जो जीवन में जितने बड़े त्यागी हैं। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम तब कहा गया जब उन्होंने महल छोड़ा और 14 वर्ष का वनवास झेला, गली गली जंगल जंगल भटके, तकलीफ उठाई, कष्ट सहे, तब हम मानते हैं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम हुए। माने भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है त्याग। और हमारे देश में माना भी यही जाता है कि त्यागने में जो आनंद है वो भोगने में कभी नहीं। सुख अगर महसूस करना है तो वो आपको त्याग के ही साथ महसूस होगा, भोगने के साथ सुख महसूस नहीं होगा कभी नहीं। जीवन के हर क्षण आप जब त्याग करते हैं तो आपको सुख महसूस होता है, भोग करते हैं तो दुख महसूस होता है। उदाहरण के लिए सवेरे ही सवेरे आप जब उठते हैं और टॉयलेट में जाते हैं तो क्या करने के लिए जाते हैं, त्याग करने के लिए कि भोग करने के लिए। इस पर हंसे बिना थोड़ी देर गंभीरता से सोचिए। उदाहरण मैंने इसलिए यह चुना कि आपको तुरंत बैठेगा दिमाग में, नहीं तो मैं कोई दूसरा उदाहरण भी चुन सकता था। आपके दिमाग में मैं बिठाना चाहता हूं एक छोटी सी बात कि हम सवेरे ही सवेरे उठते हैं, टॉयलेट में क्या करने के लिए जाते हैं, त्याग करने के लिए या भोग करने के लिए? आप त्याग करने के लिए जाते हैं। और मान लीजिए आप इसका उल्टा सिद्धांत अपनाएं कि हम त्याग नहीं करेंगे, भोग करेंगे, माने संचय करेंगे, और संचय करेंगे तो माने 7 दिन तक हम टॉयलेट नहीं जाएंगे, संचय करेंगे। हां तो करके देख लीजिए, आप मरने की हालत में पहुंच जाएंगे। मतलब बहुत साफ है, जीवन का हर सिद्धांत आपको त्याग करना सिखाता है, भोग करना नहीं सिखाता, और सुख आपको उसी में महसूस होता है। और इसके विपरीत एक दूसरा कोई उदाहरण उठा के देख लीजिए कि जब कोई बहुत गरीब आदमी को आप अपनी जेब में से निकाल कर कुछ दान कर देते हैं तो आपकी आत्मा को जो शांति मिलती है वो शांति आपको किसी दूसरे काम में नहीं मिलने वाली।
तो हमारे जीवन का भी सिद्धांत है, हमारी संस्कृति का भी सिद्धांत है कि हम त्याग संस्कृति वाले देश हैं, हम तेन त्यक्तेन भुंजीथा वाले देश हैं। तो मैं आपसे आज यही निवेदन करने आया हूं कि आज इस राष्ट्र के सामने जो बड़ा संकट खड़ा हुआ है, इस संकट को दूर करने का एक और रास्ता हमारे पास है। हम हमारे जीवन में अपरिग्रह और संयम के रास्ते पर चलें। माने जितनी चीजों में हमारा जीवन चल सकता है उतनी ही चीजें हम लें, बाकी चीजें आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ें। तो एक ऐसे विकास के रास्ते पर हम जाएंगे जिसमें देश परावलंबी नहीं होगा, हमेशा स्वावलंबी होगा। यूरोप और अमेरिका में इसके ठीक उल्टा सिद्धांत अपनाया जाता है कि वहां भोग को जीवन का आदर्श माना जाता है और उसी को विकास का आदर्श माना जाता है। हमारे यहां त्याग को जीवन का आदर्श माना जाता है और उसी को विकास का आदर्श भी माना जाता है। तो आज इस देश के विकास की दशा और दिशा अपरिग्रह और संयम के सिद्धांत पर अगर आधारित हुई तो कोई अमरीका क्या अमरीका जैसे 100 देश हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जापान क्या जापान जैसे 1000 देश हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और अगर राष्ट्र के जीवन में ये बातें आनी चाहिए तो हमारे समाज में ये बातें परिलक्षित होनी ही चाहिए, और समाज में अगर ये बातें परिलक्षित होंगी तो सरकारों को भी इन बातों पर नीति बनाने में सुविधा होगी और देश को आगे ले जाने में सुविधा होगी। तो एक बाजू में मैंने आपसे एक छोटा सा सुझाव दिया कि अपने जीवन में विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करिए, दूसरे बाजू में मैं आपको एक छोटा सा और सुझाव दे रहा हूं कि संयम और अपरिग्रह के रास्ते पर अपने जीवन को चलाना शुरू करिए, देश का उससे भी बड़ा भला होगा। क्या भला होगा? हर साल हम हमारे देश की डोमेस्टिक सेविंग्स बचत बढ़ा सकते हैं, घरेलू बचत बढ़ा सकते हैं। और मैंने आपको कहा कि आधुनिक अर्थशास्त्र में पैसा कमाना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही पैसा बचाना, तो देश की बचत हम बढ़ाएं तो परदेशी पैसा लेने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक साल के अंदर 2,00,000 करोड़ रुपए की घरेलू बचत होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश का एक साल का जो जीडीपी है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, उसमें करीब 8,00,000 करोड़ का है हमारे देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और इसका 24% हम डोमेस्टिक सेविंग्स करते हैं हर साल, तो 2,00,000 करोड़ की हमारी घरेलू बचत है। और ये जो 2,00,000 करोड़ की घरेलू बचत, इसमें अगर हम और 1,00,000 करोड़ जोड़ दें तो हर साल 3,00,000 करोड़ रुपया हम राष्ट्र के स्तर पर खुद बचत के रूप में सरकार को दे सकते हैं, और भारत सरकार को किसी के सामने कटोरा लेकर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। आज हमारे देश के कुछ अर्थशास्त्री ऐसा मानते हैं कि विदेशी पूंजी की बहुत जरूरत है, हमारे देश का जो कोर सेक्टर का डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, वहां पे हमको बहुत ज्यादा पूंजी चाहिए। तो दिल्ली में एक बार एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में मैं गया था जिसमें यही सब बातें हो रही थी। मैंने एक अर्थशास्त्री से पूछा कि एक साल में कितना रुपया चाहिए हमको कोर सेक्टर के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो उन्होंने कहा, राजी भाई, कम से कम दो लाख करोड़ से लेकर 3,00,000 करोड़ तक तो चाहिए। तो मैंने कहा 2,00,000 करोड़ की तो हमारी डोमेस्टिक सेविंग्स है, और 1,00,000 करोड़ की हम डोमेस्टिक सेविंग्स बढ़ा सकते हैं, 3,00,000 करोड़ तो हम इस देश में डोमेस्टिक सेविंग्स में पैदा कर सकते हैं। और वो पैसा अगर हम इस राष्ट्र के कोर सेक्टर के विकास में लगाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में लगाएं, तो हमको कटोरा लेकर विदेशी पूंजी लेने के लिए भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बहुत आसानी के साथ ये हो सकता है, और ये बहुत आसानी के साथ हो सकता है तो राष्ट्र का विकास बहुत तेजी से हो सकता है। तो मेरा आपसे एक और निवेदन है कि आप अपने जीवन में अपरिग्रह और संयम के सिद्धांत को अपनाइए, उससे बचत बढ़ेगी इस देश की, और वो घरेलू बचत हमारे देश के राष्ट्र के विकास के काम में लग सकेगी। और ऐसी ही कुछ दूसरी तरह की बातें और कहकर खत्म करूंगा कि एक बाजू में इन अमरीकी कंपनियों का बहिष्कार हमको इसलिए करना है कि अमरीका ने हमारे ऊपर चुनौती लगाई है आर्थिक पाबंदी के रूप में, दूसरे बाजू में इन अमरीकी कंपनियों का बहिष्कार करना इसलिए भी जरूरी है कि हमारे देश में अभी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का एक बहुत बड़ा ऑफिसर है, जॉइंट डायरेक्टर के पद पर है, मैं उसका नाम नहीं ले सकता क्योंकि यह जाहिर व्याख्यान है, उसकी नौकरी पर चोट आ सकती है। उसने एक रिपोर्ट दी है भारत सरकार को बना के, हमारे देश की खुफिया एजेंसी, सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है सीबीआई, उससे भी ऊपर है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के खुफिया विभाग का हमारे देश का एक जॉइंट डायरेक्टर भारत सरकार को रिपोर्ट दे रहा है, गलती से वो रिपोर्ट लीक हुई और कुछ अखबारों में छप गई। उस रिपोर्ट में उसने क्या लिखा है? उसने ये लिखा है कि अमरीकी कंपनियां भारत में सिर्फ व्यापार करने ही नहीं आ रही हैं, इन अमरीकी कंपनियों के साथ सबसे ज्यादा मात्रा में सीआईए के एजेंट्स आ रहे हैं भारत में, और ये सीआईए के एजेंट्स जो भारत में भेजे जा रहे हैं उनका मूल उद्देश्य क्या है? तो
ये मूल उद्देश्य अगर समझना हो तो आप समझिए, जब बिल क्लिंटन दूसरी बार राष्ट्रपति बना तो उसने सेनेट के अंदर एक वक्तव्य दिया था। बिल क्लिंटन ने कहा था कि भारत अब हमारी हिट लिस्ट में नंबर एक पर है। आप समझते हैं इसका मतलब क्या? उसने कहा था कि सोवियत संघ को खत्म कर देने के बाद अब भारत हमारी हिट लिस्ट में नंबर एक है और चीन हमारी हिट लिस्ट में नंबर दो है। तो माने भारत को खलास करना है उसी तरह से जैसे इन्होंने सोवियत संघ को खलास किया था। और ये अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने सेनेट में कहा, इसलिए मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। एक पुराना राष्ट्रपति और था अमेरिका का, उसका नाम था रोनाल्ड रीगन। रोनाल्ड रीगन जिस दिन रिटायर हुआ, माने जिस दिन उसका टर्म पूरा हुआ था और वो गया था अपना समय पूरा करके, तो उस दिन जो उसने आखिरी भाषण दिया है सेनेट में, उसकी भी नीति वही थी। उसने भी कहा था कि सोवियत संघ के खत्म हो जाने के बाद अब हमारे लिए जो चुनौती है वो या तो भारत है या तो चीन है, माने हम उनकी चुनौती पर हैं और इसलिए वो हमारे देश को खत्म करने के लिए कोई भी नीति बनाएंगे। सोवियत संघ को जिस तरह से उन्होंने खत्म किया उसी तरह से भारत को खत्म करने की योजना भी उन्होंने बनाई है। सोवियत संघ कैसे खत्म हुआ था उसका किस्सा अगर आपको समझ में आ जाए तो भारत के खात्मे का किस्सा भी आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। सोवियत संघ को अमेरिका ने कैसे खत्म किया, बहुत दिनों के बाद अब सोवियत संघ में यह पता चला है कि एक बार अमरीकी CIA का आदमी सोवियत संघ का राष्ट्रपति बना, उसका नाम था मिखाइल गोर्बाचोव। बहुत बार ऐसा होता है और किसी को होश नहीं होता कि उनके देश में क्या हो रहा। मिखाइल गोर्बाचोव जब सोवियत संघ का राष्ट्रपति बना तो किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये अमरीकी एजेंट है, लेकिन मिखाइल गोर्बाचोव राष्ट्रपति बना। और राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद मिखाइल गोर्बाचोव ने क्या किया, 1986 में मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत संघ में दो नीतियां चलाई। एक नीति का नाम था ग्लासनोस्ट और दूसरी थी पेरेस्ट्रोइका। ये दोनों रशियन भाषा के शब्द हैं। ग्लासनोस्ट रशियन भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, और पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है लिबरलाइजेशन। तो मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ का राष्ट्रपति बना और उसने दो नीतियां चलाई, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, जागतिकरण उदारीकरण। क्या किया उसने, दरवाजा खोल दिया अपने पूरे देश का और अमरीकी कंपनियों को बुलाना शुरू कर दिया। तो सोवियत संघ के बाजार में खुलकर अमरीकी कंपनियों को मौका दिया गोर्बाचोव ने, और अमरीकी कंपनियां जब सोवियत संघ के बाजार में पहुंची तो एक एक करके उन्होंने सोवियत संघ की सारी कंपनियों को खरीदना शुरू कर दिया। और अमरीका की कंपनियों ने जब सोवियत संघ की कंपनियों को खरीदना शुरू किया तो एक दिन ऐसा भी आया कि सोवियत संघ के जो बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर थे वो भी बिकना शुरू हो गए। और जब बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बिक गए, प्राइवेट सेक्टर भी बिक गए, तो सोवियत संघ में अपना स्वदेशी कहने लायक कुछ भी नहीं बचा। और एक दिन ऐसी स्थिति आई कि सोवियत संघ में परिस्थिति इतनी खराब हुई कि अमरीकी कंपनियों ने सोवियत संघ के पूरे प्रोडक्शन के सेक्टर को टेक ओवर कर लिया। और उनका क्या चलता था सिद्धांत, अमरीकी कंपनियां सोवियत संघ की कंपनियों को खरीदती थी, उनमें ताला डालती थी, लोगों की छटनी करती थी, बेरोजगारी, तो लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। तो पूरे के पूरे आर्थिक उत्पादन के तंत्र पर अमरीकी कंपनियों ने कब्जा करके सोवियत संघ का सत्यानाश कर दिया। फिर उसके बाद सोवियत संघ के किसानों को बर्बाद किया। अमरीका की एक कंपनी, उसका नाम है कारगिल, इसने क्या तमाशा किया, अमरीका से गेहूं लेकर कारगिल कंपनी सोवियत संघ में बेचने के लिए गई, और सोवियत संघ में जो गेहूं का दाम होता था उससे बहुत सस्ते दाम पर इस कंपनी ने गेहूं बेचना शुरू कर दिया। मिखाइल गोर्बाचोव ने क्या किया था, ग्लोबलाइजेशन के नाम पर सोवियत संघ में पहले जो एंटी डंपिंग लॉ लगता था वो हटा दिया उसने। तो सोवियत संघ की कंपनियां, सॉरी अमेरिका की कंपनियां बहुत सस्ते दाम पर सोवियत संघ में गेहूं बेचने लगी, चावल बेचने लगी, दूसरे सामान बेचने लगी। तो एक बार सोवियत संघ के किसानों को बहुत घाटा हुआ गेहूं की फसल करने में। तो सोवियत संघ के किसानों ने तय किया कि अब हम गेहूं पैदा ही नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका से बहुत सस्ता गेहूं आता था। तो जिस साल सोवियत संघ के किसानों ने गेहूं पैदा करना बंद किया उसी साल अमरीकी सरकार ने गेहूं बेचना उस देश में बंद करा दिया। तो जो सोवियत संघ सारी दुनिया में गेहूं का निर्यात करता था उसी सोवियत संघ में फिर डबल रोटी के लिए लड़ाइयां होना शुरू हो गई। युद्ध
युद्ध होना शुरू हो गए, रोटी के लिए मार होनी शुरू हो गई। तो जब रोटी के लिए लड़ाइयां शुरू हुई उस देश में, और एक ऐसा भी समय आया कि ढाई ढाई घंटे तीन तीन घंटे लाइन में लगना पड़ता था तब डबल रोटी का एक पैकेट मिलता था मास्को जैसे शहर में, तो लोगों में गुस्सा पैदा हुआ और उससे हिंसा हुई और हिंसा भड़कती गई भड़कती गई भड़कती गई। और एक दिन अमरीका के राष्ट्रपति ने मिखाइल गोर्बाचोव को एक कहा कि हम आपके देश में ये जो लोग मर रहे हैं रोटी के बिना, भूख से मर रहे हैं, इन लोगों के लिए हम फूड पैकेट्स गिराना चाहते हैं, आप इसकी परमिशन दे दो। तो सोवियत संघ के मिखाइल गोर्बाचोव ने परमिशन दे दी। तो अमरीका के जहाज आते थे वो फूड पैकेट्स गिराते थे, तो उन जहाजों के पायलट ऑफिसर्स को ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे कि जहां कहीं 1000 लोग खड़े हो वहां सिर्फ 10 पैकेट गिराना ताकि कोई खा ना सके उसको, और आपस में लड़के एक दूसरे को मार दे खत्म कर दे। तो फूड पैकेट्स के माध्यम से अमरीकी लोगों ने, अमरीकी सेनाओं के पायलट ऑफिसर्स ने सोवियत संघ में फूड रॉयट्स करा दिए, और इतनी मारामारी हुई, इतनी घमासान मारामारी हुई कि एक राष्ट्र 17 टुकड़ों में खंड खंड बट गया। एक जमाना था जब कभी सोवियत संघ नाम का एक राष्ट्र था, आज दुनिया में ऐसा कहीं राष्ट्र नहीं है, अभी 17 टुकड़े हो गए हैं। और जिस दिन सोवियत संघ के 17 टुकड़े हुए उसी के बाद मिखाइल गोर्बाचोव अपना देश छोड़कर भाग गया और अमरीका में रहना शुरू कर दिया उसने। और आप जानते हैं आजकल मिखाइल गोर्बाचोव अमरीका की एक कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, और अब सोवियत संघ के लोगों को पता चला है कि वो अमरीकी एजेंट था जिसको सोवियत संघ का राष्ट्रपति बनाया गया, जिसके माध्यम से ग्लोबलाइजेशन कराया गया, लिबरलाइजेशन कराया गया, और पूरे देश का सत्यानाश कर दिया उसने। और जब अमरीका में भागकर चला गया मिखाइल गोर्बाचोव, तो अमरीकी सरकार ने उस मिखाइल गोर्बाचोव को नोबल पीस प्राइज दिलवाया। शांति का सबसे बड़ा इनाम मिखाइल गोर्बाचोव को मिला। क्यों? क्योंकि उसने अपने देश का सत्यानाश किया, अमरीका के स्वार्थों की पूर्ति की। मैं आपको कहना यह चाहता हूं कि जो आदमी अमरीका के स्वार्थों की जितनी ज्यादा पूर्ति करता है उसी आदमी को उतना बड़ा इनाम मिलता है। तो मिखाइल गोर्बाचोव को इनाम मिला, नोबल पीस प्राइज, और आज मिखाइल गोर्बाचोव अमरीका में रहता है, सोवियत संघ में नहीं रहता। अब सोवियत संघ के लोगों को पता चल रहा है कि वो अमरीकी एजेंट था जिसने उनके देश का सत्यानाश किया। और इस कहानी के माध्यम से मैं आपको एक दूसरा उदाहरण और जोड़ना चाहता हूं इसी कहानी में, कि इसी अमरीका ने एक और देश बर्बाद किया है, उसका नाम है इंडोनेशिया। और उस इंडोनेशिया को अमरीका ने कैसे बर्बाद किया है उसका भी किस्सा आप सुन लीजिए। इंडोनेशिया में एक राष्ट्रपति होता था, अब नहीं है, सुहार्तो। 1991 के साल में सुहार्तो ने वही किया जो मिखाइल गोर्बाचोव ने 1986 में किया। सुहार्तो ने भी अपने देश में ग्लोबलाइजेशन किया, लिबरलाइजेशन किया, उदारीकरण किया, जागतिकरण किया, इंडोनेशिया का दरवाजा खोल दिया, अमरीकी कंपनियों को बुला लिया और अमरीकी कंपनियों को लूट की खुली छूट दे दी। इंडोनेशिया का जो शेयर बाजार है वो पूरी तरह से अमरीकी कंपनियों के कब्जे में चला गया। अमरीका की एक कंपनी है स्टेनली मॉर्गन और दूसरी कंपनी है मेरिल लिंच, इन सब ने जाके इंडोनेशिया के पूरे शेयर मार्केट को कंट्रोल कर लिया, और एक तरह से वो शेयर मार्केट को उठाते गए उठाते गए उठाते गए। इंडोनेशिया के लोगों ने ऐसा माना कि ये शेयर बाजार उठ रहा है तो इंडोनेशिया की कोई बड़ी भारी तरक्की हो रही है, तो इंडोनेशिया के लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई शेयर बाजार में लगाना शुरू कर दिया। और एक दिन इन कंपनियों को समझ में आया कि अब इंडोनेशिया के लोगों के पास कुछ भी पैसा नहीं है, तो उन्होंने जितना पैसा लगाया था वो सब विड्रॉ कर लिया, तो धड़ाम से शेयर बाजार इंडोनेशिया का जमीन पर गिरा। और जैसे ही इंडोनेशिया का शेयर बाजार गिरा, जकार्ता का शेयर बाजार गिरा, लाखों लाखों इन्वेस्टर्स वहां के बर्बाद हो गए, जिनका हजारों करोड़ रुपया डूब गया उस शेयर बाजार में। फिर वहां के कारखाने बंद होना शुरू हो गए, मंदी आ गई बाजार में, मंदी इतनी भयंकर आई कि व्यापारियों के सामने संकट पैदा हुआ, फिर व्यापारियों के बाद वो संकट बढ़ता बढ़ता किसानों के सामने गया, और किसानों के सामने इतना संकट पैदा हुआ कि उत्पादन खत्म हो गया, उत्पादन खत्म हो गया तो वहां भी भुखमरी आ गई, लाखों लाखों लोग बेरोजगार हो गए। तो फिर लाखों लोगों को जब ये समझ में आया कि ये सब कुछ हुआ है ग्लोबलाइजेशन के कारण,
लिबरलाइजेशन के कारण। तो अभी पिछले कुछ महीनों से इंडोनेशिया में आंदोलन चल रहा था, जिस आंदोलन की मुख्य मांग थी कि जिस राष्ट्रपति ने हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन किया, लिबरलाइजेशन किया, हमारे देश का सत्यानाश किया, अब उस राष्ट्रपति को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो फांसी की सजा तो नहीं मिली, लेकिन सुहारतो को इस्तीफा देना पड़ा। और मैं आपको एक इसी के साथ दूसरी जानकारी और देना चाहता हूं कि सुहारतो की सरकार में एक आदमी था जो वित्त मंत्री था 1991 के साल से। आज वो आदमी इंडोनेशिया छोड़कर भाग गया है अमेरिका में, और अब इंडोनेशिया के लोगों को समझ में आ रहा है कि 1991 के साल में जिस आदमी को वित्त मंत्री बनाया गया था इंडोनेशिया में, वो अमेरिका का एजेंट था और पूरी इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया उस आदमी। और मैं आपको आज यहां कह रहा हूं कि अभी अगले हफ्ते भर या 10 दिन के अंदर आप एक दूसरा समाचार सुनेंगे इंडोनेशिया का कि सुहारतो अपना देश छोड़कर भाग गया और अमेरिका में रहना शुरू कर दिया उसने भी। अभी सुहारतो का बैंक बैलेंस टेस्ट किया गया है, $400 करोड़ उसमें जमा है। पूरे देश का सत्यानाश कर दिया उस प्रेसिडेंट ने, अमरीकी कंपनियों को लूट की खुली छूट दे दी, ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन के नाम पर सारे धंधे खत्म कर दिए उसने। और आज उस इंडोनेशिया को बीच मझधार में छोड़कर सुहारतो किसी भी क्षण भाग सकता है। और इंडोनेशिया में आग लगी हुई है। कैसी आग लगी हुई है? अभी हफ्ते भर पहले की खबर थी कि जकार्ता की एक दुकान में डबल रोटी के कुछ पैकेट रखे हुए थे। 100 नौजवान भूख से तड़प रहे थे, 3 दिन से खाया नहीं था। वो 100 नौजवानों को पता चला कि दुकान में डबल रोटी के पैकेट हैं। दूसरे बाहर दूसरे 100 नौजवान खड़े हुए थे, उनको पता चला कि अंदर वाले सब खा जाएंगे, तो बाहर वाले लड़कों ने दुकान में ही आग लगा दी। वो 100 के 100 लड़के उसी में जलकर मर गए। तो भूख के लिए इतनी जबरदस्त लड़ाई इस समय इंडोनेशिया में चल रही है। और ये बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा आपको कि कल इंडोनेशिया भी ऐसे ही ना टूट जाए जैसे सोवियत संघ टूटा था। तो ये अमरीकी कंपनियां क्या सत्यानाश करती हैं किसी भी देश का, उसका एक उदाहरण सोवियत संघ, दूसरा उदाहरण इंडोनेशिया, और तीसरा उदाहरण है साउथ कोरिया, दक्षिणी कोरिया। एक जमाने में ये दक्षिणी कोरिया नाम का देश एशियन टाइगर कहलाता था, और आज वो देश पूरी तरह से भिखारी हो गया है, बैंकरप्ट हो गया है। दक्षिणी कोरिया की सरकार ने भी वही गलती की जो सोवियत संघ ने की, जो इंडोनेशिया ने की। उन्होंने भी ग्लोबलाइजेशन चलाया, लिबरलाइजेशन चलाया, और ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन चला के अमरीकी कंपनियों को दरवाजा खोल के बुला लिया, और अमरीकी कंपनियों ने पूरा का पूरा दक्षिणी कोरिया का बिजनेस चौपट करा दिया। सियोल का शेयर मार्केट ऐसे ही गिराया अमरीकी कंपनियों ने जैसे इंडोनेशिया का गिराया, और उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस खड़ी हो गई पूरे के पूरे साउथ कोरिया में। और नतीजे उसके ये निकले हैं कि साउथ कोरिया की बड़ी बड़ी कंपनियां बिकी कौड़ी के दाम में। उनकी सबसे बड़ी कंपनी हुंडई मोटर्स बिकी, बाजार में उसकी जो कीमत होनी चाहिए उसकी 1/3 कीमत पर हुंडई मोटर्स बिक गई, अमरीकी कंपनियों ने उसको खरीद लिया। पूरा का पूरा साउथ कोरिया बर्बाद हो गया। और वहां के राष्ट्रपति महोदय ने अब यह कहना शुरू किया है कि हमने तो किया था ग्लोबलाइजेशन, हमने तो किया था लिबरलाइजेशन, लेकिन हो गया है रिकॉलोनाइजेशन। माने एक जमाने में दक्षिणी कोरिया अमेरिका का गुलाम था, आज फिर दक्षिणी कोरिया अमेरिका का गुलाम हो गया। तो अब वहां के नौजवानों ने आंदोलन चलाया है, वहां के नौजवान कह रहे हैं बी कोरियन एंड बाई कोरियन। इंडोनेशिया के नौजवान जो आंदोलन चला रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं, बी इंडोनेशियन एंड बाई इंडोनेशियन। सोवियत संघ में बोरिस येल्सिन नाम का प्रेसिडेंट खुद ही आंदोलन चला रहा, बी रशियन एंड बाई रशियन। तो ये सारे के सारे उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि इन सभी देशों की बर्बादी हुई है अमरीकी कंपनियों के कारण, क्योंकि अमरीकी कंपनियां घुसी, ग्लोबलाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, और सत्यानाश हो गया इन देशों का। और मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि हमारे देश में भी ऐसा हो रहा है। 1991 के साल से हमारे देश में भी ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, लिबरलाइजेशन चल रहा है। और हमारे देश में जिन लोगों ने ये ग्लोबलाइजेशन चलाया, जिन लोगों ने लिबरलाइजेशन चलाया, उनमें दो सबसे महत्वपूर्ण लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह और पी चिदंबरम, और दोनों को अमेरिका में बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का अवार्ड मिला है। माने मिखाइल गोर्बाचोव को नोबेल पीस प्राइज दिया गया क्योंकि उसने अपने देश की बर्बादी की, इंडोनेशिया के एक फाइनेंस मिनिस्टर को बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का अवार्ड दिया गया क्योंकि उसने इंडोनेशिया की बर्बादी की। हमारे देश की भी बर्बादी करने वाले दो आदमियों को
बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का अवार्ड मिला। और इन दोनों लोगों ने जो ग्लोबलाइजेशन चलाया, जो लिबरलाइजेशन चलाया, उसका क्या सत्यानाश हुआ है। हमारे देश में भी दरवाजा खोलकर परदेशी कंपनियों को लूट की खुली छूट मिली है। हमारे देश में भी ये विदेशी कंपनियों को खुली छूट मिली है आने की, और विदेशी कंपनियों को जो भी सुविधाएं दी गई हैं इस देश में, वो सारी की सारी सुविधाएं स्वदेशी लोगों से ऊपर है। परदेशी कंपनियों के माल पर टैक्स में कटौती हुई है, परदेशी कंपनियों के माल को भारत में बहुत आसानी के साथ घुसा दिया गया, और परदेशी कंपनियों के माल पर कितनी टैक्स में कटौती की गई है आपको मालूम है? जिन सामानों पर 400% टैक्स लगता था, 400% कस्टम ड्यूटी लगती थी, अब उन सामानों पर सिर्फ 40% कस्टम ड्यूटी। जिन सामानों पर 350% कस्टम ड्यूटी लगती थी, अब उन सामानों पर सिर्फ 30% कस्टम ड्यूटी। जिन सामानों पर 200% तक की कस्टम ड्यूटी लगती थी, अब उन सामानों पर सिर्फ 20% कस्टम ड्यूटी। और बहुत सारे ऐसे सामान हैं जिन पर 80-100% तक की कस्टम ड्यूटी लगती थी, अब उन सामानों पर कुछ भी ड्यूटी ही नहीं लगती, वो सब ड्यूटी फ्री हो गए। तो परदेशी कंपनियों के सामान पर टैक्स में भयंकर कटौती, और भारतीय कंपनियों पर टैक्स जस का तस। भारतीय कंपनियों को एक्साइज ड्यूटी भी देनी है, सेल्स टैक्स भी देना है, इनकम टैक्स भी देना है, ऑक्ट्रॉ टैक्स भी देना है, टोल टैक्स भी देना है, सर्विस टैक्स भी देना है, तमाम तरह के डिपार्टमेंट का आपको बंधन झेलना है, और परदेशी कंपनियों को टैक्स में लगातार कटौती की जा रही है। उसके नतीजे क्या निकल रहे हैं? भारत में परदेशी माल बहुत सस्ता बिक रहा है और स्वदेशी माल बहुत महंगा हो गया। और परदेशी माल जब बहुत सस्ता है और स्वदेशी माल महंगा है, तो स्वदेशी कारखाने बंद होते चले जा रहे हैं, परदेशी धंधे ज्यादा बढ़ रहे हैं इस देश में। कैसे कैसे हमारे स्वदेशी कारखाने बंद हुए हैं? अभी मैंने आपको बताया, मैं चंद्रपुर गया था, वहां स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक कारखाना है जो बंद होने वाला है। उस कारखाने के अधिकारी मेरा व्याख्यान सुनने आए थे, मैंने उनसे पूछा कि आपकी क्या हालत है, तो कहने लगे, राजीव भाई, परदेशी स्टील आ रहा है हमारे देश में 8,000 रुपए में 1 टन, और हम स्वदेशी स्टील बना रहे हैं 13,000 रुपए में 1 टन। स्वदेशी स्टील बहुत महंगा है, परदेशी स्टील सस्ता। आपके मन में प्रश्न आएगा कि स्वदेशी स्टील इतना महंगा क्यों है, परदेशी स्टील इतना सस्ता क्यों है? परदेशी स्टील पर टैक्स में भयंकर कटौती की गई और स्वदेशी स्टील पर टैक्स में कोई कटौती नहीं। तो स्वदेशी स्टील महंगा, परदेशी स्टील सस्ता, तो स्टील बनाने वाले सारे कारखाने धीरे धीरे बंद होने के लिए तैयार। यही हालत हमारे देश के कागज उद्योग की है, पेपर इंडस्ट्री की। बल्लारपुर में महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पेपर मिल है, बल्लारपुर पेपर इंडस्ट्री, थापर ग्रुप की, प्राइवेट सेक्टर की। अभी 60% उत्पादन उनका पूरी तरह से डंप हो रहा है, बिक नहीं रहा है बाजार। और जब बल्लारपुर में मैं गया था व्याख्यान देने, तो वहां के जो मैनेजर थे, उन्होंने बताया, राजीव भाई, ऑस्ट्रेलिया से कागज आ रहा है, कनाडा से कागज आ रहा है, अमेरिका से कागज आ रहा है, तमाम परदेशी कंपनियों का कागज आ रहा है। सरकार ने इतनी टैक्स में कटौती कर दी है कि उनका कागज बहुत सस्ता है, हमारा कागज महंगा, तो हम बेच नहीं पा रहे। कागज बनाने वाले 40 मिल बंद हुए हैं पिछले एक वर्ष के अंदर इस देश में। यही हालत हमारे देश की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में क्या हुआ है? परदेशी इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने वाली कंपनियों को खुली छूट मिली, और स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बनाने वाली कंपनियां एक एक करके बंद हो गई। आप बाजार में जाइए और किसी भी टेलीविजन की दुकान पर खड़े होकर पूछिए कि आपके पास ईसी टेलीविजन है, तो आपको बताएगा कि ये तो बनना ही बंद हो गया। कभी एक जमाने में ईसी टेलीविजन नाम की पब्लिक सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी थी, जो अब बंद हो चुकी। टेलीविजन की दुकान पर जाकर पूछिए कि अपट्रॉन नाम का टेलीविजन है, तो वो कहेगा ये कंपनी ही बंद हो गई है, उत्तर प्रदेश सरकार की ये बहुत बड़ी कंपनी थी जो अभी बंद हो चुकी। आप बाजार में जाइए, मैं आपको चुनौती देता हूं, मेल्ट्रॉन टीवी खरीद के दिखा दिए मुझे कहीं से। ये महाराष्ट्र सरकार की बहुत बड़ी कंपनी थी टेलीविजन बनाने वाली, जो पूरी तरह से बंद हो चुकी। बाजार में जाइए, आपको कहीं भी कोणार्क टेलीविजन नहीं मिलेगा, ये कर्नाटक सरकार की बहुत बड़ी कंपनी थी जो अभी बंद हो चुकी। बाजार में जाइए, आपको टेलेरामा नाम का टेलीविजन नहीं मिलेगा, ये तमिलनाडु सरकार की बहुत बड़ी कंपनी थी जो बंद हो चुकी। ऐसी हमारे देश की छोटी बड़ी हजारों इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियां बंद हो गई, क्योंकि परदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आया, सस्ता किया गया उसको बाजार में टैक्स में कटौती करके, और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान महंगे होते गए, कंपनियां बंद होती चली। यही स्थिति हमारे देश के केमिकल इंडस्ट्री की है, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की। बाहर से आने वाले केमिकल सब इतने सस्ते हो गए हैं क्योंकि सरकार ने टैक्स में कटौती है उनकी, तो रॉ मटेरियल जो आ रहा है बाहर से, कच्चा माल आ रहा है, उस पर उतनी ही कस्टम ड्यूटी है जितने पक्के माल पर है,
हमेशा से कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी कम रखी जाती है, पक्के माल पर ज्यादा रखी जाती है, लेकिन अब कच्चे माल पर भी उतनी ही कस्टम ड्यूटी है जितनी पक्के माल पर है। तो धीरे धीरे सारे के सारे केमिकल इंडस्ट्री के कारखाने बंद होते चले जा रहे हैं। यह हालत हमारे देश की। पिछले 7 साल में क्या हुआ है, लगभग 36 से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र हैं हमारे देश के जो बर्बाद हुए हैं, और 2,62,000 कारखाने हमारे पूरी तरह से बंद हो गए। ये 2,62,000 कारखाने जो बंद हुए, इनमें करोड़ों लोग काम करते थे जो बेरोजगार हो गए। भारत सरकार उसको इस तरह से कहती है कि सन 1991 के साल में हमारे देश में गरीबों की संख्या थी 32 करोड़, अब 1998 में गरीबों की संख्या हो गई है 40 करोड़, माने 8 करोड़ गरीब पिछले 7 साल में और ज्यादा पैदा हुए। तो ये 8 करोड़ गरीब कहां से आए? पहले ये लोग कहीं काम करते थे, इनको कोई रोजगार था, इनके पास कोई धंधा था, अब इनके कारखाने बंद हो गए, इनके रोजगार खत्म हो गए, इनके धंधे खत्म हो गए, इसलिए इनके पास कुछ भी नहीं है काम करने के। और 8 करोड़ लोग जब बेरोजगार हो जाते हैं किसी बाजार में और उनके खरीदने की शक्ति खत्म हो जाती है, क्षमता खत्म हो जाती है, परचेजिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है, तभी बाजार में मंदी आती है। और हमारे देश के बाजार में पिछले 2 साल से जो मंदी चल रही है, वैसी मंदी पिछले 40 साल में कभी नहीं आई। और इस मंदी का भुगतान कौन कर रहा है? या तो व्यापारी कर रहा है, या तो उद्योगपति कर रहा है। और आपको मालूम है, एक बार जब मंदी का दुष्चक्र पैदा होता तो वो बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। मान लीजिए कोई एक कारखाना बंद हुआ, तो एक कारखाने के बंद होने के कारण उस कारखाने के लिए जो जॉब वर्क करते थे छोटे छोटे कारखाने, वो सब बंद हो जाएंगे। उस कारखाने के लिए सप्लाई करता था कोई आदमी अपना माल, तो वो सब खत्म हो जाएगा। इस तरह से हमारे देश का पूरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खत्म हो रहा है, मीडियम स्केल इंडस्ट्री की भी बर्बादी हो रही है। ये ग्लोबलाइजेशन में हो रहा है, लिबरलाइजेशन में। और ये सारी नीतियां बनाई गई हैं मनमोहन सिंह और चिदंबरम जैसे लोगों के द्वारा, और आज उनका हमारे देश में सत्यानाश हमारी आंखों के सामने। एक और भयंकर नुकसान हमारे देश को किया इन दोनों लोगों ने। मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री बना तो उसने हमारे देश के रुपए का अवमूल्यन करना शुरू किया, डिवेल्युएशन शुरू किया। और डिवेल्युएशन शुरू किया तो उसके पीछे तर्क क्या था उसका? उसने ये कहा कि हम भारत का निर्यात बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हम इस देश का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा निर्यात कब होगा? जब इस देश की मुद्रा का अवमूल्यन करेंगे तो माल सस्ता हो जाएगा, इसलिए ज्यादा बिकेगा। तो अवमूल्यन करते गए। कितना किया? 1991 के साल में $1 में 18 रुपया होता था, आज $1 में 40 रुपया, 120% अवमूल्यन हो गया। इसका नुकसान क्या हुआ? 1991 के साल में जब हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 18 रुपए का माल बेचते थे तो हमको $1 मिलता था, अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमको 40 रुपए का माल बेचना पड़ता तब $1 मिलता, माने 22 रुपए का माल हमारा खड्डे में जा रहा है, उसकी कोई कीमत हमको नहीं मिल रही। दूसरा नुकसान क्या हुआ कि पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में से हम लोग कोई सामान खरीद के लाते थे, आयात करके लाते थे, तो 18 रुपए का माल जब हम खरीद कर लाते थे, अब वही माल हमको 40 रुपए का खरीदना पड़ता, तो हमारे आयात के खर्चे बढ़ गए, निर्यात की आमदनी कम हुई। निर्यात की आमदनी कम, आयात के खर्चे जब बढ़ जाते हैं तो व्यापार में घाटा पैदा होता है, और इस साल भारत सरकार का व्यापार घाटा लगभग 20,000 करोड़ रुपए के आसपास होने वाला है। अभी बजट आएगा 1 जून को, बजट आएगा तो आपको पता चलेगा कि इस साल का व्यापार घाटा पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा है। ये सब कुछ हुआ है हमारे देश में उन आर्थिक नीतियों के कारण जो चलाई गई हैं सन 1991 से। और इसका एक नुकसान और हुआ है कि जब जब व्यापार घाटा ज्यादा बढ़ता है, हमारे देश में एक ऐसी परंपरा डाल दी है ये मनमोहन सिंह और चिदंबरम जैसे लोगों ने कि पहले नीतियां ऐसी बनाओ कि व्यापार घाटा पैदा हो, फिर उस व्यापार घाटे की पूर्ति करने के लिए परदेशी कर्ज लेके आओ। 1947 में हम आजाद हुए थे, हमारे देश के ऊपर एक भी परदेशी कर्ज नहीं था, एक भी पैसे का। आज इस देश के ऊपर $140 अरब का परदेशी कर्ज हो गया। इसको अगर रुपए में हिसाब लगाएंगे तो 1 अरब में 100 करोड़ होता है और $1 में 40 रुपया होता है लगभग, तो 5,60,000 करोड़ रुपए का परदेशी कर्ज है हमारे ऊपर। और इसको हिसाब लगाएंगे तो हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति के ऊपर लगभग 5,500 रुपए का परदेशी कर्ज है। एक परिवार में अगर 5 सदस्य हैं तो लगभग 30,000 रुपए का परदेशी कर्जदार है हर एक परिवार। तो आप कहेंगे राजीव भाई हमने तो कभी लिया नहीं, हमारे ऊपर कहां से चढ़ा? तो ये अद्भुत कर्जा है जो आपने कभी लिया नहीं लेकिन चढ़ा है आपके सिर पर, और इसका भुगतान भी आपको करना पड़ता है।
इस परदेशी कर्जे का जब ब्याज चुकाना पड़ता है सरकार को, तो उसका भुगतान आप करते हैं। आप कैसे करते हैं? आप सरकार को जो टैक्स देते हैं, सरकार आपसे जो टैक्स वसूलती है, उस टैक्स की वसूली का एक बड़ा हिस्सा परदेशी कर्जे का ब्याज चुकाने में खर्च होता है। और इस साल आप जब बजट आएगा 1 जून को, तो आप एक ही चीज समझने की कोशिश करिए बजट में कि इस साल भारत सरकार का सबसे ज्यादा पैसा कहां खर्च हो रहा है। हमारे देश के गरीब किसानों के ऊपर खर्चा नहीं होगा, बेरोजगारों पर खर्चा नहीं होगा, हमारे देश में जो लोग भूख से मर रहे हैं उनके ऊपर नहीं होगा, पानी के लिए नहीं होगा। भारत सरकार का सबसे ज्यादा पैसा खर्च होगा इस साल परदेशी कर्जे का ब्याज चुकाने में। और लगभग, अभी बजट नहीं आया लेकिन मैं अप्रोक्सीमेशन आपको दे रहा हूं, लगभग इस साल भारत सरकार का 80,000 करोड़ रुपए परदेशी कर्जे का ब्याज चुकाने में चला जाएगा। ये ग्लोबलाइजेशन का दुष्परिणाम है। और ये 80,000 करोड़ रुपया कितना होगा? ये भारत सरकार के पिछले साल की जो आमदनी है टैक्स की, उसका 70% है। पिछले साल टैक्स की आमदनी बहुत कम हुई है सरकार, क्योंकि उत्पादन कम हुआ है तो एक्साइज ड्यूटी का कलेक्शन कम हुआ, क्योंकि उत्पादन कम हुआ है तो इनकम टैक्स भी कम कलेक्ट हुआ, क्योंकि मंदी आई है बाजार में इसलिए सेल्स टैक्स भी कम कलेक्ट हुआ। बिक्री नहीं है बाजार में तो सेल्स टैक्स कहां से आएगा, उत्पादन नहीं है तो एक्साइज ड्यूटी कहां से आएगी, इनकम नहीं है तो इनकम टैक्स कहां से आएगा। तो सभी तरह के टैक्स में कमी आई है, क्योंकि हमारे देश में मंदी चल रही है, उत्पादन में कमी आई, तो टैक्स में कमी आई है, सरकार की आमदनी में कमी आई है। तो पिछले साल की जो आमदनी हुई है उसका 70% परदेशी कर्जे का ब्याज चुकाने में चला जाएगा। और बचे हुए 30% में क्या होगा? बचे हुए 30% में से लगभग 15% चला जाएगा भारत सरकार के केंद्र सरकार की कर्मचारियों की तनख्वाह देने। 5वें वेतन आयोग की रपट लागू हो गई, और 5वें वेतन आयोग की जो रपट लागू हुई है उसके अनुसार क्या होगा, जिन सेक्रेटरीज को अब तक 10-12 हजार रुपए की तनख्वाह मिलती थी, अब उनको 40-45 हजार रुपए की तनख्वाह मिलेगी। इतने भयंकर खर्चे बढ़ाए हैं सरकार, और ये सरकारी अधिकारियों की कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी तो एक नया नोटिफिकेशन आ गया है, हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय की भी तनख्वाह बढ़ गई। कितनी बढ़ी है जानते हैं? अब तक हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय को 20,000 रुपए की बेसिक सैलरी मिलती थी पर मंथ, अब वो मिलेगी 70,000 रुपए महीने बेसिक सैलरी। मैं अब की बार दिल्ली गया था अप्रैल के महीने में, तो मैंने एक ज्वाइंट सेक्रेटरी से पूछा कि राष्ट्रपति महोदय को 70,000 रुपए तो बेसिक सैलरी मिलेगी, अभी इस पर डीए कितना? कहने लगा कम से कम 350%। तो मैंने कहा टीए कितना है? कहने लगा फिर अलग अलग क्यों पूछते हो, एक साथ पूछ लो, फिर पूछोगे एचआरए कितना? तो मैंने कहा भाई एक साथ ही बता दे। तो कहने लगा राजीव भाई इतना समझ लीजिए कि अब राष्ट्रपति महोदय को एक महीने में कम से कम 3 से 3.5 लाख रुपए की तनख्वाह मिलेगी। तो अब राष्ट्रपति महोदय की तनख्वाह बढ़ी तो प्रधानमंत्री कैसे पीछे रह जाएंगे, और प्रधानमंत्री की बढ़ेगी तो मुख्यमंत्री पीछे कैसे रह जाएंगे, और मुख्यमंत्रियों की बढ़ेगी तो मंत्री पीछे कैसे रह जाएंगे, और मंत्रियों की बढ़ेगी तो एमपी कैसे पीछे रह जाएंगे, एमएलए कैसे पीछे रह जाएंगे। तो सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ गई है तो एमपी, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्रियों की भी तनख्वाहें बढ़ेंगी अब। और दूसरी तरफ हमारे देश का किसान इस साल भूखे मर रहा है। आपको मालूम है विदर्भ में अभी 4-5 दिन पहले 4 किसान परिवारों ने आत्महत्या कर ली, भूख से तंग आकर, गरीबी से तंग आकर। विदर्भ में अब तक 350 से ज्यादा किसान हैं जो आत्महत्या कर चुके हैं। पिछले साल आंध्र प्रदेश में 100 किसान परिवारों ने आत्महत्या की थी गरीबी और भूखमरी से तंग आकर। इस साल किसानों के सामने आत्महत्या करने की नौबत क्यों आई है? क्योंकि पिछले 7-8 साल के ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का दुष्परिणाम यह हुआ है कि खेती के लिए जो इन्वेस्टमेंट होता था सरकारी केंद्र के स्तर पर, वो लगातार कम करते चले गए, और परदेशी कंपनियों के लिए खुली छूट दी गई। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किसानों के लिए नहीं किया गया, परदेशी कंपनियों के लिए किया गया। तो लगातार खेती के उत्पादन में कमी आई, और खेती के उत्पादन में इस साल भयंकर कमी इसलिए भी आई कि बेमौसम बारिश हुई, ओले पड़ गए बेमौसम की। तो बेमौसम की बारिश और बेमौसम के ओले का दुष्परिणाम यह है कि बाजार में जाइए आम है नहीं। रत्नागिरी में जितना आम पैदा होता था उसका मुश्किल से 20% इस साल पैदा होने वाला। वलसाड में जितना आम पैदा होता था गुजरात का, उसका मुश्किल से 10-15% पैदा होने वाला।
तो खेती का उत्पादन बुरी तरह से गिरा है और किसानों की आमदनी बुरी तरह से कम हुई है। जिन किसानों ने कर्जा लेकर खेती की थी वो सारे किसान अब असहाय हैं, इसलिए उनके सामने आत्महत्या करने के अलावा अब कोई दूसरा चारा नहीं है। तो किसान आत्महत्या कर रहा है भूख से, और हमारे राष्ट्रपति महोदय को 3.5 से 4 लाख रुपए की तनख्वाह मिलेगी प्रतिमा। कैसा देश है, कौन सी आजादी? क्या इसी आजादी के लिए हमने इस देश में कुर्बानियां दी हैं 6 करोड़ लोगों की? एक जमाने में दादा भाई नौरोजी ने एक चिट्ठी लिखी थी, वो अखबार में छपी थी, 1890 की बात है। दादा भाई नौरोजी लिख रहे थे और उस समय अंग्रेज सरकार का जो बजट बनता था उसके बारे में उन्होंने लिखा था कि अंग्रेजी सरकार कितनी अत्याचारी है कि अंग्रेजी सरकार का एक साल का जो बजट है उस बजट का 2/3 हिस्सा तो तंत्र पर खर्च होता है, 1/3 हिस्सा लोगों के ऊपर खर्च होता है। अभी दादाभाई नौरोजी की वही बात मुझे फिर से याद आ रही है कि आजादी के 50 साल के अंदर फिर ऐसी ही नौबत पैदा हो गई है कि 2/3 हिस्सा तंत्र पे खर्च होगा, 1/3 हिस्सा लोक पर खर्च होगा। तो लोक पीछे है, तंत्र आगे है। कैसा लोकतंत्र चला रहे हैं आप इस देश में, कौन सी डेमोक्रेसी? और ये आर्थिक संकट की निशानियां हैं। ऐसे ही आर्थिक संकट पैदा हुआ इंडोनेशिया में, ऐसे ही आर्थिक संकट पैदा हुआ है साउथ कोरिया में, ऐसा ही आर्थिक संकट पैदा हुआ था सोवियत संघ में, वैसा ही आर्थिक संकट हमारे देश में है। तो इसलिए भी हमको बहुत जल्दी इन सब चीजों के बारे में सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए। मैंने आपको पहले ही कहा कि ये सारा का सारा तंत्र जो इस समय चल रहा है परदेशी कंपनियों के लिए, नीतियां चल रही हैं परदेशी कंपनियों के लिए, इसलिए भी हमको अपनी पूरी ताकत लगा के इन परदेशी कंपनियों का बहिष्कार करना। एक कारण तो ये अमरीकी कंपनियां हैं, दूसरा कारण हमारे रॉ के ऑफिसर की रिपोर्ट के इनके साथ CIA के एजेंट भी आ रहे हैं, और तीसरा कारण कि हमारे देश में इन कंपनियों के लिए जो ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन चल रहा है उसका नुकसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था को हो रहा है। तो इसलिए हमको ये परदेशी का बहिष्कार, विदेशी कंपनियों का बहिष्कार और स्वदेशी को स्वीकार करने का नारा लगाना ही पड़ेगा और गांव गांव गली गली ये आंदोलन चलाना ही पड़ेगा। इसके अलावा अब कोई रास्ता है भी नहीं हमारे पास, सारे रास्ते बंद हो चुके, अब यही एक रास्ता बचा हुआ है। तो इस रास्ते पर चलें तो शायद ये देश बचेगा। तो चलने के लिए आप पूछेंगे क्या है, अभी जो बर्बादी आई है आर्थिक रूप से उसमें से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? मैंने आपको बताया पहला रास्ता तो परदेशी कंपनियों के बहिष्कार का है जो आप अपने जीवन में अपनाएंगे। एक रास्ता और है, हम भारत सरकार को मजबूर करें कि वो इस ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन की नीतियों को बंद करे और रोके। और इसके लिए मैंने भारत सरकार को एक चिट्ठी भेजी है, एक ड्राफ्ट भेजा है जिसमें मैंने 40 सुझाव दिए हैं और मेरे सुझाव वहां पहुंचे भी हैं, उनकी चिट्ठी भी आई है और उनके साथ डिस्कशन भी हो चुका है। मंत्री महोदय से मैं मिला था, उद्योग मंत्री से मेरी दिल्ली में मुलाकात हुई थी। मैंने उनसे कहा है कि अगर अर्थव्यवस्था को बचाना चाहते हैं तो कुछ चीजें तत्कालिक रूप से आप करिए। तो मैंने उनको क्या सुझाव दिए हैं वो मैं आपसे कहकर खत्म करूंगा। आपके मन में ये आ सकता है कि इस अर्थव्यवस्था को बचाने का रास्ता क्या, हमने विश्लेषण तो किया, ठीक है ये बर्बादी है लेकिन इसमें से बाहर निकलने का रास्ता क्या? तो सरकार को जो करना चाहिए, सबसे पहला काम, बाहर से आने वाले सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ानी चाहिए, और जितनी ज्यादा से ज्यादा कस्टम ड्यूटी बढ़ा सके बाहर से आने वाले सामानों पर उतना ही हमारे उद्योगों को बचाने के लिए अच्छा होगा। तो बाहर से आने वाले सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ानी चाहिए और भारत के अंदर जो टैक्स लगे हुए हैं डोमेस्टिक लेवल पर इनमें कटौती होनी चाहिए, एक्साइज में कटौती होनी चाहिए, इनकम टैक्स में कटौती होनी चाहिए, सेल्स टैक्स में कटौती होनी चाहिए, ऑक्ट्रॉय टैक्स में कटौती होनी चाहिए और सारे टोल टैक्स वगैरह सभी टैक्स में कटौती। तो अंदर जितने टैक्स लगे हैं देश में उन सब में कटौती और बाहर से आने वाले सामानों पर टैक्स ज्यादा से ज्यादा, तो इससे क्या होगा, मंदी कुछ दूर होगी। मैंने एक दूसरा सुझाव और दिया कि जैसे किसानों के ऊपर लगान माफ किया जाता है जब उनके ऊपर बहुत संकट आता है, वैसे ही हम इस देश में अगर चाहें तो 2-3 साल के लिए या संभव हो तो 5 साल के लिए इनकम टैक्स लेना बंद कर दें और भारत सरकार 5 साल के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद कर दे। मेरा अपना बिल्कुल स्पष्ट मानना, इससे क्या फायदा होगा? अगर 5 साल के लिए इस देश का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद हो जाए तो हमारे देश में दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज ये कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का 1 साल का कलेक्शन कितना है, हमारे देश के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का 1 साल का कुल कलेक्शन मुश्किल से 25,000 करोड़ रुपया, उस 25,000 करोड़ रुपए में से 15,000 करोड़ रुपया सरकारी कंपनियों का, BHEL का है, CEL का है, इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का है, जितनी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां उनका 15,000 करोड़ रुपया, प्राइवेट कलेक्शन सिर्फ 10,000 करोड़ का, और वो 10,000 करोड़ का प्राइवेट कलेक्शन करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर साल 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर देता।
तो सिर्फ 7,000 करोड़ का कलेक्शन आता। तो मैंने सरकार को सुझाव दिया है कि ये जो 7,000 करोड़ का कलेक्शन है इसको हम सब्सिडी नहीं दे सकते क्या? और 7,000 करोड़ के इनकम टैक्स में हम मान लीजिए सब्सिडी दे दें तो क्या होगा? तो होगा ये कि 7,000 करोड़ के कलेक्शन करने के लिए खुद सरकार कहती है कि हर साल हमारे देश में 1.5 से 2 लाख करोड़ का ब्लैक मनी जनरेट होता। तो ये 1.5 से 2 लाख करोड़ का जो काला धन है अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद हो जाए तो ये सबका सब सफेद हो जाएगा, माने 1.5 लाख करोड़ का ब्लैक मनी व्हाइट मनी हो जाएगा। और मैं मानता हूं मनी मनी होता है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हुआ करता कभी भी। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इसके कारण कुछ मनी ब्लैक है कुछ मनी व्हाइट है। ये डिपार्टमेंट बंद हुआ तो 1.5 लाख करोड़ का ब्लैक मनी व्हाइट होगा, और वो व्हाइट मनी होगा तो क्या होगा? मार्केट में आएगा, सर्कुलेशन में आएगा। अगर मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपया है, किसी दूसरे के पास 1 करोड़ रुपया है, तो आप करेंगे क्या 1 करोड़ रुपए का? चाटेंगे थोड़ी शहद लगा के। आप उस रुपए को कुछ ना कुछ तरीके से बाजार में लाएंगे, चाहे तो कारखाना चलाएंगे, चाहे तो कोई धंधा करेंगे, चाहे तो कोई रोजगार, कुछ ना कुछ आप करेंगे तो वो पैसा मार्केट में आएगा। तो अभी महत्वपूर्ण ये है कि अगर साल भर के अंदर 1.5-2 लाख करोड़ का पैसा मार्केट में आ जाए तो हमारी मंदी तो हम 2-3 साल के अंदर खत्म कर लेंगे। तो जब ये सुझाव मैंने दिया था तो हमारी बंबई में कुछ MPs लोगों के साथ मीटिंग हुई थी, तो उसमें से एक भाई ने कहा, राजीव भाई आपकी बात तो समझ में आ रही है, आइडिया भी बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन ये होगा कैसे? मैंने कहा बहुत आसान है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बंद करने का नोटिफिकेशन कर दीजिए। तो उसने कहा मुश्किल ये है कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स का क्या होगा? तो मैंने कहा उनके लिए भी काम है हमारे पास, सबको हल दे देंगे और बैल की जोड़ी दे देंगे, जाए खेत में जोते, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है, मेहनत कैसे की जाती। और उन भाई को मैंने एक और दूसरी बात बताई कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद हुआ तो 1.5 लाख करोड़ का ब्लैक मनी व्हाइट हो जाएगा, मार्केट में सर्कुलेशन में आएगा, मंदी दूर हो जाएगी। उससे भी बड़ा एक काम और हो जाएगा कि हमारे देश में 32,000 चार्टेड अकाउंटेंट हैं जो टॉप ब्रेन वाले हैं, वो बेचारे क्या कर रहे हैं? इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कारण वो 1 रुपया इस जेब से उस जेब में, उस जेब से इस जेब में, इसी कैलकुलेशन में लगे हुए। 32,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट है इस देश, और मैं मानता हूं कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना बहुत महंगा है बनिस्बत की ICS ऑफिसर बनना। तो ये देश का टॉप ब्रेन, हमारे देश का ब्रिलियंट ब्रेन कर क्या रहा? 1 रुपया इस जेब से उस जेब में, उस जेब से इस जेब में। तो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही बंद हो जाए तो ये 32,000 लोगों को हम इस राष्ट्र के किसी दूसरे काम में लगा सकते हैं, और जो ज्यादा उत्पादक काम हो सकते हैं। और ये 32,000 टॉप ब्रेन अगर इस देश के विकास के काम में लग गया तो हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया हम बना सकते हैं। तो एक MP भाई ने और एक सवाल पूछ लिया था, राजीव भाई अगर ये टैक्स में हमने कटौती की, मान लीजिए इनडायरेक्ट टैक्सेस भी कम कर दिए, डायरेक्ट टैक्सेस भी कम कर दीजिए, मान लीजिए टैक्स में कटौती आ गई, रेवेन्यू कलेक्शन कम हुआ, तो सरकार का खर्च कैसे चलेगा? मैंने कहा ईमानदारी की बात तो यह है कि सरकार को अपने खर्चे कम करने चाहिए। जब खेती की आमदनी कम है, व्यापारियों की आमदनी कम है, उत्पादन कम है, तो सरकार को भी अपने खर्चे कम करने चाहिए। तो सरकार अपने खर्चे कम करे, बेफिजूल के खर्चे जो हो रहे हैं, अनप्रोडक्टिव जो एक्सपेंडिचर है, नॉन प्लान्ड जो एक्सपेंडिचर है, उसमें आप कटौती लाइए, कमी करिए। और दूसरा तरीका मैंने उनको और बताया कि आप बिल्कुल इसकी बिल्कुल चिंता मत करिए, मैंने तो उनको कहा था कि अगर आप में हिम्मत हो तो 5 साल के लिए पूरी इकोनॉमी को 0 टैक्स बना दीजिए, 5 साल के लिए कोई टैक्स ही नहीं लिया जाए, और आप देखिए हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बनता है कि नहीं बनता। तो उन्होंने कहा 5 साल के लिए 0 टैक्स बना तो देंगे, लेकिन खर्चा कैसे चलेगा सरकार का? मैंने कहा उसका बहुत अच्छा तरीका, हमारे देश के घोटालेबाज नेताओं का करोड़ों डॉलर विदेशी बैंकों में जमा है, तो उसको आप वापस भारत में ले आइए। तो कितना जमा है मालूम है? 140 अरब डॉलर परदेशी बैंकों में पड़ा हुआ, हमारे देश के घोटालेबाज में था। 140 बिलियन डॉलर, ये उतना ही पैसा है जितना हमारे ऊपर परदेशी कर्जा है। तो उन्होंने कहा ये कैसे संभव है? मैंने कहा बहुत आसान काम है कि ये घोटालों के माध्यम से जो पैसा देश के बाहर गया है, इसको आप कानून बनाकर पार्लियामेंट से ये घोषित करा दीजिए कि ये राष्ट्रीय संपत्ति है, और जैसे ही परदेशी बैंकों में पड़ा हुआ पैसा राष्ट्रीय संपत्ति घोषित आप करेंगे, वैसे ही परदेशी बैंकों में वो रह नहीं सकेगा, क्योंकि स्विस बैंकों का कानून है कि वहां पर पर्सनल प्रॉपर्टी रख सकते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं, नेशनल प्रॉपर्टी वहां नहीं रखी जाती। तो स्विस बैंकों के जो कानून है उनका फायदा हम क्यों नहीं उठाएं अपने देश के लिए?
तो उनके यहां वो नेशनल प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, वो सिर्फ पर्सनल प्रॉपर्टी रखते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी रखते हैं। तो जैसे ही हम उसको नेशनल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कराएंगे, राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कराएंगे, वैसे ही वो सारा पैसा देश के अंदर आएगा। और $140 अरब उतना है जितना भारत सरकार 5 साल में टैक्स के माध्यम से इकट्ठा करती है। तो 5 साल के लिए पूरी इकोनॉमी को जीरो टैक्स बनाया जा सकता है। तो कहने लगे, हाँ बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन होगा कैसे? मैंने कहा, देखिए इसका करना भी बहुत आसान है कि आप एक बिल लाइए पार्लियामेंट में और घोषित कराइए कि ये सारा पैसा राष्ट्रीय संपत्ति है। और मैंने उनको कहा है कि जब आप पार्लियामेंट में ये बिल लाएंगे तो कोई माई का लाल नेता इसका विरोध नहीं कर सकेगा। जो विरोध करेगा वही सारे देश के सामने एक्सपोज हो जाएगा कि इसी का पैसा परदेशी बैंक। कोई विरोध कर ही नहीं सके, तो इसलिए सबका सब पैसा देश में आ जाएगा। तो फिर एक एमपी ने मुझसे यह भी पूछा था कि ऐसा कभी हुआ है दुनिया में? तो मैंने उनका ताजा उदाहरण है, अफ्रीका में एक देश है उसका नाम है जायरे। जायरे देश का एक प्रेसिडेंट था, उसका नाम था मोबुटू। बहुत करप्ट आदमी, सारा देश लूट के पैसा विदेशी बैंक में जमा कर दिया। अब मोबुटू की सत्ता पलटी, अभी नई सरकार आई है, 3 महीना हुआ है जायरे में सत्ता परिवर्तन हो गया। तो अभी नई सरकार जो आई उसने क्या किया कि मोबुटू का जितना पैसा स्विस बैंक में है सबको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया कानून बनाकर जायरे की संसद से। नतीजा क्या निकला है? उन्होंने राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया और स्विस बैंकों में 56 लाख स्विस फ्रांक इतना पैसा मोबुटू का था, वो सबका सब जायरे सरकार को उन्होंने सौंप दिया। तो अभी जायरे एक ऐसा देश है जो अपना सारा परदेशी कर्ज चुका देगा उस पैसे। ऐसा एक बार और हुआ है ब्राजील, और ऐसा एक बार और हुआ है फिलीपींस में। तो जायरे कर सकता है, ब्राजील कर सकता है, फिलीपींस कर सकता है, तो भारत क्यों नहीं कर सकता? बस संकल्प शक्ति की जरूरत है और सारे देश की जनता को इस बात के लिए जागृत करने की जरूरत है। और ऐसे ही एक सुझाव मैंने और दिया है भारत सरकार को कि अमरीकी संसद ने अभी एक कानून पारित किया है, उस कानून का नाम है बाय अमेरिकन एक्ट। आप समझते हैं इसका मतलब? अमरीकी माल खरीदो, इसके लिए कानून बन गया है अमरीका में। तो अमरीका ने यह कानून क्यों पारित किया है? अमरीका में 50 स्टेट हैं, राज्य सरकारें हैं, तो सभी राज्य सरकारों को इस कानून के बाद जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो जितनी सरकारी खरीद करेंगे वो सिर्फ अमरीकी कंपनियों से ही करेंगे। कोई परदेशी कंपनी का माल अमरीका की कोई राज्य सरकार अब नहीं खरीदेगी, कानून बना दिया। तो मैंने भारत सरकार को सुझाव दिया है कि अगर अमेरिकन पार्लियामेंट में बाय अमेरिकन एक्ट बन सकता है तो हमारी संसद में बाय इंडियन एक्ट क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल संभव है ये। और अगर अमेरिका अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, घरेलू उद्योगों को रक्षा करने के लिए कानून बना सकता है तो हम भी हमारी संसद से बना सकते हैं और कोई हमको नहीं रोकने वाला। ऐसे कर करके कुछ 40-41 सुझाव दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि उनमें से कुछ सुझाव अगर ये लागू करेंगे तो इस साल बजट के बाद कुछ स्थिति बदलेगी, और अगर नहीं किए तो हमारा देश इंडोनेशिया, साउथ कोरिया वाले रास्ते पर और 2 कदम आगे चला जाएगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि भारत सरकार के ऊपर भी ये सतत दबाव बने, उसके लिए भी आपको ये सब बातें विचार के रूप में, बहस के रूप में पूरे समाज में चलानी पड़ेगी। और इन सब बातों को सूत्र रूप में चलाने का एक ही तरीका है, स्वदेशी और स्वदेशी की बात, स्वदेशी का प्रचार, स्वदेशी का आंदोलन, उसके माध्यम से ये सब बातें आप कह सकते हैं, प्रचारित कर सकते हैं। तो यही मैं आपसे कहने आया था। और ये सब बातें हमारे समाज में जाएं, इन पर बहस हो, विचार हो, चिंतन हो, और ये सब चिंतन, बहस, विचार के बाद कोई रास्ता निकले तो इस समाज को आगे भी हम ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारा समाज तो विचारशील समाज रहा है, शास्त्रार्थ करने वाला समाज रहा, बहस करने वाला समाज रहा। इसलिए मेरा आपसे एक आखिरी निवेदन और है कि आपका दिमाग इन सब चीजों पर सोचे, चिंतन करे, बहस करे। इसके लिए एक छोटा सा काम करिए कि टेलीविजन का स्विच ऑफ कर दीजिए, अपने अपने घर का टीवी बंद कर दीजिए, क्योंकि जब से टीवी चल रहा है आपने चिंतन करना छोड़ दिया है। इस टेलीविजन का सबसे ज्यादा नुकसान अगर कोई हो रहा है समाज को तो हमारी विचारशीलता खत्म हुई है, बहस करने की शक्ति खत्म हो गई है, विश्लेषण करने की शक्ति खत्म हो गई है, देश और समाज और राष्ट्र के बारे में सोचने की बातें हमने बहुत पीछे छोड़ दी हैं क्योंकि टेलीविजन में फंस गए। और होता क्या है,
दिन भर मान लीजिए हमारे मन में कोई विचार आता भी है, कोई चिंतन हम करते भी हैं राष्ट्र के लिए देश के लिए, और घंटे भर का चित्रहार देख लेते हैं तो सब साफ हो जाता है दिमाग में से। क्योंकि जब आप चित्रहार देख रहे हैं और आपको गीत सुनाया जा रहा है चोली के पीछे क्या है और चीज बड़ी है मस्त मस्त, तो आप राष्ट्र की बात सोचेंगे उस समय, समाज की बात सोचेंगे कि देश की बात सोचेंगे। इसलिए मेरा आपसे बहुत विनम्र निवेदन है कि आज आपके चिंतन की, आपके विचार की इस राष्ट्र को जरूरत है। तो वो चिंतन और विचार आप तब कर सकेंगे जब टेलीविजन देखना बंद करें। तो मेरा आपसे आखिरी निवेदन है कि आप टीवी बंद करिए, और टीवी इसलिए भी बंद करिए कि ये देखने लायक नहीं। जिससे भी मैं पूछता हूं कि भाई टीवी क्यों देखते हो, हर व्यक्ति एक ही जवाब देता है, राजीव भाई मनोरंजन करने के लिए। अब वो मनोरंजन में क्या होता है, घर के छोटे छोटे बच्चे, उनके साथ उनके मम्मी पप्पा, उनके साथ उनके दादा दादी, सब आंखें फाड़ फाड़ के चित्रहार देखते हैं जो देखने लायक नहीं। और दादा दादी तीन तीन पीढ़ियां एक साथ बैठ के 60-60 साल के बूढ़े चित्रहार देखते, पता नहीं क्या मजा आता है, शर्म नहीं आती किसी को अपनी आंखों में, क्या देख रहे हैं। उनके बच्चे भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, और पूरा का पूरा परिवार का सत्यानाश हो रहा, मर्यादाएं खत्म हो। इसलिए आप ये टीवी बंद करिए, और इसलिए भी बंद करिए कि ये टीवी नहीं है, इडियट बॉक्स, बुद्धू बक्सा है। और इसकी इडियोसिटी कितनी जबरदस्त है उसका एक उदाहरण मैं आपको दूं। ये टेलीविजन पे किस तरह की इडियोसिटी आती है, एक एडवर्टीजमेंट आता है जिसमें एक छोटा सा बच्चा कहता है आई एम ए कॉम्प्लेन बॉय, तो फिर एक छोटी सी बच्ची कहती है आई एम ए कॉम्प्लेन गर्ल, इसका माने क्या, मैं कॉम्प्लेन का बेटा हूं और मैं कॉम्प्लेन की बेटी हूं, और कॉम्प्लेन क्या है, टिन का डिब्बा। अब आप बताइए टिन के डिब्बा के बेटा बेटी हो सकते, और अगर टिन के डिब्बा के बेटा बेटी हो रहे हैं तो ये आपके पुरुषत्व को सबसे बड़ी चुनौती है। बेटा बेटी मम्मी पप्पा के हैं कि कॉम्प्लेन के हैं। फिर आप कहते हैं आजकल के मां बाप से मैं एक ही बात सुनता हूं, राजी भाई हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं है, हमारी मानते नहीं है, वो सुनेंगे मानेंगे कैसे, वो आपके हैं कहा, वो तो कॉम्प्लेन के। इसलिए ये टीवी नहीं है, इडियट बॉक्स। और इसकी इडियोसिटी का एक दूसरा उदाहरण, टेलीविजन पे जाहिरात आता है लाइफ बॉय है जहां, तंदुरुस्ती है वहां। अभी आप बताइए कि तंदुरुस्ती अगर लाइफ बॉय से आती है तो भोजन क्यों करते। आज के बाद सब भोजन करना बंद करिए, एक एक लाइफ बॉय खरीद लीजिए और दिन में 10-10 बार रगड़िए, सबकी तंदुरुस्ती बनी। ऐसे ही इडियोसिटी दिखाते हैं टेलीविजन पे, कहता है लाइफ बॉय मैल में छुपे कीटाणुओं को धो डालता है। कभी टीवी नहीं कहता कि मैल में छुपे कीटाणुओं को मार देता, हमेशा कहता धो डालता है। इसका मतलब जानते हैं क्या, जो कीटाणु मैल में छुप गए हैं इनको धो पहुंच के और तंदुरुस्त बना देता है। इसलिए टीवी नहीं है, इडियट बॉक्स। क्या दिखाते हैं जाहिरात में, एक खिलाड़ी है जो फुटबॉल खेलना नहीं जानता, लाइफ बॉय लगा के जब फुटबॉल खेलने जाता है बिना गोल मारे वापस नहीं लौटता। तो मुझे लगता है भाई लाइफ बॉय लगाने से ही इतना अच्छा कोई खिलाड़ी बनता है तो पूरी की पूरी फुटबॉल टीम को लाइफ बॉय की एजेंसी दे देनी चाहिए। क्योंकि हमारी फुटबॉल टीम जब ओलंपिक में जाती है तो 0 अंडा लेके आती है, क्वालिफाइंग राउंड बाहर हो जाती है। उस दिन मुझे इतना अफसोस होता है कि एक एक खिलाड़ी को 2-3 पैकेट लाइफ बॉय के मिले होते तो 10-12 गोल्ड मेडल तो आ ही जाते। ये टीवी नहीं है, इडियट बॉक्स। क्या इडियोसिटी दिखाते हैं टेलीविजन पे, एक जाहिरात आता है फेयर एंड लवली, क्या है, गोरेपन की क्रीम। अभी आप बताइए फेयर एंड लवली लगाने से सब गोरे हो जाते हो तो दक्षिण भारत में तो कोई काला नहीं रहना चाहिए। आप एक नहीं 100 फेयर एंड लवली लगाइए, आप जैसे हैं वैसे ही रहने वाले, कोई फर्क नहीं पड़े। ऐसे ही टेलीविजन की इडियोसिटी है, उस पर एक जाहिरात आता है रोटोमैक, एक पेन है, क्या होता है उससे लिखते लिखते, हाँ जरा बताइए कि ऐसा भी कोई पेन आता है जिससे लिखते ही लिखते सब हो जाए। और आपके देश के बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि लिखते लिखते सब करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए ये टीवी नहीं है, इडियट बॉक्स। और इसकी इडियोसिटी का नमूना देखिए, एक विज्ञापन आता है कॉलगेट का, उसमें क्या दिखाते, दो पति पत्नी साथ साथ चल रहे, थोड़ी देर के बाद पत्नी मुंह फेर लेती है,
और अपनी सहेली से कहती, कैसे कहूं उनकी सांस में बदबू आती है। तो उसकी सहेली कहती है, सांस में बदबू, चल मेरे साथ। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं, अरे कॉलगेट का सुरक्षा चक्र तो अपनाया नहीं, सांस में बदबू तो आएगी। तो उनके घर में कॉलगेट आ जाता है। उनके मिस्टर जिनकी सांस में बदबू आती है, वो कॉलगेट रगड़ते हैं। कॉलगेट रगड़ने के बाद दिखाते हैं उनकी पत्नी उनके नजदीक आ जाती है और नीचे एक लाइन लिखते हैं, दूरियां नजदीकियां बनी। जानते हैं इसका मतलब क्या? इसका मतलब है, दो पति पत्नी अगर कॉलगेट नहीं करेंगे तो दूर दूर रहेंगे, कॉलगेट करेंगे तभी नजदीक आएंगे। बताइए, इससे बड़ी बेवकूफी कुछ हो सकती? भारतीय संस्कृति कहती है कि पति पत्नी का रिश्ता परस्पर प्रेम, परस्पर विश्वास, परस्पर सद्भाव पर टिका होता। ये इडियट बॉक्स कह रहा है कि कॉलगेट पेस्ट पर टिका हो। और ये टेलीविजन की इडियोसिटी इतनी बढ़ गई है, अभी टेलीविजन पे एक जाहिरात आता है चिकलेट्स की गोलियां। तो चिकलेट्स की गोलियों का क्या विज्ञापन आता है? एक भाई आता है कोई नौजवान, वो एक लड़की को चिकलेट्स की गोलियां देता, लड़की उसके पीछे पीछे चल देती। माने इस देश की लड़कियां इतनी सस्ती हैं कि चिकलेट्स की गोली पर किसी के भी पीछे चल दे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये टेलीविजन नहीं है, इडियट बॉक्स है। और आप क्या करते हैं कि बार बार लगातार यही इडियोसिटी देखते हैं, बेवकूफी देखते हैं, और आप फिर वही बेवकूफी करते हैं बाजार में जाके, वो सामान खरीद के लाते हैं। इसलिए मैं आपसे मना कर रहा हूं कि ये टीवी बंद करिए। और ये टीवी इसलिए भी बंद कर दीजिए कि बच्चों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा। अभी मैं पूना में था, मेरा जाहिर व्याख्यान हुआ, एक डॉक्टर आया मेरे पास व्याख्यान के बाद। उसने बताया, राजीव भाई पूना के मेंटल हॉस्पिटल में वो डॉक्टर नौकरी करता, उसने बताया कि एक बच्ची है 12 साल की, जी हॉरर शो देखकर पागल हो गई, उसका इलाज चल रहा अभी पूना। अभी चंद्रपुर में जब मैं गया था तो मेरे जाहिर व्याख्यान के बाद एक बहुत ही गरीब मजदूर आया रोता हुआ, मंच पे आ गया। कहने लगा, राजीव भाई मेरे घर का तो सत्यानाश हुआ। मैंने कहा, क्या हुआ तेरे घर में? तो कहने लगा, मैं बहुत गरीब मजदूर हूं, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं, लेकिन मेरा एक 11 साल का बेटा, वो रोज मुझको कहता था कि टीवी लाओ, टीवी लाओ, टीवी लाओ। मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने बैंक से कर्जा लेकर टीवी खरीद लिया। और टीवी खरीद लिया तो उसका जो 11 साल का बेटा था, वो टेलीविजन पे एक सीरियल देखता था, उसका नाम था शक्तिमान। वो शक्तिमान सीरियल में पता नहीं क्या दिखाते हैं कि वो कोई है घूमता हुआ, ऊपर से कूदता है, जमीन पे आता है, कोई हीरो है उसका। तो बच्चा देखता था उसको गौर से। एक दिन क्या किया उसने, छत पे चढ़ गया और घूमते हुए कूदा छत पर से, उसके दोनों पैर टूट गए। उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया, डॉक्टरों ने एग्जामिन किया, उसके बाद उसको पैरालिसिस का अटैक आया, उसकी दोनों टांगें बेकार हो गई हमेशा के लिए। तो गरीब मजदूर कह रहा था कि राजीव भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यही 11 साल का बेटा मेरी संपत्ति थी, ये चला गया मेरे हाथ से, अब क्या करेंगे। टेलीविजन का क्या असर होता है बच्चों पर, ये अहमदाबाद शहर की एक दुर्घटना मैं आपको बता रहा हूं। एक 7 साल की बच्ची ने अपने 1.5 साल के भाई को वॉशिंग मशीन में डाल दिया। क्यों? वो जो उसका 1.5 साल का भाई था वो थोड़ा काले रंग का था, उस बच्ची को ऐसा लगता था कि वॉशिंग मशीन से हर चीज साफ होकर निकलती है, तो उसने डाल दिया उसमें और बटन चला दिया उसे, खून ही खून, और बच्चा मर गया। अब वो 7 साल की बच्ची का कसूर क्या, क्योंकि रोज तो वो टीवी पे यही देखती थी। मेरे इलाहाबाद शहर के बाजू में लखनऊ एक शहर है, वहां क्या हुआ, पिछले साल एक 4.5 साल का बच्चा था, वो क्या करता था, टेलीविजन पे एक विज्ञापन देखता था, थम्सअप का एक विज्ञापन आता था, उसमें एक नौजवान पैर में रस्सी बांध के उल्टा कूदता था। तो वो 4.5 साल के बच्चे ने एक दिन अपने दोनों पैर में रस्सी बांधी, छत पे से कूद गया, सड़क पे गिरा, सिर फटा और मर गया। कितना बुरा असर पड़ता है बच्चों पर टेलीविजन का, उसके लिए मैं कुछ नमूने आपको दे रहा हूं। और अमेरिका में भी यही हालत है, हमारे यहां ऐसा नहीं, अमेरिका में भी यही हालत। अमेरिका में अभी दो बच्चों ने, प्राइमरी स्कूल के दो बच्चों ने अपनी क्लास के 5 बच्चों का मर्डर कर दिया राइफल से। एक बच्चे की उम्र 11 साल, दूसरे की उम्र 13 साल, और उन दोनों बच्चों को पुलिस पकड़ के ले गई। पुलिस ने उनसे पूछा कि तुमने ये क्यों किया, क्योंकि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अमेरिका में सजा नहीं दी जा सकती। तो पुलिस ने पूछताछ की तो दोनों बच्चों ने कहा कि हम 15 दिन से एक सीरियल देख रहे थे, उस सीरियल में जो हीरो है वो ऐसे ही मर्डर करता था, तो हमने कर दिया। उसके बाद अभी टेक्सास के एक सबर्ब में दूसरी दुर्घटना हुई, एक खुली जीप में अमेरिका के 10-12 बच्चे सवार हुए, उनके हाथ में स्टेन गन थी, टेक्सास के एक सबर्ब में गोलियां चलाते हुए बाजार में से निकल गए, 34 लोगों को मार दिया।
पुलिस ने उनको पकड़ा, उन नौजवानों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने एक फिल्म देखी टेलीविजन पे, उसमें इसी तरह से गोलियां चलाई गई थी तो हमने चलाई। उसके बाद बिल क्लिंटन ने सेनेट में स्टेटमेंट किया, उन्होंने कहा कि अमरीकी बच्चे अगर टीवी देखकर हत्याएं करना सीख रहे हैं और हत्यारे बन रहे हैं तो हमको ये टेलीविजन चैनल बंद करने के बारे में सोचना पड़ेगा। तो शायद अब वहां टेलीविजन चैनल बंद होंगे, लेकिन दुर्भाग्य मेरे देश का है कि जो कुछ वहां बंद होता है वो भारत में चालू हो जाता। स्टार टीवी बंद हुआ यूरोप में, वो यहाँ चालू हो गया। CNN बंद हुआ यूरोप में, बहिष्कार हुआ, वो यहाँ चालू हो गया। जी और इस तरह के बेवकूफी के सीरियल कोई भी वहां चलते, वो यहाँ चालू हो। बोल्ड एंड ब्यूटीफुल नाम का टीवी सीरियल पूरे यूरोप में बैन है, सिर्फ ब्रिटेन को छोड़कर बाकी दुनिया के किसी भी देश में नहीं चलता। फ्रांस की सरकार ने सबसे पहले बैन किया था बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, लेकिन हमारे देश में धड़ल्ले से चल रहा। ऐसे तमाम उल्टे सीधे टीवी सीरियल आपके बच्चे देख रहे हैं, जिसका बहुत बुरा असर उन बच्चों के मन पर पड़ रहा है। और आप जानते हैं बच्चे बहुत भोले होते हैं, जो देखते हैं वही करते हैं अपने जीवन में, जो सुनते हैं वही करते हैं अपने जीवन में। तो हमारे देश के बच्चे क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इस देश के बच्चों को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, गाना चाहिए मेरा रंग दे बसंती चोला, और ये गा रहे हैं चोली के पीछे क्या। कितनी गिरावट आई है संस्कृति में इस टेलीविजन से, उसका ये नमूना। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जितनी जल्दी संभव हो ये टीवी चैनल बंद करिए, और इसलिए भी बंद करिए कि बहुत सारे टीवी चैनल अमेरिका के हैं। स्टार टीवी अमेरिका का है, ESPN अमेरिका का है, CNN अमेरिका का है, और ये सारे के सारे टीवी चैनल जब चलते हैं हमारे घर में तो इन टीवी चैनलों का पैसा हिंदुस्तान से बाहर जाता है। एक साल में जी सिनेमा, स्टार मूवीज और ESPN, इन तीन चैनलों का 225 करोड़ रुपया भारत से चला जाता है विदेश में। तो पैसा भी हमारा जा रहा है, बर्बादी आ रही है हमारी, और देश के बच्चों के संस्कार भी खराब हो रहे हैं। तो ये संस्कार खराब हो गए और बच्चों का चरित्र बर्बाद हुआ तो आने वाली नौजवान पीढ़ी को क्या नसीहत देंगे। इसलिए मेरा आपसे ये आखिरी निवेदन है कि इस देश की नौजवान पीढ़ी बचे और इसके संस्कार बचे, भारतीय संस्कृति बचे, इसके लिए जितनी जल्दी हो अपने घर का टीवी बंद कर दीजिए। आप पूछेंगे फिर क्या करें मनोरंजन के लिए, बच्चों को अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने को दीजिए, साहित्य की पढ़ाई करिए और आप कराइए। बच्चों को संगीत की शिक्षा दीजिए और आप खुद सीखिए। कला की शिक्षा दीजिए और सिखाइए। साहित्य, संगीत, कला, इन तीन चीजों में जो बच्चों को शिक्षा मिलेगी और मनोरंजन होगा वो किसी भी दूसरे चीज में नहीं है। तो मेरा आपसे ये आखिरी निवेदन है कि घर से टीवी निकालिए, साहित्य, संगीत, कला के माध्यम से बच्चों में परिष्कार डालिए, संस्कार डालिए, और इस देश के साथ जो सांस्कृतिक आक्रमण चल रहा है इसको रोकने में मदद करिए। तो आपसे यही छोटी छोटी कुछ बातें कहने आया था। स्वदेशी अपनाइए, टेलीविजन का बहिष्कार करिए, अमरीकी कंपनियों का बहिष्कार करिए, ज्यादा से ज्यादा इस देश के आसपास बनने वाले सामान को खरीदिए, हमारे देश के छोटे उद्योग जो बनाते हैं वो सामान खरीदिए, तो इस देश की अर्थव्यवस्था को बचा सकते हैं। स्वदेशी ला सकते हैं तो अर्थव्यवस्था बचेगी, टेलीविजन बंद होगा, केबल कनेक्शन का बहिष्कार होगा तो संस्कृति बचेगी। और इसी सब काम के लिए आपसे कुछ दान मांगने आया, वोट मांगने आया नहीं, कभी आऊंगा नहीं, किसी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं, ना आपसे नोट मांगने आया। आपसे वोट नहीं चाहिए, आपसे नोट नहीं चाहिए। आप फिर पूछेंगे क्या चाहिए हमको, मुझे आपसे क्या चाहिए? आपका एक तो संकल्प चाहिए जो आप अपने जीवन में धारण करेंगे स्वदेशी का, और दूसरा आपसे समय दान चाहिए। एक दिन में आपके पास 24 घंटे का समय है, इसमें से 23 घंटे आप अपने लिए रखिए, एक घंटे का समय दान करिए। तो एक घंटे में आप क्या करेंगे? जो कुछ मैंने आपसे कहा यही बात आप रोज कम से कम 2-3-5 लोगों को कहिए, कम से कम। और रोज अगर एक व्यक्ति को भी आप ये बात कहें तो साल में 365 परिवारों तक ये संदेश पहुंचेगा। और जो भी व्यक्ति यहां है, अगर एक एक व्यक्ति साल में 365 परिवारों तक ये संदेश पहुंचाएगा तो एक बहुत बड़ी क्रांति इस देश में हो जाएगी। तो घर घर, गांव गांव, गली गली इस विचार का प्रचार करना है, और घर घर, गांव गांव, गली गली इस विचार के प्रचार के लिए आपका संकल्प चाहिए, आपका समय दान चाहिए। इस काम में जो भी लोग समय दान देना चाहते हो, जिनको भी लगता हो कि राजीव भाई हम इस काम में लग सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, वो अपना नाम पता, वहां एक स्टॉल लगा हुआ है जिस पर कुछ पुस्तकें और कैसेट मिल रही हैं, वो आप देकर जाइएगा। आपका नाम पता हमारे पास रहेगा, हम सारे देश में इस आंदोलन को चला रहे हैं और इसके माध्यम से एक बड़ा संगठन बना रहे हैं, क्योंकि बिना संगठन के कोई भी बड़ा काम लंबे समय तक इस देश में नहीं किया जा सकता। तो आप जैसे लोगों का समय दान अगर मिलेगा तो ये संगठन बनेगा, और ये संगठन बनेगा सारे देश में चलेगा, तो एक नए तरह की क्रांति का सूत्रपात इस देश में होगा, जिसमें वोट नहीं, नोट नहीं, समय के दान के साथ राष्ट्र और समाज का काम करना है। उसी काम के लिए मुझे आपसे थोड़ा सा समय दान
योगदान की अपेक्षा है। अगर आप दे सकें तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।